नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट चैप्टर का रिवीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 10 मार्क्स का इस चैप्टर का हमेशा वेटेज रहता है। और इस चैप्टर में जो जनरली क्वेश्चन आता है वो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट जो होते हैं इनके टैक्सेशन का क्वेश्चन आता है, मतलब इनकी टोटल इनकम निकालनी पड़ती है आपको। दूसरा, कभी कभी इन पे एग्जिट टैक्स लगता है, उसका क्वेश्चन आ जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले अपन इसे देखेंगे चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट का टैक्सेशन कैसे होता है, इनकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, कैसे इनको एग्जिमिशन मिलती है, ये सब बातें कहाँ बता रखी है, इनकम टैक्स के सेक्शन 11-13 में बता रखी है। सेक्शन 11, 12, 13, इन तीन सेक्शन को अपन पढ़ेंगे। इन तीन सेक्शन में चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के टैक्सेशन को पूरा डिटेल में बता रखा है। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट में ये तीन सेक्शन ही अप्लाई होते हैं, 11, 12, 13। उसके अलावा आपको इनकम टैक्स के बाकी सेक्शन को ध्यान नहीं देना। जो सेक्शन 11, 12, 13 में बातें लिख रखी हैं वो अपन को फॉलो करनी है। इनकी इनकम निकालने के लिए वही बातें फॉलो होंगी। ऐसा नहीं कि अपन इनकी इनकम वो पांच हेड की इनकम की तरह निकालेंगे, वैसे नहीं निकलती, इनकी अलग तरीके से निकलती है। 11, 12, 13 अपन को फॉलो करने। तो बाकी सेक्शन अपने जो होते हैं ना, PGBP के, हाउस प्रॉपर्टी के, सैलरी के, अदर सोर्स के, कैपिटल गेन के, वो यहाँ काम के नहीं होते। सेक्शन 11, 12, 13 में जो बातें लिख रखी हैं वो काम की हैं। वो क्या है वो अपन डिटेल में देखेंगे। अब चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट का टैक्सेशन देखने से पहले अपन को जानना पड़ेगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट कौन से होते हैं और रिलीजियस ट्रस्ट कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं, अगर किसी भी ट्रस्ट का उनमें से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव है वो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं चैरिटेबल बनने के लिए? पहले बता रखा है अगर किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव रिलीफ ऑफ पुअर का है, गरीबों की मदद करने का है, तो वो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। दूसरा, किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव एजुकेशन देने का है, मतलब कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट इस एजुकेशन वाले पॉइंट में कवर नहीं होंगे। तीसरा, किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव योग की शिक्षा देने का है, योग का है, तो वो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। चौथा, किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव मेडिकल रिलीफ देने का है, मतलब कोई हॉस्पिटल है या कोई नर्सिंग होम वगैरह है, वो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके आगे बता रखा है किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंट, मतलब प्रकृति की रक्षा करने का है, इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। अगला बता रखा है किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिक प्लेसेस या हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स वगैरह की रक्षा करने का है, वो बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। ये थे 6 पॉइंट। इसके बाद एक स्पेशल पॉइंट और है, वो बोलता है अगर किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए कुछ भी सर्विस सप्लाई करने का या कुछ भी गुड्स सेल करने का है, वो भी बन जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट। मतलब लास्ट पॉइंट में सभी चीज़ों को कवर कर लिया। सभी चीज़ें कैसे, मान लो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हो तो वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। मान लो आप पानी की सेल करते हो, मतलब पानी की बोतल सेल करते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। मान लो आपका एक रेस्टोरेंट है, चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। मान लो आप सैनिटाइजर सेल करते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट बन जाएगा। अब लोग क्या करें, लोग इस पॉइंट का फायदा उठाने लग गए। लोग क्या करते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते थे, बोलते थे चैरिटेबल ट्रस्ट है। लोग पानी की बोतल बेचते थे, बोलते थे चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो गवर्नमेंट ने इस पॉइंट पर क्या कर दी, एक लिमिट लगा दी। तो अपन ध्यान देना, एक लिमिट पढ़ेंगे। ये लिमिट किसके लिए, ओनली इसी पॉइंट के लिए, जनरल पब्लिक वाले पॉइंट के लिए। क्या लिमिट है, अगर जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला काम करते हो आप, तो जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला काम चैरिटेबल नहीं माना जाएगा। वो चैरिटेबल नहीं माना जाएगा अगर आपकी बिजनेस रिसीट या ट्रेड रिसीट, अगर आपकी बिजनेस रिसीट या बिजनेस एक्टिविटी वाली रिसीट टोटल रिसीट का 20% से ज़्यादा हो जाती है। मतलब बिजनेस से जो आपको रिसीट हो रही है, बिजनेस से जो आपका पैसा आ रहा है, बिजनेस जो रिसीट हो रही है वो टोटल रिसीट का 20% से ज़्यादा हो जाती है, तो जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला जो काम है, ये जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला काम है, ये चैरिटेबल नहीं माना जाएगा और आपको एग्जिमिशन नहीं मिलेगी। ये चैरिटेबल नहीं माना जाएगा और आपको एग्जिमिशन नहीं मिलेगी। हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, बस आपको एग्जिमिशन नहीं मिलेगी। सेक्शन 11 में जो एग्जिमिशन मिलती है ना, वो आपको नहीं मिलेगी। तो इससे क्या हुआ, अब कोई भी बंदा इस पॉइंट में कवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अगर कोई बिजनेस करेगा, मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेगा या मान लो कोई पानी की बोतल सेल करेगा, तो उसकी बिजनेस रिसीट कन्फर्म है कि 20% से ज़्यादा जाएंगी। उसकी बिजनेस रिसीट कन्फर्म है कि 20% से ज़्यादा जाएंगी। हाँ, मान लो वो फ्री में खोलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट या फ्री में पानी की बोतल सप्लाई करता है, तो हो सकता है कि उसका बिजनेस की रिसीट तो होंगी नहीं, बस उसको थोड़ा बहुत दान मिलता है, तो हो सकता है कि वो चैरिटेबल बन जाए। लेकिन वो बिजनेस करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बिजनेस करता है या पानी की बोतल का बिजनेस खोल के धंधा करता है, तो फिर वो कवर ही नहीं होगा, क्योंकि ये लिमिट डाल दी। क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपकी बिजनेस रिसीट अपने आप 20% से ज़्यादा जाएंगी। तो ये जो पॉइंट है, ये नोट है, ये किसके लिए है, ओनली इस जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाले पॉइंट के लिए, बाकी पॉइंट के लिए नहीं है। बाकी पॉइंट में आपकी बिजनेस की रिसीट ज़्यादा भी चली जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो आप का ऑब्जेक्टिव क्या है, योग की शिक्षा देने का है, आपने एक योग का इंस्टीट्यूट खोल रखा है, योग इंस्टीट्यूट खोल रखा है, योग की शिक्षा देने के लिए योगा का इंस्टीट्यूशन खोल रखा है, तो उससे आपकी रिसीट ज़्यादा जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही मान लो आपका ऑब्जेक्टिव है मेडिकल रिलीफ देने का, आपका एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर आपने एक मेडिकल की शॉप खोल रखी है, मेडिकल की दुकान खोल रखी है, मेडिकल की दुकान भी एक तरीके से बिजनेस का काम हो गया, लेकिन आपकी रिसीट ज़्यादा जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही मान लो, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं,
जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, आपने एक स्कूल खोल रखी है, अब स्कूल के अंदर आपने एक बुक्स की दुकान भी खोल रखी है, बुक्स की और यूनिफॉर्म वगैरह भी आप सेल करते हो, तो उसकी रिसीट मान लो ज़्यादा जा रही है 20%, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 20% की लिमिट किसमें लगेगी? अगर आपका कोई और ऑब्जेक्टिव है जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए, तो अपन ये लिमिट चेक करते हैं। तो ये लिमिट देखी जाती है कि बिजनेस रिसीट अगर 20% तक है तो ठीक है, 20% से ज़्यादा चली गई तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, बस आपको उस ईयर के लिए एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इस चक्कर में क्या होगा, कोई भी अगर बिजनेस करेगा कोचिंग का या मान लो पानी की बोतल सेल करने का, वो कवर ही नहीं होगा इसमें, क्योंकि बिजनेस रिसीट ज़्यादा होंगी तो भी क्या है, जनरल है कि वो कवर इसमें होगा ही नहीं। काम खत्म। अब अपन आगे देखते हैं अगला सेक्शन, सेक्शन 1023C, ट्रस्ट का टैक्सेशन। देखने से पहले अपन को एक सेक्शन देखना पड़ेगा, सेक्शन 1023C, सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C। इस सेक्शन में क्या कर रखा है, कुछ एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन की इनकम को एग्जम्प्ट कर रखा है, कुछ एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन की इनकम को एग्जम्प्ट कर रखा है। कौन कौन से एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन कवर है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब होता है कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और मेडिकल इंस्टीट्यूशन मतलब होता है हॉस्पिटल। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, इन चार चीज़ों के लिए बना हुआ है सेक्शन 1023C। किसके लिए? स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए और हॉस्पिटल के लिए। ये बोलता है कि अगर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल है जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, तो उनको हम कुछ एग्जिमिशन देंगे। क्या एग्जिमिशन देंगे? तीन तरह की एग्जिमिशन बता रखी है। पहला पॉइंट बता रखा है, तो कोई भी स्कूल है, कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी हॉस्पिटल है जो होली या सब्सटेंशली गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस है, जो होली या सब्सटेंशली गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस है, मतलब एक तरीके से कोई गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट जो है, जो उस स्कूल वगैरह को मिल रहा है, वो कितना है? टोटल रिसीट का 50% से ज़्यादा है, टोटल रिसीट का 50% से ज़्यादा है, तो उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल की पूरी इनकम क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। चाहे रिसीट कितनी भी हो, 50 करोड़ की रिसीट हो, 100 करोड़ की रिसीट हो, 5 करोड़ की रिसीट हो, 6 करोड़ की रिसीट हो, पूरी की पूरी इनकम क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। दूसरा, कोई अदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल है, मतलब एक तरीके से प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल है, तो उसकी अगर ग्रोस रिसीट, उसकी एनुअल रिसीट, ग्रोस रिसीट कितनी है? अप टू ₹5 करोड़ है, अप टू ₹5 करोड़ है, प्रीवियस ईयर में कितनी है? अप टू ₹5 करोड़ है, तो उसकी इनकम भी क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी एग्जम्प्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? एग्रीगेट देखेंगे। कैसे देखेंगे? एग्रीगेट, एग्रीगेट देखेंगे। दूसरे पॉइंट में एग्रीगेट कैसे देखेंगे? मान लो एक पर्सन है, उसकी एक स्कूल है और एक हॉस्पिटल है, स्कूल की रिसीट मान लो 3 करोड़ है और हॉस्पिटल की है 4 करोड़, तो अलग अलग देखेंगे क्या? अप टू ₹5 करोड़ चेक करेंगे तो अलग अलग देखेंगे? अलग अलग नहीं देखेंगे, दोनों का टोटल करो कितना आया? 7 करोड़ आया। तो देखो 7 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो इनकम क्या हो जाएगी? पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। और देखेंगे क्या अपन? ग्रोस रिसीट देखेंगे, इनकम नहीं देखेंगे, ग्रोस रिसीट। ग्रोस रिसीट 5 करोड़ तक है, एग्रीगेट, एग्रीगेट जितनी भी उस बंदे की या उस ट्रस्ट की जितनी भी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, उन सब की मिला के, उन सब की मिला के एग्रीगेट रिसीट 5 करोड़ तक है, तो इनकम पूरी एग्जम्प्ट। 5 करोड़ से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा? फिर वो जाएंगे पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल है जिनकी एग्रीगेट मिला के ग्रोस रिसीट, एग्रीगेट मिला के ग्रोस रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है तो क्या होगा? तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? अब एसएससी को अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रूवल के लिए डिपार्टमेंट वालों को एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कब तक एप्लीकेशन करना पड़ेगा? जिस प्रीवियस ईयर में वो एग्जिमिशन लेना चाहते हैं उस प्रीवियस ईयर के कमेंसमेंट से कम 1 मंथ पहले, कम से कम 1 मंथ पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल मिल जाता है तो उनको एग्जिमिशन मिल जाएगी। और एग्जिमिशन कैसे मिलेगी? यहाँ पे फुल्ली एग्जिम्ट वाली नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी इनकम पूरी एग्जिम्ट हो जाएगी, पूरी इनकम एग्जिम्ट नहीं होगी, उनको एग्जिमिशन मिलेगी सेम टू सेम सेक्शन 11 वाली। सेक्शन 11 में जो एग्जिमिशन बता रखी है ना, जो ट्रस्ट को सेक्शन 11 में जो एग्जिमिशन बता रखी है, सेम टू सेम वो एग्जिमिशन मिलेगी उन इंस्टीट्यूशन को, अगर उनकी रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा, एग्रीगेट रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है तो। इसमें एक चीज़ और है, अगर वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल पॉइंट 1 और 2 में कवर है, मतलब या तो गवर्नमेंट वाला है या एग्रीगेट रिसीट अप टू ₹5 करोड़ है, तो इन दोनों केस में उनको अप्रूवल लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दोनों केस में उनकी इनकम ऐसे के ऐसे ही फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी, कोई अप्रूवल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब वो पॉइंट 1 और 2 में कवर नहीं हो रहे और पॉइंट नंबर 3 में आ रहे हैं, रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी एक तरीके से। ये रजिस्ट्रेशन जैसा ही होता है, कैसे होता है? जब अपन सेक्शन 12AB देखेंगे ना ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का, सेम टू सेम वही प्रोसीजर होता है यहाँ पे, जब वो देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था सेक्शन 1023C। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 11, इनकम ऑफ चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट। जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं इनकी कौन कौन सी इनकम होती है, सेक्शन 11 में सब बता रखा है कि कौन कौन सी इनकम होती है, कैसे कैसे इनको एग्जिमिशन मिलती है, कौन कौन सी इनकम इनकी टैक्सेबल होती है, तो सेक्शन 11 देखेंगे अपन। अब आप बोलोगे चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट तो मैंने बता दिया क्या क्या हो सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं 6-7 ऑब्जेक्टिव, इनमें से भी कोई सा भी ऑब्जेक्टिव है तो वो बन जाता है चैरिटेबल।
अब ये रिलीजियस ट्रस्ट क्या होता है? देखो रिलीजियस ट्रस्ट को कहीं डेफिनेशन नहीं कर रखा, कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा। रिलीजियस ट्रस्ट मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च, ये सब क्या होते हैं रिलीजियस ट्रस्ट। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है बनारस का, उनका जो ट्रस्ट है वो क्या है रिलीजियस ट्रस्ट। जैसे सिद्धिविनायक मंदिर है मुंबई का, उनका जो ट्रस्ट है वो क्या है रिलीजियस ट्रस्ट। तो कोई कोई ट्रस्ट चैरिटेबल होते हैं, कोई ट्रस्ट रिलीजियस होते हैं, कोई ऐसे ट्रस्ट भी होते हैं जो चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों होते हैं, चैरिटेबल एंड रिलीजियस दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे अक्षय पात्र वाले हैं, अक्षय पात्र वालों का मंदिर भी है, और दूसरा अक्षय पात्र वाले हैं वो गरीबों की मदद भी करते हैं, रिलीफ ऑफ पुअर वाला ऑब्जेक्टिव भी है, तो वो क्या है चैरिटेबल एंड रिलीजियस दोनों है। ऐसे ही काफ़ी सारे ट्रस्ट होते हैं जिनकी स्कूल भी होती है और जिनका टेम्पल भी होता है, स्कूल भी होती है और टेम्पल भी होता है, तो वो क्या बन जाते हैं चैरिटेबल एंड रिलीजियस। चैरिटेबल एंड रिलीजियस कैसे बन गए? स्कूल हो गई तो उनका एजुकेशन वाला ऑब्जेक्टिव हो गया, चैरिटेबल बन गए। टेम्पल हो गया तो वो क्या हो गया रिलीजियस हो गए। तो कोई ट्रस्ट चैरिटेबल होता है, कोई रिलीजियस, कोई चैरिटेबल एंड रिलीजियस दोनों होते हैं। अब क्वेश्चन चैरिटेबल ट्रस्ट का भी आ सकता है, रिलीजियस ट्रस्ट का भी आ सकता है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस दोनों का मिला के कोई ट्रस्ट है, मतलब कोई ट्रस्ट है जिसकी स्कूल भी है और टेंपल भी है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब उनकी कौन कौन सी इनकम होती है वो देख लो। तो ट्रस्ट की देखो सबसे मेन इनकम होती है डोनेशन की। ट्रस्ट को क्या मिलता है? डोनेशन। डोनेशन को अपन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में डोनेशन भी दे सकता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नाम से भी दे सकता है। अब डोनेशन तीन तरह का मिलता है ट्रस्ट को, एक नॉर्मल डोनेशन, एक कॉर्पस डोनेशन और एक एनोनिमस डोनेशन। नॉर्मल, कॉर्पस, एनोनिमस। जो नॉर्मल डोनेशन होता है, क्वेश्चन में खाली डोनेशन वर्ड लिख के दे या तो, या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लिख के दे, वो क्या माना जाता है नॉर्मल, वो क्या माना जाता है नॉर्मल डोनेशन। दूसरा कॉर्पस डोनेशन, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख के देगा कॉर्पस डोनेशन, या लिखेगा डोनेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस, मतलब कॉर्पस वर्ड लिखेगा। अब ये कॉर्पस डोनेशन क्या होता है? ये एक स्पेशल तरह का डोनेशन होता है जो ट्रस्ट के कॉर्पस का पार्ट बनता है, जो ट्रस्ट के कॉर्पस का पार्ट बनता है। इस डोनेशन को आपको क्या करना पड़ता है? इसको आपको संभाल के ट्रस्ट के गुल्लक में रखना पड़ता है, सेफ मोड्स में इन्वेस्ट करके इसको संभाल के रखना पड़ता है। और ये पैसा कभी यूज़ नहीं करते। कब कब यूज़ करते हैं इसको? जब ट्रस्ट बिल्कुल दयनीय कंडीशन में आ जाता है, जब ट्रस्ट की हालत बिल्कुल दयनीय हो जाती है, ट्रस्ट के पास कुछ नहीं बचता, तब इस गुल्लक को फोड़ा जाता है। तो एक कॉर्पस डोनेशन स्पेशल तरह का डोनेशन होता है जो ट्रस्ट के कॉर्पस का, ट्रस्ट के खजाने का या गुल्लक का पार्ट बनता है। इस कॉर्पस डोनेशन को आपको एक सेफ मोड्स होते हैं, मतलब FD वगैरह करवा दी या बैंक में जमा करवा दिया, बिल्कुल सेफली इनको इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, इसको खर्च नहीं किया जाता। जब ट्रस्ट बिल्कुल बर्बादी की कगार पर आता है, तब इस गुल्लक को फोड़ा जाता है। ये होता है कॉर्पस डोनेशन। ये स्पेशली क्वेश्चन में लिख के देगा कॉर्पस डोनेशन रिसीव्ड या डोनेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस रिसीव्ड, ऐसा कुछ वर्ड लिख के देगा, कॉर्पस वर्ड लिख के देगा। तीसरा होता है एनोनिमस डोनेशन, ये होता है गुप्त दान, गुप्त दान, एनोनिमस डोनेशन। गुप्त दान मतलब जो बंदा डोनेशन दे रहा है वो अपना नाम वगैरह पता वगैरह नहीं बताता, या जो ट्रस्ट डोनेशन रिसीव कर रहा है वो डोनर का रिकॉर्ड नहीं रखता, वो बन जाता है गुप्त दान। और ये गुप्त दान मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। कैसे मिलता है? मंदिरों वगैरह में क्या होते हैं, जो रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं इनमें क्या होता है, दान पेटी बनी हुई होती है, उसमें जो भी डोनर होता है वो पैसे डाल के चला जाता है। वो वहाँ पैसे में ये नहीं लिखता कि ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस, ऐसा थोड़ी लिखता है। अगर आप दान पेटी में पैसा डालते हो तो पैसा डाल देते हो, उसमें लिफाफा थोड़ी डालते हो कि ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस। तो ये होता है एनोनिमस डोनेशन। ये रिलीजियस ट्रस्ट को काफ़ी ज़्यादा यही मिलता है, मतलब मेनली रिलीजियस ट्रस्ट को ये एनोनिमस डोनेशन मिलता है। अब जो एनोनिमस डोनेशन होता है ये 115 BBC में स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है। ये 115 BBC एक सेक्शन आएगा इनकम टैक्स का, सेक्शन 115 BBC, और 115 BBC में इस पे एक स्पेशल रेट लगती है 30% की, वहाँ जाता है। तो तीन तरह के डोनेशन होते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, खाली डोनेशन वर्ड दे रखा है, अपन क्या मानेंगे उसको, नॉर्मल डोनेशन मानेंगे। आगे बता रखा है गवर्नमेंट ग्रांट, ट्रस्ट को गवर्नमेंट ग्रांट भी मिलते हैं, नॉर्मल वाला और कॉर्पस वाला, एक होता है कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट। क्वेश्चन में खाली गवर्नमेंट ग्रांट वर्ड दे रखा है तो अपन क्या मानेंगे, नॉर्मल वाला मानेंगे, क्या मानेंगे, नॉर्मल वाला मानेंगे। आगे बता रहा है ट्रस्ट को अपनी प्रॉपर्टी से भी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। कैसे होती है? ट्रस्ट की मान लो कोई स्कूल है, ट्रस्ट की कॉलेज है, ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी है, ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, ट्रस्ट का कोई योग का इंस्टीट्यूट है, तो इनसे भी क्या हो जाती है, ट्रस्ट को इनकम हो जाती है। इसके अलावा ट्रस्ट को कैपिटल गेन हो जाता है, ट्रस्ट के पास मान लो कोई कैपिटल असेट था, ट्रस्ट ने उसको सेल कर दिया, क्या माना जाएगा उसको, उसको बोलेंगे अपन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। ट्रस्ट की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या बोलते हैं यहाँ पे अपन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। इसके अलावा ट्रस्ट के मान लो इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, डिविडेंड की इनकम हो रही है, क्या बोला जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं करते उनको कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ऐसे नहीं दिखाते, इन सबको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। मैंने बोला तो ट्रस्ट पे क्या लगेगा, सेक्शन 11, 12, 13 लगेगा, बाकी इनकम टैक्स के सेक्शन काम के नहीं होते इनकम निकालने के लिए। आगे बता रखा है ट्रस्ट को बिजनेस की इनकम भी होती है, और बिजनेस भी कौन सा होता है, ट्रस्ट का जो, ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है या ट्रस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करने वाला, उसको अटेन करने वाला, उसको अचीव करने वाला ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाला बिजनेस है, उससे ट्रस्ट को बिजनेस की इनकम भी होती है। कैसे होती है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था पहले भी, जैसे मान लो ट्रस्ट का एक हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव है मेडिकल रिलीफ देने का। अब ट्रस्ट ने उस हॉस्पिटल में एक मेडिकल शॉप खोल रखी है,
अब मेडिकल शॉप से ट्रस्ट दवाइयाँ सेल करता है, तो वो तो दवाइयों का बिजनेस हो गया, मेडिकल शॉप का तो क्या हो गया, बिजनेस हो गया। लेकिन वो मेडिकल शॉप क्यों खोल रखी है, ताकि ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, उस हॉस्पिटल का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, मेडिकल रिलीफ देने का, उसको अचीव किया जा सके। तो उस मेडिकल शॉप से जो इनकम होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो भी ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी। ऐसे मान लो एक ट्रस्ट अक्षय पात्र वालों का, अक्षय पात्र वालों का उनके ऑब्जेक्टिव है धर्म की शिक्षा देने का। अब अक्षय पात्र वालों ने एक बुक की शॉप भी खोल रखी है, जिसे वो रामायण की बुक, भागवत गीता की बुक सेल करते हैं। तो जो उन बुक को सेल करने से जो इनकम होगी, वो क्या मानी जाएगी, ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी। क्यों बुक सेल करते हैं वो, ताकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है धर्म की शिक्षा देने का, वो अचीव हो सके, तो वो ट्रस्ट की इनकम मानी जाती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। उस तरह का ट्रस्ट का बिजनेस भी हो सकता है। आगे बता रखा है ट्रस्ट की 10-1 वाली इनकम भी हो सकती है। 10-1 वाली कौन सी, मतलब एग्रीकल्चर इनकम भी ट्रस्ट की हो सकती है। इसके अलावा 10-23C, मतलब ट्रस्ट के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह तो हो ही सकते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ये तो हो ही सकते हैं ट्रस्ट के। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल ट्रस्ट खोल के ही बनाते हैं, ट्रस्ट खोल के ही उसी का पार्ट बनाते हैं। बाकी काफ़ी सारे लोग इसको NPO के नाम से भी बना लेते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल को। बाकी काफ़ी सारे लोग ट्रस्ट के नाम पर बनाते हैं, तो वो भी ट्रस्ट की इनकम हो सकती है। अगर ट्रस्ट का कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल है, तो वो वाली इनकम, 10-23C वाली इनकम भी हो सकती है। अब आप आगे आ जाओ, अब सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट की इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा, वो सब आपको बता रखा है। पहला बता रखा है, सबसे पहले कॉर्पस डोनेशन अगर ट्रस्ट को मिलता है, कॉर्पस डोनेशन ट्रस्ट को मिलता है, तो कॉर्पस डोनेशन को अगर ट्रस्ट सेफ मोड्स में या सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देता है, तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसको अपन क्या लेंगे, नील लेंगे। कॉर्पस डोनेशन को मैंने बताया था, कॉर्पस डोनेशन ट्रस्ट के लिए एक स्पेशल तरह का डोनेशन होता है, जो ट्रस्ट के गुल्लक का पार्ट बनता है। तो ट्रस्ट को क्या करना है, इस कॉर्पस डोनेशन को खर्च नहीं करना, इस पैसे को ट्रस्ट को सेफ मोड्स, सेफ मोड्स सेक्शन 11(5) में बता रखे हैं, सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में बता रखे हैं कुछ सेफ मोड्स। कुछ सेफ मोड्स मतलब FD करवा दी, बैंक में जमा करके रख दिया, या उस पैसे को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ वगैरह में लगा दिया, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स वगैरह में लगा दिया। तो बिल्कुल सेफ मोड्स में इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, जो बिल्कुल रिस्की नहीं होते, वहाँ इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है। अगर वहाँ इन्वेस्ट कर देता है ट्रस्ट कॉर्पस डोनेशन को, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वहाँ इन्वेस्ट करके नहीं रखता, वहाँ इन्वेस्ट नहीं करता, तो इसको नॉर्मल डोनेशन जैसा माना जाएगा, और नॉर्मल डोनेशन की तरह इसको अपन एनी अदर इनकम में ले लेंगे, अगर वहाँ इन्वेस्ट नहीं करता कॉर्पस डोनेशन को तो ट्रस्ट। दूसरा, ट्रस्ट को अगर कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या लेंगे, ट्रस्ट की इनकम निकालते हैं, इसको नील लेंगे। आगे बता रखा है, ट्रस्ट को अगर एग्रीकल्चरल इनकम होती है, 10-1 वाली, 10-1 वाली एग्रीकल्चरल इनकम होती है, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया होती है, वो भी क्या होगी, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी। वो की क्या होगी, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी। आगे बता रखा है, अगर ट्रस्ट की मान लो कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है, क्या है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है, और वो कहाँ कवर हो रहे हैं, 0.1 और 2 में कवर हो रहे हैं। 0.1 और 2 मतलब वो गवर्नमेंट द्वारा होली या सब्सटेंशियली फाइनेंस है, या तो, या उस ट्रस्ट की जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है, उनकी एग्रीगेट रिसीट, एग्रीगेट रिसीट पूरे प्रीवियस ईयर में कितनी है, सभी की मिला के, सभी की मिला के कितनी है, अप टू ₹5 करोड़ है, अप टू ₹5 करोड़ है, तो उनकी इनकम भी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये सब तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद ट्रस्ट को अगर एनोनिमस डोनेशन मिलता है, तो वो जाएगा 115 BBC में। वो कहाँ टैक्सेबल होगा, 115 BBC में, उसको बिल्कुल सेपरेट लेना है अपन को, उसको बिल्कुल सेपरेट रखना है, और वो कहाँ टैक्सेबल करेंगे अपन, 115 BBC में। कैसे करेंगे, अभी आपको पता पड़ जाएगा। आगे बता रखा है, इनके अलावा कोई और इनकम है ट्रस्ट को, जैसे ट्रस्ट को कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, या ट्रस्ट को मान लो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है, या मान लो ट्रस्ट को बिजनेस वाली इनकम हो रही है, मेन ऑब्जेक्टिव वाले बिजनेस वाली इनकम हो रही है मान लो ट्रस्ट को, या मान लो ट्रस्ट की कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है, और उनकी रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है, वो सब किस में आ जाएंगी, एनी अदर इनकम। या मान लो ट्रस्ट का कोई योग का इंस्टीट्यूट है, तो उसकी कोई रिसीट आ रही है, तो वो भी क्या आ जाएगी, एनी अदर इनकम। एक बात और ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोग गलती कर देते हैं, मान लो ट्रस्ट का एक योग का इंस्टीट्यूट है, योग का इंस्टीट्यूट है, और उसकी रिसीट आपको दे रखी है 10 लाख की, बताओ उसको एग्जेम्प्ट करोगे क्या, सेक्शन 10(23C) में उसको एग्जेम्प्ट करोगे क्या, मत कर देना। सेक्शन 10(23C) में जो एग्जेम्पशन मिलती है ना, 5 करोड़ वाली लिमिट वाली, किसके लिए मिलती है, ये मिलती है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल, एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के लिए मिलती है। तो ट्रस्ट का मान लो कोई और इंस्टीट्यूट है, किसी और चीज़ का इंस्टीट्यूट है, तो उसको एग्जेम्प्ट मत कर देना, वो तो क्या होगी, एनी अदर इनकम मानी जाएगी। वो क्या मानी जाएगी, एनी अदर इनकम। अगर रिसीट 10 लाख है, 20 लाख, कितनी भी है, चाहे 10 करोड़ है, चाहे कितनी भी है, वो क्या मानी जाएगी, एनी अदर इनकम। वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, एनी अदर इनकम, उसको फुल्ली एग्जेम्प्ट मत कर देना, तो एनी अदर इनकम मान लेंगे। अब जो एनी अदर इनकम बच गई, इसका क्या होगा, इसमें से ट्रस्ट को मिलेगा 15% का, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 15% का, तो अपन ले लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 15%, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और जो रिमेनिंग 85% बच गया, जो रिमेनिंग 85% एनी अदर इनकम बच गई, उसमें से ट्रस्ट जितना अमाउंट इंडिया में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज में खर्च कर देगा, जितना अमाउंट इंडिया में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज में खर्च कर देगा, उतने की ट्रस्ट को क्या मिल जाएगी, एग्जेम्प्शन मिल जाएगी। और ये एग्जेम्प्शन कहाँ मिलती है, सेक्शन 11(1) और 11(2), 11 सबसेक्शन 1 और 11(2), 11(1) 11(2) में मिलेगी। कैसे मिलेगी, अभी आपको सब पता चल जाएगा। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ,
मान लो ट्रस्ट को मिला कॉर्पस डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन मिला जो ट्रस्ट ने 11-5 वाले मोड्स में, सेफ मोड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको तो ले लेंगे अपन नील। मान लो ट्रस्ट को इसके अलावा एनी अदर इनकम दी, एनी अदर इनकम, बिजनेस वाली, कैपिटल गेन वाली, अदर सोर्स वाली, हाउस प्रॉपर्टी वाली या रिसीट वगैरह, वो थी मान लो 40 लाख की, 40 लाख की थी बस, ये थी मान लो, तो 40 लाख होगा, 40 लाख में से ट्रस्ट को मिलेगा 15% का, तो क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 6 लाख, ये मिल गया 6 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये बची इनकम कितनी, 34 लाख, 34 लाख बची। अब 34 लाख में से ट्रस्ट को क्या होगा, जितना अमाउंट ट्रस्ट, 34 लाख रिमेनिंग 85% बच गई, इसमें से ट्रस्ट जितना अमाउंट इंडिया में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज में खर्च कर देगा, वो और उसके लिए क्या मान ली जाएगी, अप्लाइड मान ली जाएगी उसका, और उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो मान लो ट्रस्ट ने 20 लाख इंडिया में खर्च कर दिए चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज में, इसका एग्जेम्पशन और मिल जाएगा, ये वो लेस कर देंगे, इसके बाद आ जाएगी ट्रस्ट की 14 लाख की रिमेनिंग इनकम, ये आ गई ट्रस्ट की रिमेनिंग इनकम। इस तरह से एग्जेम्पशन मिलता है, इस तरह से एग्जेम्पशन मिलता है। अभी मैं इसका पूरा टेबल बनवाऊंगा आपको लास्ट ही लास्ट में, उस टेबल में बस आपको वैल्यू डालनी है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा अगर वो टेबल आप ठीक से कर लोगे तो। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 15% का तो मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, और रिमेनिंग 85% में से जितना अमाउंट ट्रस्ट इंडिया में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ में खर्च कर देगा या अप्लाइड कर देगा, इसको यहाँ वर्ड क्या यूज़ किया इन्होंने, अप्लाइड कर देगा, अप्लाइड मतलब खर्च कर देगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा जितना खर्च करेगा इंडिया में। अब इंडिया में जो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज़ में खर्च करेगा, कौन कौन सी अमाउंट को अप्लाइड माना जाएगा, मतलब कौन कौन से खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, वो बता रखा है सेक्शन 11 में, कौन कौन सी खर्चों का डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहले बता रखा है ट्रस्ट अगर कोई भी रेवेन्यू खर्चा करता है, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस करता है उसका मिल जाएगा, उसको कोई भी रेवेन्यू खर्चा करता है उसको अप्लाइड मान लिया जाएगा और उसको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा, ट्रस्ट कोई भी कैपिटल खर्चा भी करता है, कोई भी कैपिटल खर्चा करता है, मतलब मान लो ट्रस्ट बिल्डिंग परचेज करता है, लैंड परचेज करता है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाता है, या कंप्यूटर परचेज करता है, सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज करता है, उसका भी ट्रस्ट को क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। तीसरा, ट्रस्ट क्या करता है, किसी दूसरे ट्रस्ट को या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को जो 12AB या 1023C में रजिस्टर्ड है, या 12AB या 1023C में रजिस्टर्ड है, उस कोई से भी दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देता है, कौन सा देता है, नॉर्मल डोनेशन देता है, नॉर्मल डोनेशन देता है, उसको भी अप्लाइड मान लिया जाएगा, उसकी भी ट्रस्ट को क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी अगर ट्रस्ट किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डोनेशन देता है तो। और चौथा पॉइंट, एक स्पेशल पॉइंट है, क्या बोलता है, ट्रस्ट क्या करता है, किसी भी खर्चे के लिए, किसी भी खर्चे के लिए, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, किसी भी खर्चे के लिए ट्रस्ट क्या करता है, लोन लेता है। तो जब उस लोन का रिपेमेंट करेगा ट्रस्ट, जब उस लोन का रिपेमेंट करेगा, तो जितना रिपेमेंट किया उस रिपेमेंट की भी ट्रस्ट को क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो ट्रस्ट कोई भी रेवेन्यू खर्चा करता है उसकी मिल जाएगी, कैपिटल खर्चा करता है उसकी मिल जाएगी, ट्रस्ट किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डोनेशन देता है, डोनेशन की भी डिडक्शन मिल जाएगी। और चौथा केस क्या है, ट्रस्ट कोई लोन लेके खर्चा करता है, तो जो लोन लेके खर्चा किया उसका जितना रिपेमेंट किया, लोन का जितना रिपेमेंट किया उसकी मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज और है, अगर ट्रस्ट कोई भी खर्चा लोन लेके करता है तो उस खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे मान लो ट्रस्ट ने 5 लाख का लोन लिया और 5 लाख के लोन लेके ट्रस्ट ने 5 लाख की बिल्डिंग परचेज कर ली मान लो, तो बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंस से वैसे डिडक्शन मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी। लोन लेके अगर ट्रस्ट कोई खर्चा करता है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। वैसे तो वो कैपिटल एक्सपेंस हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंस हो, डिडक्शन मिल जानी चाहिए, लेकिन ट्रस्ट लोन लेके खर्चा करता है तो खर्चा करते वक्त डिडक्शन नहीं मिलेगी। कब मिलेगी उस खर्चे की डिडक्शन, जब ट्रस्ट उस लोन का रिपेमेंट करेगा, जब ट्रस्ट उस लोन का रिपेमेंट करेगा तब मिलेगी। तो ये स्पेशल पॉइंट है, क्या बोलते हैं, 4 पॉइंट, ट्रस्ट को कोई भी रेवेन्यू खर्चा उसकी मिल जाएगी, कैपिटल खर्चा उसकी भी मिल जाएगी। तीसरा, कोई भी डोनेशन देता है ट्रस्ट किसी दूसरे ट्रस्ट को उसकी भी मिल जाएगी। चौथा, ट्रस्ट कोई लोन लेके खर्चा करता है तो उस खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जब ट्रस्ट उस लोन का रिपेमेंट करेगा, जब ट्रस्ट उस लोन का रिपेमेंट करेगा तो उस रिपेमेंट की ट्रस्ट को डिडक्शन मिल जाएगी। इन 4 केस में ट्रस्ट को डिडक्शन मिल जाएगी खर्चों की और उसको मान लिया जाएगा अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है, एक स्पेशल पॉइंट है इसमें, कि जो ट्रस्ट खर्चा करेगा, रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा, जो भी खर्चे करेगा ट्रस्ट, उनकी डिडक्शन ट्रस्ट को मिलेगी, लेकिन किसके बेसिस पे मिलेगी, पेड बेसिस पे मिलेगी। कैसे मिलेगी, पेड बेसिस पे। ट्रस्ट चाहे अक्रूअल सिस्टम फॉलो करे चाहे कैश सिस्टम फॉलो करे, ट्रस्ट कोई भी सिस्टम फॉलो कर सकता है, ट्रस्ट अलाउड है, ट्रस्ट एक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन होता है, वो कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकता है या अक्रूअल सिस्टम भी फॉलो कर सकता है। तो ट्रस्ट कैसा भी सिस्टम फॉलो करे, ट्रस्ट को खर्चे की डिडक्शन कैसे मिलेगी, पेड बेसिस में। अगर ट्रस्ट करंट ईयर में खर्चों का पेमेंट कर देगा, करंट ईयर में खर्चों का पेमेंट कर देगा तो ही डिडक्शन मिलेगी। ट्रस्ट ने करंट ईयर में खर्चे किए, अभी पेमेंट बकाया है, अभी पेमेंट बकाया है, ट्रस्ट ने पेमेंट नहीं किया, तो ड्यू बेसिस से उसको डिडक्शन मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी। ट्रस्ट को करंट ईयर के अंदर खर्चे पे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि ड्यू डेट ऑफ आरओ तक करने, ऐसा नहीं करना, करंट ईयर में खर्चे किए ट्रस्ट ने तो करंट ईयर में पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करेगा तो ही डिडक्शन मिलेगी। पेमेंट नहीं करता तो जिस ईयर में पेमेंट करेगा ट्रस्ट उस ईयर में डिडक्शन मिलेगी। तो ट्रस्ट को खर्चों की डिडक्शन कैसे मिलती है, पेड बेसिस पे मिलेगी। कैसे मिलेगी, पेड बेसिस पे, ध्यान रखना, ये पहले नहीं होता था लेकिन अब होता है ऐसा,
पेड बेसिस पे ट्रस्ट को खर्चों की डिडक्शन मिलेगी। हाँ, ट्रस्ट कोई लोन लेके खर्चा करता है तो खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलती, फिर जब ट्रस्ट लोन का रिपेमेंट करेगा तब मिलेगी, और बाकी केस में ट्रस्ट को पेड बेसिस पे खर्चों की डिडक्शन मिल जाएगी। ये बात इस पर अच्छे से याद रख लेना, कैसे मिलेगी, पेड बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे नहीं मिलती, पेड बेसिस पे मिलेगी। आगे बता रखा है, देखो ट्रस्ट को जो भी ये ट्रस्ट ने असेट परचेज किया उसके ट्रस्ट को डिडक्शन मिल जाती है। तो कॉस्ट ऑफ असेट को ट्रस्ट ने अप्लाइड मान लिया, डिडक्शन ले लिया, अप्लाइड मान लिया मतलब डिडक्शन ले ली, तो उस असेट पे ट्रस्ट को किसी भी साल में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा कि एक बार तो आपने असेट को अप्लाइड मान लिया और हर साल आप डेप्रिसिएशन और क्लेम कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो या तो आप असेट की कॉस्ट को अप्लाइड मान लो या डेप्रिसिएशन ले लो, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कुछ भी एक कर लो। तो फायदा क्या होता है, आप एक साथ ही असेट को ही अप्लाइड मान लो, हर साल डेप्रिसिएशन लेने के बजाय आप एक साथ ही असेट की कॉस्ट को अप्लाइड मान लो, फायदेमंद तो यही रहता है। तो अपन क्या करेंगे, असेट की कॉस्ट को अप्लाइड मान लेंगे, और अगर आपने असेट की कॉस्ट को अप्लाइड मान लिया तो उस असेट में किसी भी साल में, प्रीवियस ईयर में किसी भी साल में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नहीं तो डबल बेनिफिट हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। आगे बता रखा है, जो कॉर्पस डोनेशन है, कॉर्पस डोनेशन से अगर आप कोई खर्चा करते हो, कॉर्पस डोनेशन जो आपको मिला उससे अगर आप कोई खर्चा करते हो तो उसको अप्लाइड नहीं माना जाएगा। आपको मान लो 10 लाख का कॉर्पस डोनेशन मिला था, उस 10 लाख से आपने कोई रेवेन्यू खर्चा कर दिया या कोई कैपिटल खर्चा कर दिया, अप्लाइड मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। कॉर्पस डोनेशन जो आपको मिला उसको तो आपको क्या करना पड़ता है, सेफ मोड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको आप खर्च नहीं कर सकते, उसको खर्च नहीं कर सकते, उसको सेफ मोड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और सेफ मोड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है, तो उसको खर्च नहीं कर सकते। और अगर आप उससे खर्चा करते हो तो एक तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती ऊपर, दूसरा उसको अप्लाइड भी नहीं मानते, उसको अप्लाइड भी नहीं मानते। तो कॉर्पस डोनेशन वाली अमाउंट से आप कोई खर्चा नहीं कर सकते, उसको तो आपको सेफली अलग जगह इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, वो ट्रस्ट के कॉर्पस का गुल्लक का पार्ट बनता है, उसको खर्च नहीं कर सकते आप। तो खर्च कर देते हो उसको तो उससे जो भी खर्चा किया उसको अप्लाइड नहीं मानेंगे, उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे बता रखा है, अगर आप किसी दूसरे ट्रस्ट को, जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है दूसरा, उसको अगर आप कोई कॉर्पस डोनेशन देते हो तो उसको अपन अप्लाइड नहीं मानेंगे, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, उसको नॉर्मल डोनेशन देते हो तो अप्लाइड मान लेंगे, लेकिन कॉर्पस देते हो तो अप्लाइड नहीं मानेंगे। नॉर्मल देते हो तो अप्लाइड मान लेंगे, कॉर्पस देते हो तो उसको अपन अप्लाइड नहीं मानेंगे। आगे बता रखा है, अगर आप लैंड और बिल्डिंग परचेज करते हो तो परचेज प्राइस को आपको अप्लाइड मानना है। ट्रस्ट अगर लैंड और बिल्डिंग परचेज करता है तो परचेज प्राइस को अप्लाइड मानना है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को इग्नोर करना है, चाहे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है चाहे ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ट्रस्ट के केस में 50C, 43C है, कुछ अप्लाई नहीं होंगे, कुछ भी अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ट्रस्ट के केस में अपने वहाँ भी पढ़ा था, ट्रस्ट के केस में 56-10 पढ़ा था ना, वो अप्लाई ही नहीं होता, गिफ्ट वाला सेक्शन वो भी अप्लाई नहीं होता ट्रस्ट के केस में। तो ट्रस्ट के केस में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ काम की नहीं होती। अगर ट्रस्ट कोई भी लैंड और बिल्डिंग परचेज करता है तो अपन परचेज प्राइस को अप्लाइड मान लेते हैं, परचेज प्राइस को अपन अप्लाइड मान लेते हैं। आगे बता रखा है, ट्रस्ट अगर कोई रेवेन्यू खर्चा करता है, ट्रस्ट कोई रेवेन्यू खर्चा करता है, किसकी बात हो रही है, ध्यान देना, रेवेन्यू खर्चे, कैपिटल खर्चे की बात नहीं हो रही, रेवेन्यू खर्चा करता है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट के केस में जो PGBP के 3 सेक्शन है, कौन कौन से 3 सेक्शन, बस 3 सेक्शन की बात हो रही है, 40AIA, 40A3 और 40A3A, ये ट्रस्ट के केस में अप्लाई हो जाएगी। बाकी PGBP का कोई भी सेक्शन काम का नहीं है, ट्रस्ट के रेवेन्यू खर्चे के केस में 3 सेक्शन काम के हैं, 40AIA, 40A3 और 40A3। ये सेक्शन क्या है, सबसे पहले 40AIA, ये क्या बोलता है, अगर ट्रस्ट मान लो किसी रेजिडेंट को कोई पेमेंट करता है जिसपे TDS कटना चाहिए था और ट्रस्ट ने TDS या तो काटा नहीं या काट तो लिया लेकिन ड्यू डेट तक गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, तो ऐसे केस में 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। ऐसे मान लो ट्रस्ट क्या करता है, जैसे मान लो 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहा है ट्रस्ट, TDS कटना चाहिए था, ट्रस्ट ने TDS नहीं काटा या TDS काट के गवर्नमेंट को ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाया, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस 6 लाख का 30% ट्रस्ट को डिडक्शन नहीं मिलेगी। वैसे ट्रस्ट को रेवेन्यू खर्चों की डिडक्शन मिल जाती है लेकिन ट्रस्ट इस सेक्शन का वायलेशन करता है 40AIA का, तो 30% उसका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। दूसरा 40A3, ये क्या है, ट्रस्ट मान लो किसी रेवेन्यू खर्चे का 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट कैश, बियर चेक या क्रॉस चेक से कर देता है, कैश, बियर चेक, क्रॉस चेक से कर देता है, तो उसका वो खर्चा 100% डिसअलाउ हो जाएगा। मान लो ट्रस्ट 5 लाख का सैलरी का पेमेंट कैश में कर देता है, क्या होगा, 5 लाख वैसे तो रेवेन्यू खर्चा है, अप्लाइड मान सकते थे लेकिन अप्लाइड नहीं माना जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो ट्रस्ट के केस में PGBP के कौन से सेक्शन अप्लाई होंगे, ओनली 40AIA, 40A3 और 40A3A। अब आप बोलोगे 40AI को क्यों छोड़ दिया बेचारे को, 40AI को, 40AI क्या था, कि अगर मान लो ट्रस्ट किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है जिसपे TDS कटना चाहिए तो ट्रस्ट ने TDS नहीं काटा तो वो 100% डिसअलाउ हो जाता। अब ट्रस्ट के केस में 40AI काम का क्यों नहीं है, देखो अपन ने ऊपर क्या देखा था, अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पज इन इंडिया, ट्रस्ट को जो खर्चे करने हैं कहाँ करने हैं, इंडिया के अंदर करने हैं। अगर ट्रस्ट इंडिया के अंदर खर्चे करता है तो ही अमाउंट अप्लाई मानी जाती है, तो ही ट्रस्ट को डिडक्शन मिलता है। मान लो ट्रस्ट खर्चा कर रहा है इंडिया के बाहर, फॉरन में खर्चा कर रहा है, इंडिया के बाहर खर्चा कर रहा है, किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहा है और इंडिया के बाहर कोई खर्चा कर रहा है, बताओ अप्लाइड मानते क्या, अप्लाइड मानते ही नहीं। जब अप्लाइड ही नहीं मानते तो बात ही खत्म, TDS काटे ना काटे क्या फर्क पड़ता है, जब उसको अपन डिडक्शन देंगे ही नहीं तो बात ही खत्म। उसको खर्चे कहाँ करने पड़ते हैं, इंडिया में, इंडिया में चाहे किसी को भी पेमेंट करे बस उसको खर्च कहाँ करना है, जो भी खर्चा करना है कहाँ करना है, इंडिया में खर्चा करना है।
इंडिया में, चाहे वो फॉरन लोगों को पेमेंट करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इंडिया में खर्चा करना है। खर्चा कहाँ करना है उसको, इंडिया में। इंडिया के बाहर खर्चा करता है, इंडिया के बाहर मान लो किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है, अप्लाई आईडी नहीं माने की बात ही खत्म। आगे बता रखा है ट्रस्ट को, मान लो कोई अर्लियर ईयर में लॉस होता है, लास्ट ईयर में कोई लॉस था, मतलब लास्ट ईयर में ट्रस्ट ने खर्चे ज़्यादा कर दिए थे, इनकम कम थी, तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ अर्लियर ईयर, या ऐसे भी बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इन अर्लियर ईयर, या ग्रोथ फॉरवर्ड लॉस ऑफ अर्लियर ईयर। बताओ ट्रस्ट उसको करंट ईयर में सेट ऑफ कर देगा क्या? करंट ईयर में वो सेट ऑफ नहीं कर सकता। ट्रस्ट के केस में सेक्शन 72 वगैरह जो होते हैं ना सेट ऑफ वाले, कुछ अप्लाई नहीं होते। ट्रस्ट का लॉस क्या होगा? डूब जाएगा, डेड लॉस होना जाएगा। लास्ट ईयर के लॉस करंट ईयर में ट्रस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकता, वो लॉस डूब जाएंगे। अब अगला एक स्पेशल पॉइंट और है, क्या पॉइंट है? अगर मान लो किसी ट्रस्ट का क्या है, ट्रस्ट के पास क्या है, कोई टेम्पल है, मॉस्क, गुरुद्वारा या चर्च है, मतलब रिलीजियस ट्रस्ट एक तरीके से, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, मस्जिद वगैरह है। ट्रस्ट के पास कोई प्रॉपर्टी क्या है? मंदिर मस्जिद वगैरह की प्रॉपर्टी है, और ट्रस्ट को उस मंदिर मस्जिद वगैरह के लिए, उस मंदिर मस्जिद वगैरह के लिए, उस रिलीजियस प्रॉपर्टी के लिए रिनोवेशन और रिपेयर के लिए, उस रिलीजियस प्रॉपर्टी के रिनोवेशन और रिपेयर के लिए ट्रस्ट को कोई अमाउंट मिला। मैंने क्या बोला? ट्रस्ट के पास मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च वगैरह है, और ट्रस्ट को उस मंदिर मस्जिद वगैरह के रिनोवेशन और रिपेयर के लिए, उस मंदिर मस्जिद वगैरह के रिनोवेशन और रिपेयर के लिए कोई अमाउंट मिला, कोई अमाउंट दान में मिला, उस अमाउंट को वो ट्रस्ट कॉर्पस डोनेशन मान सकता है। नॉर्मल अमाउंट है, किसके लिए मिला है? रिनोवेशन और रिपेयर के लिए मिला है, कोई कॉर्पस के लिए नहीं मिला, रिनोवेशन और रिपेयर के लिए दान मिला है। तो नॉर्मल डोनेशन होते हुए भी उसको ट्रस्ट क्या मान सकता है? कॉर्पस डोनेशन मान सकता है। कॉर्पस डोनेशन मान के उसको एग्जेम्प्ट कर सकता है ट्रस्ट, क्योंकि कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट हो जाता है। एग्जेम्प्ट कैसे हो जाता है? बस आपको उसको बैंक में जमा करके रखना होता है, या कहीं भी सेफ मोड्स में जमा करके रखना होता है, उसको खर्च नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट को अगर रिनोवेशन और रिपेयर करने के लिए, रिलीजियस प्रॉपर्टी के रिनोवेशन और रिपेयर करने के लिए ट्रस्ट को अगर अमाउंट मिलता है, ट्रस्ट चाहे तो उसको कॉर्पस डोनेशन मान के एग्जेम्प्ट करवा सकता है। बस ट्रस्ट को क्या करना है? दो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहला तो जो अमाउंट मिला है रिनोवेशन रिपेयर के लिए, इसको सेफ मोड्स में इन्वेस्ट करके रखना है, इसको सेपरेटली अलग से रखना है ताकि सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सके। और तीसरा, जब ट्रस्ट उसको खर्च करे फ्यूचर में, तो खाली किस पे खर्च करे, आगे जाके कभी भी खर्च करे तो रिनोवेशन और रिपेयर के लिए खर्च करे, जब भी ट्रस्ट को जरूरत पड़े तो रिनोवेशन और रिपेयर के लिए खर्च करे। ऐसा तो रिनोवेशन और रिपेयर के लिए मिला है, खर्च करने के लिए मिला है, तो ट्रस्ट उसको चाहे तो क्या मान सकता है? कॉर्पस डोनेशन मान के एग्जेम्प्ट करवा सकता है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट करवा सकता है। बस ट्रस्ट को उसको सेपरेटली रखना है, उसको 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट करना है, और जब खर्च करने की जरूरत पड़े रिनोवेशन और रिपेयर के लिए, तब उसी पर्पस में खर्च करें। बस ये एक पॉइंट था, फालतू सा पॉइंट था, काम का नहीं था। और लास्ट पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर ट्रस्ट कोई भी खर्चा करता है, कोई भी खर्चा करता है, चाहे रेवेन्यू करे चाहे कैपिटल करे, वो ट्रस्ट को अप्लाइड माना जाएगा। कब माना जाएगा? ओनली पेड बेसिस पे माना जाएगा, चाहे ट्रस्ट अक्रूअल सिस्टम फॉलो करे चाहे कैश, कोई फर्क नहीं पड़ता। खर्चा अप्लाइड कब माना जाएगा? पेड बेसिस पे। अगर ट्रस्ट पे कर देता है तो ही अप्लाइड माना जाएगा, नहीं तो अप्लाइड नहीं माना जाएगा। ये था एक पॉइंट। अब अपन आगे आ जाते हैं। मान लो ट्रस्ट अपनी पूरी इनकम अप्लाइड नहीं कर पाता, तो दो केस ऐसे दे रखे हैं जिसमें डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा। दो केस ऐसे दे रखे हैं जिसमें डीम्ड अप्लाइड मान लिया जाएगा। दो केस कौन कौन से दे रखे हैं? पहला केस, क्या बोलता है? ट्रस्ट को मान लो प्रीवियस ईयर में इनकम रिसीव ही नहीं हुई, उसकी इनकम आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग इनकम थी। कैसे थी? ट्रस्ट को इनकम, इंटरेस्ट की इनकम हो रही थी, लेकिन अभी उसको रिसीव नहीं हुई है। प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट की इनकम हो रही थी जो उसको अभी रिसीव ही नहीं हुई। अब रिसीव नहीं हुई तो खर्चा कैसे करेगा बेचारा? जब रिसीव ही नहीं हुई तो खर्चा कैसे करेगा? तो उस इंटरेस्ट की इनकम को ट्रस्ट क्या मान सकता है? डीम्ड अप्लाइड मान सकता है। डीम्ड अप्लाइड मान के उसको लेस कर सकता है, डीम्ड अप्लाइड मान के उसको लेस करके उसका डिडक्शन ले सकता है। बस उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? उस ट्रस्ट को वादा करना पड़ेगा, एओ से वादा करना पड़ेगा, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर से वादा करना पड़ेगा कि ट्रस्ट उस इनकम को जो उसको करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई, उस इनकम को जिस ईयर में वो रिसीव हो जाएगी, या तो उस ईयर में अप्लाई कर देगा या उससे नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर देगा। ट्रस्ट को क्या वादा करना पड़ेगा? ट्रस्ट को ये वादा करना पड़ेगा कि जिस ईयर में वो इनकम रिसीव हो जाएगी, या तो ट्रस्ट उस ईयर में उसको खर्च कर देगा या उससे नेक्स्ट ईयर में खर्च कर देगा। और अगर ट्रस्ट ऐसा नहीं करता तो एओ क्या करे? एओ जिस ईयर में ट्रस्ट ने वादा तोड़ा उस ईयर में ट्रस्ट की उसको डीम्ड इनकम बना दे। क्या बना दे? डीम्ड इनकम बना दे। तो ट्रस्ट को वादा करना पड़ेगा, ये वादा कब तक करना पड़ेगा? ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक करना पड़ेगा। क्या वादा करना पड़ेगा? कि उस इनकम को ट्रस्ट जिस ईयर में वो रिसीव हो जाएगी, या तो उस ईयर में या उसे नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर देगा। अप्लाई मतलब खर्च कर देगा। अगर ट्रस्ट उसको नेक्स्ट ईयर में खर्च नहीं करता, रिसीव के नेक्स्ट ईयर में खर्च नहीं करता, तो उस नेक्स्ट ईयर में एओ क्या कर दे? उसको डीम्ड इनकम बना दे, डीम्ड इनकम बना दे। अब आप बोलोगे डीम्ड इनकम बनाने से क्या होगा? काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी आपको, आगे जाके पता पड़ेगी। तो डीम्ड इनकम बना दे, ये वादा करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ और है इस वाले पॉइंट में। अगर ट्रस्ट को मान लो इनकम रिसीव नहीं हुई प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए एक स्पेशल चीज़ है। अगर मान लो ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है?
कैश सिस्टम फॉलो करता है, तो ये डीम्ड अप्लाइड वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये कुछ काम का नहीं। क्यों काम का नहीं है? देखो मान लो अगर ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है तो क्या होगा, ट्रस्ट अपनी इनकम कौन सी लेगा, जो उसको रिसीव हो गई कैश में, जो भी रिसीव हो गई उसको अपनी इनकम बनाएगा। खर्चे तो वैसे भी पेड बेसिस पे अलाउ होते हैं, मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। इनकम कौन सी लेगा ट्रस्ट अगर कैश सिस्टम फॉलो करता है, तो जो भी उसको इनकम रिसीव हुई है उसी को अपनी इनकम बनाएगा, जो उसको रिसीव ही नहीं हुई वो उसको अपना इनकम का पार्ट ही नहीं बनाएगा, उसको अपनी इनकम का पार्ट ही नहीं बनाएगा। जब जो इनकम उसको रिसीव नहीं हुई वो उसकी इनकम का पार्ट ही नहीं है, तो उसको अप्लाइड मानने की जरूरत कहाँ है? जब वो उसका पार्ट ही नहीं है तो उसको अप्लाइड मानने की जरूरत कहाँ है? तो अगर ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है तो जो इनकम उसको रिसीव नहीं हुई प्रीवियस ईयर में, ये वाला पॉइंट काम का नहीं है। इसको डीम्ड अप्लाइड नहीं मानना आपको, इस पॉइंट को इग्नोर करना है। इस पूरे डीम्ड अप्लाइड वाले इस वाले पॉइंट को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो ये था डीम्ड अप्लाइड का एक पॉइंट। अब दूसरा डीम्ड अप्लाइड का पॉइंट देखो, मान लो ट्रस्ट को इनकम जो रिसीव हो रही है वो कब रिसीव हो रही है, प्रीवियस ईयर के लास्ट डे में। लास्ट डे में कैसे, लास्ट डेज में कैसे, जैसे मान लो ट्रस्ट को डोनेशन मिल रहा है 31 मार्च को मिल रहा है, 30 मार्च को मिल रहा है, 29 मार्च को मिल रहा है, लास्ट डेज में रिसीव हो रही है प्रीवियस ईयर की। अब ट्रस्ट को लास्ट डे में इनकम रिसीव हो रही है, उसको तुरंत कैसे अप्लाई करे बेचारा, उसको तुरंत कैसे खर्च करे? तो जैसे मान लो ट्रस्ट को 3 लाख का डोनेशन 31 मार्च को मिला, अब 31 मार्च को ही कैसे खर्च करे बेचारा? तो ऐसे केस में जो 3 लाख का डोनेशन मिला उसको ट्रस्ट क्या मान सकता है, डीम्ड अप्लाइड मान सकता है। क्या मान सकता है? डीम्ड अप्लाइड। डीम्ड अप्लाइड मान के उसको लेस कर सकता है। बस उसको एओ से वादा करना पड़ेगा, एओ से ड्यू डेट तक वादा करना पड़ेगा, ड्यू डेट ऑफ फॉरवर्ड तक क्या वादा करना पड़ेगा कि जो इनकम उसको लास्ट डे में रिसीव हुई है उस इनकम को वो नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर देगा, उस इनकम को वो नेक्स्ट ईयर में खर्च कर देगा, नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर देगा। और अगर ट्रस्ट वादा तोड़ता है, कंडीशन तोड़ता है ट्रस्ट, तो नेक्स्ट ईयर में एओ उस अमाउंट को, उस इनकम को ट्रस्ट की क्या बना दे, डीम्ड इनकम बना दे। डीम्ड इनकम, ये डीम्ड इनकम कौन से सेक्शन में बनती है, 11(1)(b) में, 11(1)(b) में डीम्ड इनकम बना दे। आप बोलोगे डीम्ड इनकम बनाने से क्या होगा, देखो डीम्ड इनकम बन जाएगी ना, एक सेक्शन आया है 115(bbi), जो भी ट्रस्ट की डीम्ड इनकम बनती है सब जाती है 115(bbi) में, और वहाँ स्पेशल रेट 30% से टैक्स हो जाती है, 30% का टैक्स लग जाता है और कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता। तो वादा तोड़ता है तो ट्रस्ट को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा और एओ के फायदे हो जाएंगे, डिपार्टमेंट वालों के फायदे हो जाएंगे अगर वादा तोड़ता है। तो ट्रस्ट को पहले एओ से वादा करना पड़ेगा और वादा निभाना पड़ेगा। वादा तोड़ देता है तो दिक्कत हो जाएगी ट्रस्ट के, ट्रस्ट की डीम्ड इनकम बन जाएगी जो स्पेशल रेट से आगे जाके टैक्सेबल हो जाएगी, आगे जाके टैक्सेबल हो जाएगी। जिस ईयर में वादा तोड़ा उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगी आगे जाके स्पेशल रेट से। जो अपन स्पेशल रेट वाला सेक्शन अभी देखेंगे तब आपको पता पड़ जाएगा कैसे टैक्सेबल होगी, सब आपको पता पड़ जाएगा। अभी तो आप एक एक करके चलते जाओ। अब आप आगे आ जाओ सेक्शन 11(2), एग्जेम्पशन इफ इनकम अकुमुलेट या सेट अपार्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मान लो ट्रस्ट क्या करता है, ट्रस्ट अपने इनकम को थोड़ा इकट्ठा करना चाहता है, ट्रस्ट को आगे जाके एक फ्यूचर में एक मंदिर बनाना है या एक धर्मशाला बनानी है या एक मस्जिद बनानी है। अब मंदिर बनाना है या मान लो एक स्कूल बनानी है, अब उसके लिए मंदिर बनाना है या स्कूल बनानी है, धर्मशाला बनानी है, उसके लिए फंडिंग चाहिए ट्रस्ट को, पैसा चाहिए काफ़ी सारा। एक साल की इनकम से तो बनेगा नहीं, वो उसको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो पैसा अकुमुलेट इकट्ठा कर सकता है, सेट अपार्ट कर सकता है, अकुमुलेट या सेट अपार्ट कर सकता है, वो अपने इनकम को अकुमुलेट या सेट अपार्ट कर सकता है। तो अकुमुलेट या सेट अपार्ट करता है ट्रस्ट अपनी इनकम को, तो ट्रस्ट को उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। ट्रस्ट अगर अपनी इनकम को अकुमुलेट या सेट अपार्ट करता है तो ट्रस्ट को जितनी इनकम ट्रस्ट ने अकुमुलेट या सेट अपार्ट करी उसकी भी ट्रस्ट को डिडक्शन मिल जाएगी। बस उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अभी क्या है अकुमुलेट या सेट अपार्ट, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लो ट्रस्ट को अदर इनकम थी मान लो 40 लाख की, 15% का अपन ने ले लिया स्टैंडर्ड डिडक्शन 6 लाख का, मान लो 15% बता 34 लाख, 34 लाख में से ट्रस्ट ने अमाउंट अप्लाइड कर दी 20 लाख, 20 लाख ट्रस्ट ने इंडिया में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस में खर्च कर दिए मान लो, बता कितना 14 लाख। 14 लाख की ट्रस्ट की अभी भी इनकम आ रही है। ट्रस्ट चाहे तो इस बची हुई इनकम को 14 लाख को अकुमुलेट या सेट अपार्ट कर सकता है। अकुमुलेट या सेट अपार्ट मतलब इकट्ठी कर सकता है इनकम को, अकुमुलेट या सेट अपार्ट कर सकता है। अब इस 40 लाख को या तो पूरा का पूरा कर सकता है, 10 लाख का ऐसे से 10 लाख कर सकता है, 12 लाख कर सकता है, कितना चाहिए जितना कर सकता है। तो इस इनकम को वो अकुमुलेट या सेट अपार्ट कर सकता है कुछ सालों के लिए, कुछ सालों के लिए इकट्ठी कर सकता है। अब अकुमुलेट या सेट अपार्ट कितने सालों के लिए कर सकता है, मैक्सिमम 5 ईयर के लिए कर सकता है। अकुमुलेट या सेट अपार्ट मैक्सिमम 5 ईयर के लिए कर सकता है। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, मान लो ये जो ट्रस्ट है वो इस 14 लाख में से 10 लाख की इनकम को अकुमुलेट करना चाहता है 5 ईयर के लिए मान लो, तो कर सकता है, करना चाहे तो उसको इसकी भी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी 10 लाख की, बता कितना 4 लाख, बता 4 लाख, 4 लाख की उसकी इनकम बच जाएगी। तो कितने भी अकुमुलेट कर सकता है, इस तरह से इसकी भी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। क्वेश्चन में आपको कंडीशन वगैरह दे रखी है तो ही चेक करनी है, नहीं दे रखी तो अपन मान लेंगे हाँ कंडीशन पूरी हो रही है और अपन सीधा का सीधा लेस कर देंगे। ट्रस्ट ने जो भी इनकम अकुमुलेट करी, सेट अपार्ट करी, उसको अपन सीधा का सीधा लेस कर देंगे। और कंडीशन दे रखी है तो कंडीशन देख लेंगे पूरी हो रही नहीं हो रही। अब कंडीशन क्या है,
ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट को एक फॉर्म नंबर 10 में एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा। ट्रस्ट को डिपार्टमेंट वालों को मतलब एओ को एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 10 में। कब तक फर्निश करना पड़ेगा, ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक, ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक फर्निश करना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि कितने पीरियड के लिए ट्रस्ट अकोमोडेट करना चाहता है और ट्रस्ट का पर्पस क्या है अकोमोडेट करने का। ट्रस्ट को मंदिर बनाना है आगे जाके, मस्जिद बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनानी है, क्या पर्पस है ट्रस्ट का, पर्पस बताना पड़ेगा और पीरियड बताना पड़ेगा। अब मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए ट्रस्ट अकोमोडेट कर सकता है, 5 ईयर्स के लिए। मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए कर सकता है, 5 ईयर्स के लिए। अभी अकोमोडेट देखो पीरियड कैसे काउंट करते हैं वो भी देख लो आप। मान लो प्रीवियस ईयर है आपका 23-24 है, मान लो 23-24 में ट्रस्ट अकोमोडेट करना चाहते हैं, या मान लो आप 22-23 मान लो, एक बार प्रीवियस ईयर 22-23 में ट्रस्ट इनकम को अकोमोडेट करना चाहता है 10 लाख की इनकम को। तो अब ट्रस्ट 5 ईयर के लिए करना चाहता है तो 5 ईयर कहाँ से काउंट होंगे, 22-23 से काउंट नहीं होंगे। 22-23 की इनकम को अकोमोडेट करोगे तो वो कहाँ से काउंट होते हैं, तो काउंट होंगे प्रीवियस ईयर 23-24 से, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 और 27-28, इस तरह से 5 ईयर काउंट होंगे। 22-23 की इनकम नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अकोमोडेट हो सकती है, आगे आने वाले 5 ईयर के लिए अकोमोडेट हो जाएगी। अब आप बोलोगे कम पीरियड के लिए अकोमोडेट कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है। ऐसा नहीं कि 5 ईयर के लिए करना जरूरी है, 4 के लिए भी कर सकता है, 3 के लिए भी कर सकता है, 2 के लिए भी कर सकता है, लेकिन 5 से ज़्यादा के लिए कर सकता है क्या, 5 ईयर से ज़्यादा के लिए नहीं कर सकता। मैक्सिमम 5 ईयर के लिए ट्रस्ट अकोमोडेट कर सकता है। ट्रस्ट जिस पर्पज़ के लिए अकोमोडेट करना है वो पर्पज़ उसको 5 ईयर के अंदर अंदर उस पर्पज़ में उस इनकम को लगाना है, 5 ईयर के अंदर अंदर उस पीरियड में खर्च करना है उस इनकम को जिस पर्पज़ के लिए अकोमोडेट कर रहा है, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, या कुछ भी पर्पज़ है जो भी। आगे बता रखा है ट्रस्ट को जो भी इनकम उसने अकूमुलेट करी उस इनकम को 11-5 मोर्स के में डिपॉजिट करवाना है। जैसे करंट ईयर में मान लो ट्रस्ट ने 10 लाख अकूमुलेट किए तो 10 लाख को ट्रस्ट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कहाँ, 11-5 के मोर्स में इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। कब तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अप टू एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में ट्रस्ट ने 10 लाख अकूमुलेट किए तो करंट प्रीवियस ईयर के एंड तक 10 लाख उसको सेफ मोर्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, सेफ मोर्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और जैसे जैसे वो, जैसे मान लो मंदिर बनाने का उसका पर्पस है तो जैसे जैसे मंदिर का कंस्ट्रक्शन जाता है उससे विड्रॉ करके वो वहाँ खर्च कर दे, विड्रॉ करे और मंदिर बनाने में खर्च कर दे, ऐसा करना पड़ेगा। सेफ मोर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अप टू, और कब तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अप टू एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के एंड तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लो प्रीवियस ईयर के एंड तक ट्रस्ट ने 10 लाख अकोमोडेट किया लेकिन 8 लाख की इन्वेस्ट कर पाया सेफ मोर्स में, तो 8 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, पूरे 10 लाख का नहीं मिलेगा। आगे बता रखा है ट्रस्ट उस अकोमोडेट वाली अमाउंट को किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकता। उस अकोमोडेट वाली अमाउंट से ट्रस्ट को क्या करना है, जो भी ट्रस्ट का पर्पस है मंदिर बनाने का, मस्जिद बनाने का, उसी को पूरा करना है, उसी में लगाना है वो अमाउंट, कहीं और खर्च नहीं कर सकता, दूसरे ट्रस्ट को डोनेट भी नहीं कर सकता। अब आगे बता रखा है सेक्शन 11 सबसेक्शन 3, ये भी क्या है, डीम्ड इनकम का सेक्शन है। देखो डीम्ड इनकम अपन ने एक तो ऊपर देख ली, डीम्ड इनकम 11(1)(b) वाली, अब दूसरी डीम्ड इनकम आ रही है 11(3). ट्रस्ट अगर उस 11(2) में जो अकुमुलेट वाली अमाउंट है इसका गलत यूज़ करता है या तो, या इसको पूरा यूज़ नहीं कर पाता, जो भी स्पेसिफिक पीरियड था जो ट्रस्ट ने एओ से मांगा था 5 ईयर 4 ईयर 3 ईयर, उस टाइम में वो या तो उसको यूज़ नहीं कर पाता या उसको गलत यूज़ कर लेता है, तो उसकी बन जाएगी डीम्ड इनकम। और डीम्ड इनकम बन गई तो क्या हो जाएगा, वो 115BBI, मैंने बताया एक नया सेक्शन आया 115BBI, वहाँ चली जाएगी इनकम और वहाँ 30% रेट लग जाएगी। तो डीम्ड इनकम का अपन दूसरा केस देख रहे हैं। तो अगर ट्रस्ट अकुमुलेट वाली अमाउंट का, ऊपर जो अपन ने अकुमुलेट वाली अमाउंट पढ़ी है ना, इस अमाउंट का ट्रस्ट गलत यूज़ करता है या इसको यूज़ ही नहीं करता तो क्या होगा। पहला, ट्रस्ट उस अकुमुलेट वाली अमाउंट का गलत यूज़ करता है। गलत यूज़ कैसे करता है, 10 लाख की इनकम उसने अकुमुलेट करी थी मंदिर बनाने के लिए और ट्रस्ट अब क्या कर रहा है, उससे धर्मशाला बना रहा है या मान लो उसे कोई क्लब बना रहा है, ऐसा करता है तो ट्रस्ट ने जितनी अमाउंट गलत यूज़ करी, जिस ईयर में गलत यूज़ करी, उस ईयर में उसकी क्या बन जाएगी, वो डीम्ड इनकम बन जाएगी। दूसरा, ट्रस्ट उस अकुमुलेट वाली अमाउंट को उस स्पेसिफिक पीरियड में खर्च नहीं करता। मान लो उसने एओ से 5 साल मांगे थे, मैक्सिमम कितने मांग सकता है, 5 साल, तो 5 ईयर में खर्च नहीं करता, तो फिफ्थ ईयर में वो क्या बन जाएगी उसकी डीम्ड इनकम। मतलब जितने साल उसने मांगे थे तो उस प्रीवियस ईयर का जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर, तो फिफ्थ ईयर में उसकी डीम्ड इनकम बन जाएगी। या मान लो उसने 3 साल के लिए अकुमुलेट किया था तो थर्ड ईयर में क्या बन जाएगी उसकी डीम्ड इनकम। मान लो उसने 4 ईयर मांगे थे उसे, 4 ईयर के लिए उसने अकुमुलेट किया था तो फोर्थ ईयर में क्या बन जाएगी उसकी डीम्ड इनकम। पहले क्या होता था, यहाँ पे 1 ईयर का ग्रेस मिलता था, 1 ईयर का ग्रेस मिलता था, लेकिन अब वो नहीं मिलता। अब जितने साल आपने एओ से मांगे, 4 ईयर मांगे, तो फोर्थ ईयर में वो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी। कैसे बनेगी, जैसे मान लो ट्रस्ट ने प्रीवियस ईयर 1920 में अकुमुलेट करी थी इनकम, अकुमुलेट 10 लाख 1920, मान लो ट्रस्ट ने करी थी 5 ईयर के लिए अकुमुलेट करी थी तो 1920 में इनकम अकुमुलेट करी थी तो प्रीवियस ईयर 2021 से काउंट करेंगे अपन, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024 और 2024, 2025, ये हो गया 2024, 2025। इन फिफ्थ
5 ईयर हो गई है, इन 5 साल में ट्रस्ट को 10 लाख खर्च करने हैं। मान लो ट्रस्ट 24-25 तक ओनली 9 लाख खर्च कर पाता है, 1 लाख उसका अनयूटिलाइज रह गया, 1 लाख वो खर्च नहीं कर पाया, तो 1 लाख क्या बन जाएगी इसकी 24-25 में, 5th ईयर में क्या बन जाएगी उसकी प्रीमियम का। मान लो ट्रस्ट 3 साल के लिए अकोमोडेट करता तो 22-23 में उसकी प्रीमियम को बन जाती, 3rd ईयर में उसकी प्रीमियम को बन जाती। तो जितने साल के लिए अकोमोडेट करी उस पीरियड में अगर वो अमाउंट को यूज़ नहीं कर पाता, तो जितनी अमाउंट यूज़ नहीं कर पाया, जितनी अमाउंट अनयूटिलाइज रह गई, वो उसकी बन जाएगी डीम्ड इनकम, उस लास्ट ईयर में उसकी बन जाएगी डीम्ड इनकम। आगे बता रखा है ट्रस्ट उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट दे देता है, कर देता है, तो जितना अमाउंट ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को डोनेट किया उस अकुमुलेट वाली अमाउंट में से, तो उतनी बन जाएगी ट्रस्ट की डीम्ड इनकम। लास्ट बता रखा है ट्रस्ट क्या करता है, उस अकुमुलेट वाली अमाउंट को 115 मोड से विड्रॉ करके कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। ट्रस्ट ने क्या किया, अकुमुलेट वाली अमाउंट 10 लाख इन्वेस्ट कर दी 115 मोड में। अब ट्रस्ट को क्या करना है, ट्रस्ट ने मंदिर बनाने के लिए अकोमोडेट की थी तो मंदिर बनाने में खर्च करनी है, लेकिन ट्रस्ट क्या करता है उसको विड्रॉ करता है 10 लाख को, और ट्रस्ट लगा देता है उसको किसी कंपनी के शेयर्स में, या मान लो किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स वगैरह में लगा दिए, या ट्रस्ट ने उस पैसे को जुए वगैरह में लगा दिए, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो जितना अमाउंट उसने कहीं और इन्वेस्ट किया वो ट्रस्ट की डीम्ड इनकम बन जाएगी। इन 4 केस में और क्या बन जाएगी ट्रस्ट की डीम्ड इनकम, कौन सी, सेक्शन 113 वाली। ये होती है एक और डीम्ड इनकम जो मैंने आपको बता दी। और ये डीम्ड इनकम कहाँ जाएंगी, सब ये सब जाएंगी 115 BBI में, और वहाँ लगेगी स्पेशल रेट, वहाँ लगेगी एक स्पेशल रेट। कैसे लगेगी सब आपको अभी पता पड़ जाएगा, उनको दिखाना कैसे है वो सब भी आपको पता पड़ जाएगा कि ट्रस्ट की इनकम में इनको दिखाना कैसे है। अब आप आगे आ जाओ, ट्रस्ट की कुछ स्पेशल इनकम के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल प्रोविजन बता रखें। सबसे पहले ट्रस्ट को अगर बिजनेस की इनकम होती है, देखो ट्रस्ट को बिजनेस की इनकम होती है, तो बिजनेस की इनकम कौन सी होगी, ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो वाली बिजनेस की इनकम होगी। ऐसा नहीं कि ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव तो है गरीबों की मदद करने का और ट्रस्ट का बिजनेस मान लो दारू बेचने का है, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता। अगर ट्रस्ट ऐसा करता है, ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव गरीबों की मदद करने का और ट्रस्ट दारू बेचने का धंधा खोलता है, तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन देने का, ट्रस्ट की स्कूल है और ट्रस्ट दारू बेचता है, ऐसा बिजनेस ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। या मान लो ट्रस्ट क्लब खोल के रखता है नाचने गाने का, कर सकता है क्या, ऐसा कर ही नहीं सकता। ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ट्रस्ट बिजनेस कर सकता है। जैसे हॉस्पिटल है तो ट्रस्ट मेडिकल शॉप खोल सकता है, एजुकेशन का बिजनेस है तो ट्रस्ट बुक वगैरह सेल करने की, या क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म वगैरह सेल करने की दुकान खोल सकता है। दूसरा एक और बताया था मैंने, जैसे अक्षय पात्र वाले हैं, उनका धर्म की शिक्षा देने का बिजनेस है, धर्म की शिक्षा देने का काम करते हैं वो मान लो, तो वो धर्म की शिक्षा देने के लिए बुक सेल करने का बिजनेस कर सकते हैं, रामायण भागवत गीता की बुक सेल करने का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन दूसरा बिजनेस पहले कर नहीं सकते पहली बात तो। और अगर वो ऑब्जेक्ट वाला बिजनेस करते हैं तो इसके लिए भी एक कंडीशन है, ऑब्जेक्टिव वाला बिजनेस करते हैं तो इनके लिए इसको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अगर कोई हॉस्पिटल है और उनका मेडिकल शॉप का बिजनेस है तो मेडिकल शॉप की सेपरेट बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अक्षय पात्र वालों का धर्म की शिक्षा देने का ऑब्जेक्टिव है और उनका बुक सेल करने का, रामायण की भागवत गीता की बुक सेल करने का बिजनेस है, वो बुक सेल करते हैं तो उसके लिए उनको सेपरेट बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। उस बिजनेस के लिए, उस ऑब्जेक्टिव वाले बिजनेस के लिए भी क्या करनी पड़ेगी, उनको सेपरेट बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर वो सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करते तो एडमिशन नहीं मिलती और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है उसमें भी, आगे जाके आपको पता पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो अगर उनका मेन ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने वाला बिजनेस है और उसकी सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं तो उस बिजनेस की इनकम में से भी क्या हो जाएगा, सेक्शन 11(1)(11)(2) की एडमिशन मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, उसको अपन मान लेंगे एनी अदर इनकम मान लेंगे, 15% का दे देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिमेनिंग 85% में जितना ट्रस्ट ने खर्च कर दिया इंडिया में उतने का डिडक्शन उसको मिल जाएगा। पर सेपरेट बुक्स मेंटेन करनी है, इसके अलावा ट्रस्ट का दूसरा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। दूसरा बिजनेस होता है तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ही क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, दूसरा बिजनेस ट्रस्ट का हो नहीं सकता। आगे बता रखा है अगर मान लो उस ट्रस्ट का क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए कोई बिजनेस था, जैसे मान लो एक हॉस्पिटल था और उनकी मेडिकल शॉप थी, उस ट्रस्ट का केस स्क्रूटनी में चला गया AO के पास और AO ने उस मेडिकल शॉप की इनकम बढ़ा दी। ट्रस्ट ने बताई थी मेडिकल शॉप की इनकम 50 लाख और AO ने कर दी 80 लाख, तो AO ने 30 लाख की क्या कर ली, कंसील्ड इनकम पकड़ ली। 30 लाख से AO ने ट्रस्ट की इनकम बढ़ा दी, उस मेडिकल शॉप की इनकम बढ़ा दी 30 लाख से। तो जो कंसील्ड इनकम AO ने पकड़ी या 30 लाख से जो इनकम बढ़ाई है, उस कंसील्ड इनकम में से ट्रस्ट को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो फुली टैक्सेबल होगी, उसमें सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो AO का केस स्क्रूटनी में चला गया और AO ने उसकी कंसील्ड इनकम पकड़ ली, तो जो कंसील्ड इनकम पकड़ी मतलब जो इनकम AO ने बढ़ाई, 50 लाख ट्रस्ट ने बताई थी, AO ने कर दी 80 लाख, तो जो 30 लाख की इनकम AO ने बढ़ाई उस 30 लाख में से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। फालतू पॉइंट तक काम का नहीं था लेकिन मैंने बता दिया। अब आगे आओ, सेक्शन 10 में इनकम टैक्स में काफ़ी सारी एग्जिमिशन दे रखी है। ट्रस्ट के केस में तो मैंने बताया आपको क्या लगते हैं, सेक्शन 11-13 लगता है,
बाकी कुछ काम के नहीं होते सेक्शन इनकम निकालने के लिए। तो सेक्शन 10 भी काम का नहीं होता, लेकिन सेक्शन 10 में ट्रस्ट को दो एग्जेम्पशन मिल जाती है, 10(1) वाली और 1023(c) वाली। 10(1) वाली कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम ट्रस्ट की पूरी एग्जेम्पशन होती है। और 1023(c) वाली कौन सी? ट्रस्ट की, मान लो कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है। तो क्या होगा? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट वाला है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। रिसीट, एग्रीगेट रिसीट 5 करोड़ तक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो सेक्शन 11 वाली एग्जेम्पशन, मतलब ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिल जाती है। 10(1) और 1023(c) वाली एग्जेम्पशन मिल जाती है, बाकी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। अब ट्रस्ट को मान लो सेक्शन 10 में और कोई इनकम हो रही है, जैसे शेयर इनकम फ्रॉम HUF, शेयर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फ्रॉम 10(2), 10(2A, उनकी एग्जेम्पशन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ट्रस्ट को। सेक्शन 10 में उनकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट सेक्शन 10 में नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? ट्रस्ट की अगर कोई और इनकम हो रही है वो सब क्या होंगी? एनी अदर इनकम, एनी अदर इनकम का पार्ट बनेंगी। और उनकी एग्जेम्पशन कहाँ मिलेगी ट्रस्ट को? सेक्शन 11 में 15% का स्टैंडर्ड रिडक्शन, और रिमेनिंग 85% में ट्रस्ट ने जितना खर्चा किया उतनी रिडक्शन। ट्रस्ट की इनकम बिल्कुल अलग तरीके से निकलती है, ट्रस्ट पे इनकम टैक्स के बाकी सेक्शन अप्लाई नहीं होते। अब ट्रस्ट की एक और इनकम की बात करते हैं, कैपिटल गेन। ट्रस्ट के केस में देखो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। सेल माइनस कॉस्ट, सेल अमाउंट ले लो माइनस में से कॉस्ट कर दो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दो, ये आ जाएगा कैपिटल गेन। और ये बन जाएगा ट्रस्ट की एनी अदर इनकम, ये बन जाएगा ट्रस्ट की एनी अदर इनकम। ट्रस्ट के केस में कोई इंडेक्स वगैरह नहीं होता, ट्रस्ट के केस में वो सेक्शन 45 वगैरह जो है ना कैपिटल गेन वाले अप्लाई नहीं होते। कैसे निकालोगे इनकम? सेल माइनस कॉस्ट, वो ट्रस्ट की बन जाएगा इनकम। इनकम भी कौन सी? एनी अदर इनकम, उसमें से 15% लेस कर देंगे और रिमेनिंग 85% में से जितना जितना ट्रस्ट खर्च कर देगा इंडिया में उतना लेस कर देंगे। सिंपल सा केस। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट और दे रखा है। मान लो ट्रस्ट क्या करता है, कोई पुराने कैपिटल एसेट को बेच के नया कैपिटल एसेट खरीदता है। ट्रस्ट के पास एक बिल्डिंग थी, ट्रस्ट ने उसको सेल किया और दूसरी बिल्डिंग खरीद ली, या दूसरा लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग को सेल करके एक लैंड खरीद लिया, या बिल्डिंग को सेल करके एक दूसरी बिल्डिंग खरीद ली, ऐसा कुछ करता है ट्रस्ट, तो क्या होगा? तो देखो, ट्रस्ट ने नए एसेट में इन्वेस्ट किया, तो नया एसेट ट्रस्ट खरीदता है तो अपने देखा था कैपिटल एक्सपेंस ऑफ ट्रस्ट को भी अपन अप्लाइड मान लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट ने पुराना बेच के नया खरीदा तो ट्रस्ट ने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, तो ऐसे केस में पूरी अमाउंट अप्लाइड नहीं मानी जाएगी। जैसे मान लो ट्रस्ट ने पुराना एक असेट था 10 लाख में बेचा और एक नया असेट ट्रस्ट ने 40 लाख का खरीद लिया, अगर ट्रस्ट बिना कुछ बेचे अपने फंड से 40 लाख का असेट खरीदता तो 40 लाख को अपन अप्लाइड मान लेते। लेकिन ट्रस्ट ने पुराना बेच के नया खरीदा है तो ट्रस्ट ने ज़्यादा बहादुरी का काम नहीं किया। ऐसे केस में अप्लाइड कितना मानोगे? ऐसे केस में अप्लाइड कितना मानेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट शैल बी ट्रीटेड एज अप्लाइड। क्या मानेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड। मान लो नया असेट ट्रस्ट ने खरीदा 50 लाख का, 50 लाख ले लेंगे, इसमें से लेस करेंगे ट्रस्ट ने जो ओल्ड एसेट खरीदा था वो कितने में खरीदा था, वो कितने में खरीदा था? मान लो ओल्ड एसेट ट्रस्ट ने खरीदा था 8 लाख में, वो लेस कर देंगे, मतलब 42 लाख का अप्लाइड मानेंगे। ट्रस्ट ने एक तरीके से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना किया वो अप्लाइड मानेंगे, पूरा 50 लाख अप्लाइड नहीं मानेंगे ऐसे केस में, क्योंकि ट्रस्ट ने कोई बहादुरी नहीं करी, पुराना बेच के नया खरीदा है तो पूरा 50 लाख अप्लाइड नहीं मानेंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी लिया था मैंने, ट्रस्ट के पास एक असेट था जो ट्रस्ट ने 1 लाख में खरीदा था, उसको ट्रस्ट ने 1.5 लाख में सेल कर दिया। सबसे पहले तो कैपिटल गेन निकालेंगे, 1.5 लाख माइनस 1 लाख 50,000 का आ गया कैपिटल गेन, ये तो बन जाएगा ट्रस्ट की एनी अदर इनकम। 15% का इसमें से अपन दे देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ट्रस्ट ने पुराना बेच के क्या किया? एक नए एसेट खरीद लिया। नए एसेट के आपको 3 केस दे रखे हैं। पहले केस में ट्रस्ट ने 1.5 लाख का पुराना बेचा और 1.5 लाख पूरे के पूरे रुपए उसने नए एसेट में इन्वेस्ट कर दिए, 1.5 लाख का नया एसेट खरीद लिया, तो अमाउंट अप्लाइड कितनी मानोगे? पूरा 1.5 लाख अप्लाइड नहीं मानोगे, कितना मानोगे? 150 माइनस 1, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड। नया असेट कितने का था? 1,50,000 का। और पुराना कितने में परचेज किया था? पुराना परचेज कितने में किया था? कॉस्ट ऑफ असेट ट्रांसफर कितने में किया था पुराना? 1 लाख। 1,50,000 माइनस 1,50,000 अप्लाइड मानेंगे। केस टू में मान लो ट्रस्ट ने न्यू असेट किया 1,20,000 का, तो अप्लाइड कितना मानेंगे? 120 माइनस 1, 20,000। मान लो केस थ्री में ट्रस्ट ने जो न्यू असेट खरीदा 1,60,000 का खरीदा, तो अप्लाइड कितना मानोगे? 1,60,000 माइनस 1, 60,000 अप्लाइड मानोगे, ये मानोगे अप्लाइड। ये पूरा जो ट्रस्ट ने न्यू असेट खरीदे पूरा अप्लाइड नहीं मानोगे, क्योंकि ट्रस्ट ने पुराना बेच के नया खरीदा है, कोई बहादुरी का काम नहीं किया। इस कारण डिफरेंस अमाउंट, कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड, इनका जो डिफरेंस आएगा उसको मानेंगे अप्लाइड। अब एक ट्रस्ट की स्पेशल इनकम एक और है, एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन, अब ये एनोनिमस डोनेशन क्या होता है? मैंने बताया था गुप्तदान। गुप्तदान मतलब जो डोनेशन दे रहा है वो अपना रिकॉर्ड नहीं बताता या अपना नाम पता नहीं बताता, या जो ट्रस्ट डोनेशन रिसीव कर रहा है वो डोनर का रिकॉर्ड नहीं रखता, वो बन जाता है एनोनिमस डोनेशन। अब एनोनिमस डोनेशन अगर होली रिलीजियस ट्रस्ट को मिलता है, मतलब कोई ट्रस्ट है जिसका क्या है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह है, उनको एनोनिमस डोनेशन मिलता है तो क्या होगा? देखो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह होते हैं, इनको जनरली क्या मिलता है? एनोनिमस डोनेशन ही मिलता है। तो क्यों मिलता है एनोनिमस डोनेशन? इनकी जो भी प्लेस है वहाँ पर क्या होता है? दान पेटी रखी हुई होती है, तो इनको क्या मिलता है जनरली? एनोनिमस डोनेशन मिलता है। अब एनोनिमस डोनेशन जो इसको मिलता है, तो इन्होंने बोला गवर्नमेंट ने कि उसको हम 115BBC में टैक्सेबल नहीं करेंगे, उसको पूरा का पूरा क्या माना जाएगा? नॉर्मल डोनेशन माना जाएगा। तो जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह को
एनोनिमस डोनेशन मिलता है, एनोनिमस होते हुए भी क्या मानेंगे उनको? नॉर्मल डोनेशन। वो 115BBC में टैक्सेबल ही नहीं होगा, उसको नॉर्मल डोनेशन मान के एनी अदर इनकम मान लेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनोनिमस डोनेशन, लेकिन फिर भी क्या मानेंगे उसको? नॉर्मल डोनेशन, अगर रिलीजियस ट्रस्ट को मिलता है तो। दूसरा, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन मिलता है, जैसे स्कूल को मिलता है, कॉलेज को मिलता है, इसके अलावा कोई योग का इंस्टीट्यूट है, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई रिलीफ ऑफ पुअर वाला चैरिटेबल ट्रस्ट है, किसी को भी मिलता है एनोनिमस डोनेशन, तो क्या होगा? तो फिर वो चला जाएगा 115BBC, वो चला जाएगा 115BBC। तीसरा केस, कोई ट्रस्ट है जो चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों है। कोई ट्रस्ट क्या है? चैरिटेबल भी है और रिलीजियस भी, जैसे अक्षय पात्र है, उनका ट्रस्ट चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों है। कैसे है? उनका एक ऑब्जेक्टिव तो, उनका तो मंदिर भी है, दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव एक है गरीबों की मदद करने का भी है, तो चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों है, तो ऐसे केस में उनको एनोनिमस डोनेशन मिलेगा, तो क्या होगा? या मान लो एक ट्रस्ट है जिसकी स्कूल भी है और टेम्पल भी है, स्कूल भी और मंदिर भी है, तो ट्रस्ट क्या हो गया? चैरिटेबल और रिलीजियस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस हो गया। अब इसको एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है तो क्या होगा? मान लो इस ट्रस्ट को 10 लाख का एनोनिमस डोनेशन मिला। क्या मिला? एनोनिमस डोनेशन 10 लाख का मिला, तो क्या होगा? अब देखना इसमें ध्यान से, अगर ये 10 लाख का एनोनिमस डोनेशन उस ट्रस्ट को, उस चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मतलब एजुकेशनल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए मिला है, मतलब ये 10 लाख का डोनेशन मान लो स्कूल के लिए मिला है इस ट्रस्ट को, तो ये तो चला जाएगा 115BBC में, तो कहाँ चला जाएगा? 115BBC में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मान लो ये 10 लाख का एनोनिमस डोनेशन इस ट्रस्ट को, इस चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को किसके लिए मिला है? टेम्पल के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? टेम्पल के लिए मिला है, तो फिर ये 115BBC में टैक्सेबल नहीं होगा, इसको क्या माना जाएगा? नॉर्मल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नॉर्मल माना जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 10 लाख का एनोनिमस डोनेशन मिला, मान लो 6 लाख का स्कूल के लिए मिला, 4 लाख का टेम्पल के लिए मिला, अब क्या होगा? 6 लाख का तो चला जाएगा 115BBC में, और जो 4 लाख का टेम्पल के लिए मिला है ये बन जाएगा नॉर्मल। ये क्या बन जाएगा? नॉर्मल, और ये 6 लाख का चला जाएगा 115BBC, ऐसा होगा। अगर ट्रस्ट क्या है? चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों है, तो एक तरीके से अगर एनोनिमस डोनेशन रिलीजियस ट्रस्ट को मिलता है तो वो बन जाता है नॉर्मल डोनेशन, मतलब एनोनिमस डोनेशन का जो प्रोविजन है वो रिलीजियस ट्रस्ट पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उनको मिलता ही क्या है? एनोनिमस डोनेशन मिलता है। अगर आप उस पर भी टैक्स लगा दोगे 115BBC वाला, तो उनका क्या होगा? उन पर अगर आप 30% की रेट से स्पेशल टैक्स रेट लगा दोगे, क्या फ़ायदा? तो 115BBC वाला कंसेप्ट रिलीजियस ट्रस्ट पर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई ट्रस्ट चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों होता है, तो अगर रिलीजियस ट्रस्ट के लिए वो मिला है एनोनिमस डोनेशन, अगर रिलीजियस ट्रस्ट के मिला है तो वो भी नहीं जाएगा 115BBC में, वो माना जाएगा नॉर्मल। बस चैरिटेबल ट्रस्ट पे ये कंसेप्ट लगता है एनोनिमस डोनेशन का, और चैरिटेबल और रिलीजियस दोनों हैं तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जितना एनोनिमस डोनेशन मिला उस पे लगता है 115BBC का कंसेप्ट। कैसे लगता है? जो भी एनोनिमस डोनेशन मिला चैरिटेबल ट्रस्ट को वो ले लो, एनोनिमस डोनेशन जो भी मिला, जैसे मान लो 5 लाख का मिला वो ले लो। देखो मंदिर वगैरह को मिला, रिलीजियस ट्रस्ट को मिला, वो मत ले लेना, वो तो माना जाता है नॉर्मल, वो एनोनिमस होते भी नॉर्मल बन जाता है, वो नहीं लेना। जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए जो भी एनोनिमस डोनेशन मिला वो ले लो, वो ले लेंगे अपन। रिलीजियस ट्रस्ट वाला मत ले लेना, वो 5 लाख ले लिया अपन ने। अब इसमें से एक लिमिट लेस करेंगे, ये पूरा एनोनिमस डोनेशन जो 5 लाख बना, ये पूरा 115BBC में 30% से टैक्सेबल नहीं होगा, इसमें से एक लिमिट लेस होगी। लिमिट क्या है? 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव्ड और ₹1 लाख, विच एवर इज हायर। 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव्ड, क्या बोला मैंने? उस ट्रस्ट को जितना भी डोनेशन रिसीव हुआ है टोटल ले लो आप, नॉर्मल वाला भी, कॉर्पस वाला भी और एनोनिमस वाला भी, जितना भी नॉर्मल डोनेशन है वो ले लो, जितना भी कॉर्पस है, चाहे कॉर्पस एग्जेम्प्ट हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा ले लो, और प्लस एनोनिमस पूरा ले लो। तो उस ट्रस्ट को जितना भी नॉर्मल डोनेशन, जितना भी कॉर्पस और जितना भी एनोनिमस मिला है पूरा ले लो, टोटल डोनेशन रिसीव, टोटल डोनेशन रिसीव, और लेना कौन सा है? जो रिसीव हुआ है वो लेना है। अगर मान लो उस ट्रस्ट ने किसी और को डोनेशन दिया है वो मत ले लेना, डोनेशन गिवन मत ले लेना, डोनेशन रिसीव, तो टोटल डोनेशन रिसीव ले लो, उसका कर दो 5%, नॉर्मल वाला भी, कॉर्पस वाला भी, एनोनिमस वाला भी। मान लो एक ट्रस्ट का मंदिर भी है, स्कूल भी है, तो टोटल डोनेशन रिसीव टोटल ले लो, मंदिर वाला भी और स्कूल वाला भी, मंदिर के लिए जो मिला वो भी ले लो, स्कूल के लिए जो मिला वो भी ले लो, टोटल डोनेशन रिसीव्ड उसका 5% कर दो, उसका 5% कर दो, और उसको कंपेयर करो 1 लाख से। मान लो टोटल डोनेशन एक ट्रस्ट को मिला 40 लाख का, तो 40 लाख का क्या करना है आपको? 5%। देखो 40 लाख का 5% किया कितना आया, ये आया आपका 2 लाख, इसको कंपेयर करो आप 1 लाख, और इन दोनों का ले लो हायर। हायर क्या आया? 2 लाख हायर आ गया, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख विच एवर इज हायर, 2 लाख, तो ये लिमिट इसमें से लेस कर दो, आया कितना? 3 लाख। ये आएगा एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115BBC एट द रेट 30%। ये 3 लाख टैक्सेबल होगा 115BBC 30% से, ये 3 लाख जाएगा। अब आप बोलोगे उस चैरिटेबल ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन तो 5 लाख का मिला था, और आप अपन 3 लाख ही टैक्सेबल कर रहे हैं, ये 2 लाख का क्या होगा? ये जो 2 लाख है ना, जो लिमिट आई है एनोनिमस डोनेशन की, जो अपन ने लिमिट निकाली है, ये माना जाएगा नॉर्मल डोनेशन। ये एनोनिमस होते हुए भी क्या माना जाएगा? नॉर्मल।
ये नॉर्मल माना जाएगा और ये एनी अदर इनकम का पार्ट बन जाएगा। सेम इसमें से क्या मिल जाएगा, 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह वगैरह वो सब मिल जाएगा। 115 बीबीसी में सेपरेटली कौन सा टैक्सेबल होगा, ये 3 लाख टैक्सेबल होगा, ये 5 लाख पूरा टैक्सेबल नहीं होता। गवर्नमेंट ने एक लिमिट दे दी कि अगर आपको 1 लाख तक मिलता है एनोनिमस डोनेशन या टोटल डोनेशन का 5% तक मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप तो उसको पूरा नॉर्मल मान लो, उसको पूरा नॉर्मल मान लो, ऐसा बोल दिया चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। हाँ, रिलीजियस ट्रस्ट के लिए तो एनोनिमस डोनेशन वैसे ही क्या माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है, उनकी तो बात ही नहीं हो रही, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। तो एनोनिमस डोनेशन जितना भी रिसीव हुआ वो ले लो, उसमें से एक लिमिट लेस कर दो। लिमिट क्या है, 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव और ₹1 लाख विच एवरी हायर, ये लिमिट लेस करोगे। इसके बाद आएगा जो एनोनिमस डोनेशन 115 बीबीसी में 30% की रेट से सेपरेटली टैक्स होगा, सेपरेटली टैक्स होगा। अब इसमें 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव, क्या दे रखा है, टोटल डोनेशन रिसीव। अब इसमें एक वर्ड आता है गवर्नमेंट ग्रांट, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट जो आपको रिसीव हुआ ट्रस्ट को, जो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ कॉर्पस वाला और नॉर्मल वाला, वो भी लेना है क्या। देखो प्रोविजन में क्या वर्ड है, इनकम टैक्स एक्ट में क्या वर्ड है, यहाँ पे डोनेशन वर्ड है, डोनेशन वर्ड है। और इंस्टीट्यूट भी क्या लेता है, यहाँ पे खाली डोनेशन लेता है। इंस्टीट्यूट वैसे अल्टरनेटिव आंसर दे सकता है, लेकिन फर्स्ट अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट क्या लेता है, यहाँ पे डोनेशन ही लेता है, जो भी डोनेशन रिसीव हुआ वो लेता है। और इनकम टैक्स एक्ट में भी क्या वर्ड है, डोनेशन वर्ड है। और गवर्नमेंट ग्रांट को डोनेशन नहीं मानते, गवर्नमेंट ग्रांट अलग की होती है, वो गवर्नमेंट द्वारा सहायता पहुँचाई गई वो होता है, तो उसको दान नहीं मानते, दान नहीं मानते। गवर्नमेंट ग्रांट अलग चीज़ होती है, डोनेशन अलग की होती है, तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेना। लेकिन लेकिन ट्रस्ट की जो रिटर्न जाती है ना, उसमें इस केस में, इस लिमिट में, वहाँ पे एक गवर्नमेंट ग्रांट भी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट का ऑप्शन नहीं होता है वहाँ पे। तो ट्रस्ट की रिटर्न के अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट ग्रांट लिया जाता है, लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट है और जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है फर्स्ट अल्टरनेटिव, वहाँ इंस्टीट्यूट इस गवर्नमेंट ग्रांट को डोनेशन नहीं मानता और डोनेशन का पार्ट नहीं बनाता, इस टोटल डोनेशन रिसीव का पार्ट नहीं बनाता। जब अपन लिमिट निकालते हैं ना 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव, तो गवर्नमेंट ग्रांट मान लो आपको 5 लाख का मिला, 5 लाख का ट्रस्ट को मिला, तो 5 लाख इसका पार्ट नहीं बनाता, वो खाली क्या लेता है, डोनेशन रिसीव, बस टोटल डोनेशन रिसीव लेता है, टोटल डोनेशन रिसीव लेता है, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेता फर्स्ट अल्टरनेटिव में। अब आप क्या करोगे एग्जाम में, तो अपन को भी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग करना है, और इनकम टैक्स में भी खाली डोनेशन वर्ड है तो अभी अपन उसके अकॉर्डिंग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन भी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेंगे। आप चाहो तो एक अल्टरनेटिव आंसर में गवर्नमेंट ग्रांट लेके अल्टरनेटिव आंसर निकाल सकते हो, अगर आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है तो एग्जाम में। बाकी इंस्टीट्यूट ने हमेशा फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या किया है, टोटल डोनेशन रिसीव लिया है। और काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टीट्यूट को मेल करके भी पूछा था, बोर्ड ऑफ स्टडीज में मेल करके भी पूछा था, उन्होंने भी यही बोला था, एज पर प्रोविजन गवर्नमेंट ग्रांट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव, वो टोटल डोनेशन रिसीव का पार्ट नहीं बनेगा जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। लेकिन एज पर ITR, एज पर जो ट्रस्ट की रिटर्न जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में, वहाँ गवर्नमेंट ग्रांट का ऑप्शन दे रखा है, तो उस अकॉर्डिंग पार्ट बन जाएगा। तो आप चाहो तो दोनों अल्टरनेटिव दे सकते हो, लेकिन इंस्टीट्यूट फर्स्ट अल्टरनेटिव में वो ITR को फॉलो नहीं करता, प्रोविजन को फॉलो करता है, प्रोविजन को फॉलो करता है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ले लोगे तो दिक्कत आ सकती है, अगर मान लो इंस्टीट्यूट ने अल्टरनेटिव आंसर नहीं दिया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या लेता है, फर्स्ट अल्टरनेटिव में गवर्नमेंट ग्रांट को इग्नोर करता है, गवर्नमेंट ग्रांट को इस लिमिट में नहीं लेता, इस लिमिट को निकालते वक्त नहीं लेता, ये बात और ध्यान रख लेना। काफ़ी सारे लोग इसका बार बार डाउट पूछते रहते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो बेटर यही रहेगा आप गवर्नमेंट ग्रांट को इग्नोर करो इस लिमिट को निकालते वक्त। क्या लो खाली डोनेशन रिसीव्ड, क्या लो डोनेशन रिसीव्ड, और डोनेशन सारा नॉर्मल वाला भी, कॉर्पस वाला भी, एनोनिमस वाला भी, टोटल डोनेशन ले लो, टोटल डोनेशन उस ट्रस्ट को जितना भी मिला है, टोटल जितना भी रिसीव हुआ है वो ले लो। अब आप आगे आ जाओ, आगे देखते हैं इसमें अपन सेक्शन 12, अब थोड़ा प्रोसीजर वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। सेक्शन 11 का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो कुछ कंडीशन बता रखी है सेक्शन 12 में। पहला तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए सेक्शन 12 में, देखो ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कहाँ होना पड़ता है, 12 में। लेकिन एक जगह और रजिस्ट्रेशन ले सकता है ट्रस्ट, या तो 12 में ले सकता है या 1023C में। 1023C में जब लेता है तो उसको बोलते हैं अप्रूवल। अब आप बोलोगे कौन सी जगह ले, देखो कोई ट्रस्ट होता है जिसकी खाली क्या होती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशनल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन होता है, तो ट्रस्ट कहाँ लेते हैं रजिस्ट्रेशन, कहाँ लेते हैं अप्रूवल, वो लेते हैं 1023C में। लेकिन मान लो कोई ट्रस्ट है रिलीफ ऑफ पुअर वाला है, या मान लो कोई ट्रस्ट है उसकी स्कूल भी है, टेम्पल भी है, या मान लो कोई ट्रस्ट है उसके टेम्पल है, या मान लो कोई ट्रस्ट है उसका गुरुद्वारा है ऐसा है, या मान लो कोई ट्रस्ट है जिसका हॉस्पिटल भी है और टेम्पल भी है, ये सब कहाँ लेते हैं रजिस्ट्रेशन, 12 AB में, ये कहाँ लेते हैं 12 AB। आप लोगों के दोनों में फ़र्क क्या है, देखो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सेम प्रोसीजर है, 12 AB और 1023C में सेम प्रोसीजर है। 1023C में भी क्या होता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलता है, सेक्शन 11 की एग्जामिशन मिलती है। हाँ, 5 फ्लोर तक तो देखो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर आपकी ग्रोथ रिसीट, आपके पास कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है, बस ये है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, उनकी ग्रोथ रिसीट 5 फ्लोर तक है, तो दिक्कत ही नहीं है, तो अप्रूवल कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती,
अगर आप गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस हो सब्सटेंशियली, मतलब एक तरीके से आप गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल हो एक तरीके से, तो अभी कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा रिसीट होती हैं तो अब आपको इनमें से चूज़ करना पड़ता है। तो बेटर क्या होता है, बेटर बेटर कुछ नहीं होता। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या हॉस्पिटल का, एजुकेशनल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो 10-20% में जाते हैं। कोई ट्रस्ट है जिसका रिलीजियस है, रिलीजियस ट्रस्ट है या तो, या मान लो कोई और चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव है, रिलीफ ऑफ पुअर वगैरह ये है, वो 12AB में जाते हैं। कोई ट्रस्ट है मान लो जिसकी स्कूल और टेम्पल दोनों हैं, वो भी 12AB में जाते हैं। कोई ट्रस्ट है जिसका हॉस्पिटल और टेम्पल दोनों हैं, वो भी कहाँ जाते हैं, 12AB में जाते हैं। ये बात होती है, कहीं भी ले लो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रोसीजर है दोनों में, दोनों में सेम प्रोसीजर है। यहाँ भी सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलता है, यहाँ भी क्या होता है सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलता है, सेम है, बेनिफिट भी वही मिलता है, प्रोसीजर भी सेम है। अब आप बोलोगे दोनों में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कि दोनों में लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और दोनों में ले भी नहीं सकते। आप 12AB में हो, आप जाते हो, आप जाना चाहते हो 10-20 में, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पहली बात तो। और अगर आप ऐसा करते हो 12AB का कैंसिल हो जाएगा, 10-20 का मिल जाएगा, बाकी दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं। 10-23 से 12AB में जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन आपका पुराना वाला हट जाएगा, नया वाला मिल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं। तो ये डाउट प्रैक्टिकल डाउट होता है, वैसे क्वेश्चन में कोई इतना दिमाग में नहीं पूछता, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, प्रैक्टिकली कहाँ क्या करते हैं। बाकी क्वेश्चन में ऐसे कुछ चीज़ें नहीं पूछी जाती, क्वेश्चन में अपनी इनकम वगैरह निकालने के क्वेश्चन आते हैं, ऐसी फालतू चीज़ों का क्वेश्चन नहीं आता। अब पहली कंडीशन हो गई, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, ट्रस्ट की अगर टोटल इनकम सेक्शन 11 का बेनिफिट लेने से पहले, सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन लेने से पहले अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ट्रस्ट को बुक्स और डॉक्यूमेंट मेंटेन करनी है और ऑडिट करवानी पड़ेगी, बुक्स और डॉक्यूमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट करवानी पड़ेगी, दूसरी कंडीशन। और एक कंडीशन और है, ट्रस्ट को अपनी ROI ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। और ट्रस्ट की ROI जाती है सेक्शन 139(4A) में ROI जाती है, ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। ड्यू डेट क्या होगी, ट्रस्ट की अगर देखो ऑडिट होती है तो ड्यू डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर। और ट्रस्ट की अगर टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ट्रस्ट को बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करनी पड़ेगी। ये कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर देता है ट्रस्ट, तो वही सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलेगा। मान लो ट्रस्ट की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, लेकिन उसने बुक्स नहीं मेंटेन नहीं करी या ऑडिट नहीं करवाई, तो क्या होगा, तो उसको सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाहे ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ट्रस्ट ROI ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता, ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये था सेक्शन 12A। आगे आते हैं 12AB। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, 12AB में जो प्रोसीजर है सेम सेक्शन 10-23C में, सेम टू सेम 10-23C में, जो अपने देखा था पॉइंट नंबर थ्री उसकी बात कर रहा हूँ। पॉइंट 1 और 2 तो फालतू है, पॉइंट 1 और 2 में तो अप्रूवल वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो वैसे ही फुल्ली एग्जाम हो जाते हैं, वो तो वैसे ही क्या हो जाता है, फुल्ली एग्जाम हो जाते हैं पॉइंट 1 और 2। तो अपन 12AB 10-23C में प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का वो देख लो। हाँ, एक चीज़ और है, पहले क्या होता था, ट्रस्ट के जो रजिस्ट्रेशन का सेक्शन होता था ना, वो होता था 12AA। पहले कुछ साल पहले क्या होता था, 12AA, अब ये बंद हो चुका। अब ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना पड़ता है, 12AB में। तो क्वेश्चन में गलती से कभी 12AA दिख जाए तो घबराना मत, 12AA पहले होता था, अब क्या है 12AB। अब रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, ट्रस्ट को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी ऑनलाइन। ऑनलाइन कब तक करनी पड़ेगी, मैंने सेम बताया था आपको 10-23C में बताया था, ये जिस ईयर में ट्रस्ट एग्जेम्पशन लेना चाहता है या जिस ईयर में ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, उस प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग से कम से कम वन मंथ पहले एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब उसके बाद जो कमिश्नर है इनकम टैक्स का, जो कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर एक तरीके से AO का जो पापा या दादा है, वो देता है रजिस्ट्रेशन। AO नहीं देता यहाँ पे, AO का पापा या दादा देता है। और कब तक दे देगा अप्रूवल, जिस मंथ में एप्लीकेशन करी उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर क्या दे देगा आपको, रजिस्ट्रेशन की अप्रूवल दे देगा। और ये रजिस्ट्रेशन की जो अप्रूवल देगा कौन सी होगी, प्रोविजनल होगी, फाइनल नहीं होगी, प्रोविजनल होगी। और ये 3 ईयर के लिए वैलिड होगी। अब आप बोलोगे 1 महीने के अंदर अंदर कैसे देगा, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, ट्रस्ट आप क्रिएट कर देते हो और स्टार्टिंग में अभी आपने एक्टिविटी कमेंस नहीं करी, आपने ट्रस्ट क्रिएट किया, आपको ऑब्जेक्ट था गरीबों की मदद करने का, अभी आपने गरीबों की मदद करना स्टार्ट नहीं किया, आप ऐसे ही एप्लीकेशन कर देते हो, तो कमिश्नर अभी आपकी कोई चेकिंग नहीं करता, एक बार आपको ऐसे ही एक बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देता है, एक बार जो 3 ईयर के लिए क्या होता है वैलिड होता है, तो इतनी जल्दी वो दे देता है आपको, वन मंथ के अंदर अंदर दे देता है आपको। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, जब आप एक्टिविटी कमेंस कर देते हो, जब आप अपनी एक्टिविटी कमेंस कर देते हो, आपकी ऑब्जेक्टिव था गरीबों की मदद करने का, आपने ट्रस्ट बना लिया, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब 3 साल के लिए आपको मिल गया प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, 3 साल के अंदर अंदर आपको अपनी एक्टिविटी कमेंस करनी होती है। और जैसे ही आप एक्टिविटी कमेंस कर देते हो, उसके छः महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। मैंने क्या बोला, 3 साल के लिए मिल गया आपको प्रोविजनल, अब 3 साल के अंदर अंदर आपको जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था, उसकी जो भी एक्टिविटी है, वो आपको कमेंस करनी होती है। यहाँ पे अपन एक्टिविटी बोलते हैं, यहाँ बिजनेस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं एक्टिविटी, तो आपको एक्टिविटी कमेंस करनी पड़ती है, वो एक्टिविटी आपको कमेंस करनी पड़ती है। और जैसे ही आपने एक्टिविटी कमेंस करी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन की अप्लाई करना पड़ेगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन की अप्लाई करना पड़ेगा। अब फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा कब, जो कमिश्नर है
जिस मंथ में आपने एप्लीकेशन करी उस मंथ के एंड से, सिक्स मंथ के अंदर अंदर, सिक्स मंथ के अंदर अंदर आपको या तो फाइनली रजिस्टर कर लेगा या रजिस्टर करने से मना कर देगा। वो अब क्या करेगा, अब छः महीने का टाइम दे रहा है, अब वो आपकी एक्टिविटीज़ चेक करेगा कि आपकी एक्टिविटीज़ जेन्यून है या नहीं है, आप दूसरे लोगों का कंप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे। मतलब ट्रस्ट के ऊपर मान लो फैक्ट्री एक्ट अप्लाई होता है, या मान लो ट्रस्ट के ऊपर पीएफ एक्ट अप्लाई होता है या जीएसटी एक्ट अप्लाई होता है, ट्रस्ट उसको कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी चेक करेगा। अगर आपकी एक्टिविटीज़ जेन्यून है और आप दूसरे लोगों को कंप्लाई कर रहे हो तो वो आपको रजिस्टर कर देगा, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करने से मना कर देगा। तो पहले तो आप लेते हो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, और जैसे ही आप अपनी एक्टिविटी कमेंस करने लग जाते हो फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, और सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है एक्टिविटी कमेंस करने से, और सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर ही क्या कर देता है कमिश्नर, आपको या तो रजिस्टर कर देता है या रजिस्टर करने से मना कर देता है। अब जो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको मिला ये जिंदगी भर के लिए वैलिड नहीं होता, ये फाइव ईयर के लिए वैलिड होता है। हाँ, पाँच साल बाद चाहो तो आप इसको रिन्यू करवा सकते हो, जिंदगी भर के लिए वैलिड नहीं होता। पहले जो 12AA में रजिस्ट्रेशन मिलता था ना, ये जिंदगी भर के लिए परपिचुअल वैलिड होता था, जिंदगी भर के लिए वैलिड होता था। लेकिन 12AB वाला जो नया सेक्शन है ना, 12AA पहले होता था कुछ साल पहले, लेकिन 12AB में क्या है, 5 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। अब आपको एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया, उसके बाद आपकी दादागिरी है कि आप जिंदगी भर रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड रहोगे, ऐसा नहीं है, 5 साल के लिए वैलिड रहेगा पहली बात तो। और बीच में चाहे तो वो कमिश्नर जो है या प्रिंसिपल कमिश्नर जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है। क्या कर सकता है कैंसिल, कब कर सकता है, अगर आप कुछ कांड करते करते पकड़े गए, कुछ कांड करते हुए पकड़े गए, अगर कमिश्नर ने आपको कुछ कांड करते हुए नोटिस कर लिया। कौन से कांड बता रखे हैं, टोटल 7 कांड बता रखे हैं, ये न्यू पॉइंट है, क्या है 7 कांड वो देख लो। पहला, ट्रस्ट अपनी इनकम को अप्लाई कर रहा है अदर देन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट था योग की शिक्षा देने का, तो ट्रस्ट ने क्या किया, ऑब्जेक्ट तो था योग की शिक्षा देने का, लेकिन ट्रस्ट ने डांस क्लास खोल रखी है, डांस सिखाता है वो, तो शिक्षा देनी थी उसको योग की, और काम क्या कर रहा है, डांस सिखा रहा है। इनकम को अप्लाई कहाँ कर रहा है, अदर देन ऑब्जेक्ट्स, क्या हो जाएगा, कमिश्नर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। दूसरा, ट्रस्ट की कोई पीजीबीपी की इनकम है जो एज पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई ऐसे पीजीबीपी की इनकम है जो एज पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, जैसे मान लो ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव था स्कूल का या एजुकेशन का या मेडिकल रिलीफ का, ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव मान लो मेडिकल रिलीफ का था, लेकिन ट्रस्ट दारू की दुकान खोल लेता है, क्या हो जाएगा, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। एज पर ऑब्जेक्टिव भी आप बिजनेस कर सकते हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस वाला काम भी करना चाहते हो, एज पर ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते। तीसरा बता रखा है, ट्रस्ट एज पर ऑब्जेक्टिव बिजनेस करता है लेकिन उस बिजनेस की सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करता, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आगे बता रखा है, ट्रस्ट अपनी इनकम को प्राइवेट रिलीजियस पर्पस में अप्लाई कर देता है। प्राइवेट रिलीजियस पर्पस मतलब ट्रस्ट क्या करता है, एक मंदिर बनाता है और बोलता है कि इसमें कुछ खास लोग दर्शन कर सकते हैं, या मान लो ट्रस्ट एक मस्जिद बनाता है और बोलता है कि इसमें कुछ खास लोग नमाज पढ़ सकते हैं, या मान लो ट्रस्ट क्या करता है, ट्रस्ट को जो इनकम हुई उससे क्या करता है, ट्रस्ट एक कथा करवाता है, एक पाठ करवाता है, कथा पाठ वगैरह करवाता है, और उसमें बोलता है कि कुछ खास लोग आ सकते हैं, पूरी जनरल पब्लिक नहीं आ सकती, कुछ खास लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ काम करता है। या ट्रस्ट मान लो एक भंडारा करवाता है, बोलता है इसमें कुछ खास लोग आ सकते हैं, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगला बता रखा है, इनकम अप्लाइड फॉर बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट। ट्रस्ट क्या करता है, अपनी इनकम को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या पर्टिकुलर कास्ट के लिए लगा देता है। ट्रस्ट क्या करता है, अपनी इनकम को बनियों में लगा देता है, ब्राह्मणों में लगा देता है, या मान लो ट्रस्ट अपनी इनकम को खाली हिंदुओं में लगाता है या खाली मुसलमानों में खर्च करता है, तो क्या हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ट्रस्ट क्या होता है, पूरी पब्लिक के लिए होता है, वो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए नहीं होता, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए नहीं होता, उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो सेक्शन 11 के बेनिफिट नहीं ले पाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा कैंसिल। जैसे आपने मान लो एक स्कूल खोली और बोल रहे हो खाली मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे या खाली हिंदुओं के बच्चे पढ़ेंगे, सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। आगे बता रखा है, ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ जेन्यून नहीं है, या तो ये ट्रस्ट अपनी ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ नहीं करता। ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव था गरीबों की मदद करने का, और ट्रस्ट क्या कर रहा है, अमीरों की मदद कर रहा है, ट्रस्ट का क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आगे बता रखा है, ट्रस्ट अदर लोगों का कंप्लाई नहीं करता, ट्रस्ट पे पीएफ एक्ट लगता था लेकिन ट्रस्ट पीएफ एक्ट को फॉलो नहीं करता, कंप्लाई नहीं करता, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर ट्रस्ट इनमें से कोई सा भी कांड करते हुए पकड़ा गया, या तो कमिश्नर ने उसको खुद पकड़ लिया, या दूसरा केस जो एओ था, जो कमिश्नर का बेटा है एओ असेसिंग ऑफिसर, वो उस ट्रस्ट की स्क्रूटनी कर रहा था, स्क्रूटनी में मतलब एक तरीके से चेकिंग कर रहा था, असेसमेंट कर रहा था, 143(3) का, 143(3) आपके आएगा असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर में, तब आपको पता पड़ेगा। तो एओ वहाँ चेकिंग कर रहा था, और एओ को इनमें से कोई कांड नोटिस में आ गए, चेकिंग करते करते एओ को पता चला कि ट्रस्ट ऊपर वालों में से कोई कांड कर रहा है, और एओ क्या करता है ऐसे केस में, अगर ऊपर वाले कांड पकड़ में आ जाते हैं, एओ सबसे पहले इन कांड के बारे में अपने पापा को बताएगा, कमिश्नर को या प्रिंसिपल कमिश्नर, पापा या दादा को बताएगा,
और ऐसा होता है तो अभी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है कैंसिल। तो एओ के पकड़ में आ गए, एओ रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता, एओ पापा को बताएगा और पापा चेक करेगा और पापा चेक करने के बाद ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। तीसरा केस है जो ऊपर वाले कांड है ना, एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पकड़ में आ गए। एज पर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है, आजकल देखो काफ़ी सारे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए, डिपार्टमेंट वालों के पास काफ़ी सारे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, वो थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन करते हैं, इसके अलावा क्लोज वेरीफिकेशन वगैरह करते हैं, और वहाँ से कुछ खबर आ गई, वहाँ से कुछ खबर पता चल गई, तो क्या होगा, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल हो सकता है। ये बातें बता रखी हैं। तो इन केस में क्या होगा, कमिश्नर ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा, एक बार ट्रस्ट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हट देगा, और उसके बाद ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अगर ट्रस्ट के केस में कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है कि ट्रस्ट ने ऊपर वाले कांड में से कोई ना कोई कांड किया है, अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। इसके बाद 12EB में एक स्पेशल पॉइंट और बता रखा है। मान लो कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और वो अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करता है, ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करता है, मान लो एक ट्रस्ट है जिसका ऑब्जेक्ट था गरीबों की मदद करने का, वो उसको शिफ्ट करके अब कर देता है एजुकेशन देने का, तो ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा, उस रजिस्टर्ड ट्रस्ट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, नए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो पुराना ऑब्जेक्ट था गरीबों की मदद करने का उसी बेस पर उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा था, उसी बेस पर वो अपना काम चला देगा, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट अपना ऑब्जेक्ट चेंज करता है, मान लो ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट था रिलीफ ऑफ पुअर और वह उस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके योग कर रहा है, योग कर रहा है, तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए 30 डेज में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो आगे जाकर दिक्कत हो जाएगी, क्या होगा, क्या होगी, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और उसके ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ ना पॉइंट टू में या पॉइंट थ्री में, तो आगे जाके आपको और पता पड़ेगा, एग्जिट टैक्स लग जाएगा। एग्जिट टैक्स कैसे लगेगा वो भी आपको आगे जाके पता पड़ेगा, इसी चैप्टर में पता पड़ेगा। ये था 12AB जो अपन ने देख लिया। अब आप आ जाओ सेक्शन 13, कुछ केस बता रखे हैं जहां आपको सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। चार केस बता रखे हैं इसमें। सबसे पहले अगर ट्रस्ट इनकम को प्राइवेट रिलीजियस पर्पस में अप्लाई कर देता है, या तो या पार्टिकुलर कास्ट के लिए या पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, या बनियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, या ऐसे कुछ अप्लाई कर देता है, तो क्या होगा, इन दोनों केस में सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी, इन दोनों केस में अपने ऊपर पढ़ा था रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा, जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो बात ही खत्म है, एग्जिमिशन कहाँ मिलेगी। ये दो केस तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके, अब दो नए केस हैं, दो स्पेशल केस और देखो। ये दो स्पेशल केस क्या है, इन दो केस में जो नीचे के दो केस बताऊंगा ना मैं, ध्यान देना, इसमें आपकी कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, बस आपको सेक्शन 11 का एग्जिमिशन नहीं मिलेगा। पहला केस क्या बता रखा है, ट्रस्ट क्या करता है, अपनी इनकम से रिलेटिव्स को फ़ायदा पहुँचाता है, या ट्रस्ट अपने रिलेटिव्स को, ट्रस्ट के जो भी रिलेटिव्स हैं, ट्रस्ट के जो भी रिश्तेदार हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाता है। तो जितना ट्रस्ट ने फ़ायदा पहुंचाया, ट्रस्ट ने फ़ायदा पहुंचाया, उस अमाउंट की ट्रस्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, उस अमाउंट की ट्रस्ट को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा ट्रस्ट की डीम्ड इनकम 115BBI, 115BBI में आएगी डीम्ड इनकम। कैसे टैक्सेबल होती है, अपने डीम्ड इनकम दो देख ली ऑलरेडी, एक 11(1)(bb) में देखी थी कि डीम्ड अप्लाइड वाली अमाउंट में ट्रस्ट को वादा करना पड़ता है, ट्रस्ट उस वादे को तोड़ता है, या ट्रस्ट कुछ अमाउंट अकोमोलेट करता है, लेकिन उस अकोमोलेट वाली अमाउंट का ट्रस्ट या तो गलत यूज़ करता है या यूज़ ही नहीं करता, वो तो अपने देख ली थी। ये आ गई दूसरी, तीसरी डीम्ड इनकम। ये तीसरी डीम्ड इनकम क्या है, ट्रस्ट अपनी इनकम से रिलेटिव को फ़ायदा पहुंचाता है, तो जितना फ़ायदा पहुंचाया उतने अमाउंट की ट्रस्ट को एक तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, दूसरा वो बन जाएगी डीम्ड इनकम। अब आप बोलोगे फ़ायदा पहुंचाना मतलब क्या हुआ, ट्रस्ट क्या करता है, या तो रिलेटिव को ज़्यादा पेमेंट कर देता है किसी सर्विस के बदले में, या किसी भी गुड्स वगैरह के बदले में ज़्यादा पेमेंट कर देता है, या रिलेटिव से कुछ कम चार्ज करता है या चार्ज नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे मान लो ट्रस्ट की एक धर्मशाला है, ट्रस्ट बाकी लोगों को तो रेंट पे देता है 1 लाख रुपये में, और रिलेटिव जो है उसके उसको रेंट पे दे देता है 10,000 में, रिलेटिव से कम चार्ज कर रहा है, तो जो इतना फ़ायदा पहुँचाया, कितना फ़ायदा पहुँचाया, 1 लाख बाकी को देता है और रिलेटिव को दिया 10,000 में, तो 90,000 का फ़ायदा जो पहुँचाया है ना, इसमें से ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये 90,000 क्या बन जाएगी, ट्रस्ट की डीम्ड इनकम बन जाएगी। डीम्ड इनकम कौन सी, 115BBI वाली। एक और एग्जांपल देता हूँ, ट्रस्ट रेंट का पेमेंट करता है, उस रेंट का जो पेमेंट करता है 1 लाख की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, लेकिन रिलेटिव को पेमेंट करता है वो 5 लाख का रेंट का पेमेंट, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 1 लाख, और पेमेंट कितना कर रहा है 5 लाख, 1 लाख के रेंट का 5 लाख पेमेंट कर रहा है, रिलेटिव को कितना फ़ायदा पहुंचा दिया, 1 लाख के पेमेंट का 5 लाख पेमेंट कर दिया, तो 4 लाख का फ़ायदा पहुंचा दिया ट्रस्ट ने रिलेटिव को। ये 4 लाख का ट्रस्ट को एक तो सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसको अप्लाइड नहीं मानेंगे, दूसरा ये ट्रस्ट की 4 लाख क्या बन जाएगी, डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम और बन जाएगी। ट्रस्ट रिलेटिव को 5 लाख का पेमेंट कर रहा है, 5 लाख का खर्चा कर रहा है,
जबकि पेमेंट करना चाहिए था उसको 1 लाख का, 4 लाख जब ज़्यादा पेमेंट किया, एक तो इसमें से आपको कोई भी अप्लाइड नहीं माना जाएगा, इसकी सेक्शन 11 की बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक तो इस अमाउंट से जितना फ़ायदा पहुँचाया इस अमाउंट को अप्लाइड नहीं माना जाएगा, इसमें से सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, ये डीम्ड इनकम और बन जाएगी, ये 4 लाख क्या होगी, 4 लाख को अप्लाइड नहीं मानेंगे, दूसरा 4 लाख को डीम्ड इनकम और बना देंगे 1/5 BBI में, जो टैक्स होगी 1/5 BBI में स्पेशल रेट से जो टैक्स होगी, डीम्ड इनकम बन जाती है। ये था, तो ट्रस्ट रिलेटिव को फ़ायदा पहुँचाता है। अब इसमें एक चीज़ और है, ट्रस्ट रिलेटिव से फायदा ले सकता है क्या? हाँ फायदा ले सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता, फायदा ले सकता है मतलब ट्रस्ट रिलेटिव को कम पेमेंट कर सकता है, हाँ कम पेमेंट कर सकता है। ट्रस्ट रिलेटिव से ज़्यादा चार्ज कर सकता है, हाँ कर सकता है। जैसे मान लो ट्रस्ट धर्मशाला का बाकी लोगों से चार्ज करता है 1 लाख और रिलेटिव से 2 लाख चार्ज करता है, हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलेगा, कुछ टीम इनकम नहीं मिलेगी। मान लो ट्रस्ट क्या करता है, रेंट का पेमेंट कर रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू है 1 लाख और रिलेटिव को पेमेंट कर रहा है 20,000 का रेंट, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 को आप आराम से अप्लाइड मानो और कोई भी डीम्ड इनकम नहीं मिलेगी। कम पेमेंट कर सकता है, ज़्यादा चार्ज कर सकता है, लेकिन रिलेटिव को फायदा नहीं पहुँचा सकता। ट्रस्ट रिलेटिव से बेनिफिट तो ले सकता है, रिलेटिव से फायदा तो ले सकता है, फायदा नहीं पहुँचा सकता, रिलेटिव को फायदा नहीं पहुँचा सकता। नहीं तो क्या होगा, सेक्शन 11 का उस पॉइंट के लिए जितनी अमाउंट का फायदा पहुँचाया, जितने अमाउंट का फायदा पहुँचाया उस अमाउंट के लिए एक तो सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, दूसरा वो डीम्ड इनकम और बन जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और है, एक नया पॉइंट हो रहा है, एक नई पेनल्टी हो रही है। अगर ट्रस्ट रिलेटिव को फायदा पहुंचाता है तो पेनल्टी उठेगी, ट्रस्ट पे क्या लगेगी, पेनल्टी उठेगी 271AAA वाली। देखो पहले क्या होता था, अगर ट्रस्ट रिलेटिव को फायदा पहुंचाता था ना, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाता था और जिंदगी में एग्जेम्पशन कुछ नहीं मिलती थी उसको, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देते थे। लेकिन अब इन्होंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप रिलेटिव को फायदा पहुंचाओ, हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, आप बेनिफिट भी लो सेक्शन 11 का, लेकिन जितना रिलेटिव को फायदा पहुंचाया उस अमाउंट से आपको सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं देंगे, उसको डीम्ड इनकम बनाएंगे और उसके ऊपर से उस पर पेनल्टी ठोक देंगे। तो आपने 1 लाख की रेंट की जगह 5 लाख पेमेंट कर दिया रिलेटिव को, 1 लाख का रेंट पेमेंट करना चाहिए था आपको और आपने 5 लाख कर दिया, 4 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। वैसे अगर PGBP होता तो 48U लग जाता, यहाँ 48U कुछ काम का नहीं होता, 48U होता ना पेमेंट टू रिलेटिव, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव इन एक्सेस ऑफ FMV, लेकिन यहाँ अलग चीज़ है। तो इन्होंने बोला 1 लाख की जगह आपने 5 लाख का पेमेंट किया, 4 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट किया, 4 लाख को अप्लाइड नहीं मानेंगे पहली बात, 4 लाख की डीम्ड इनकम बनाएंगे, इसके अलावा 4 लाख के पेनल्टी को ठोकेंगे। अगर ट्रस्ट फर्स्ट टाइम किसी साल में फर्स्ट टाइम वायलेशन करता है तो जितने अमाउंट का फायदा पहुंचाया, कितने का फायदा पहुंचाया, 1 लाख की जगह 5 लाख का पेमेंट किया तो 4 लाख का फायदा पहुंचाया, 4 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन वापस किसी अगले साल वापस वायलेशन करता है, मान लो सेकंड ईयर में फिर से या सब्सिक्वेंट वायलेशन करता है तो क्या होगा, जितना फायदा पहुंचाया 4 लाख का फायदा पहुंचाया ना तो इसकी 200% पेनल्टी, मतलब 8 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। फर्स्ट टाइम वायलेशन 100% पेनल्टी और सेकंड टाइम वायलेशन 200% पेनल्टी, जितना फायदा पहुंचाया उसका फर्स्ट टाइम वायलेशन में तो इक्वल पेनल्टी, जितना फायदा पहुंचाया उसकी इक्वल, लेकिन सेकंड टाइम किया सब्सिक्वेंट किया तो 200% की पेनल्टी लग जाएगी। ये पॉइंट ओवर। तो तीन दिक्कतें हो जाएंगी अगर आप रिलेटिव को फायदा पहुंचाते हो, पहले तो उसको अप्लाई नहीं मानेंगे उस अमाउंट को, जितना फायदा पहुंचाया उस अमाउंट को अप्लाई नहीं मानेंगे। दूसरा वो बन जाएगा डीम्ड इनकम, तीसरा उस पर पेनल्टी ठुकेगी 271AAA की, ये नई पेनल्टी आई है 271AAA की। पहले क्या होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देते थे, लेकिन अब इन्होंने छूट दे दी यहाँ पे, या बोले आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, बस आपकी एक तो इनकम बनाएंगे, अप्लाइड नहीं मानेंगे उस अमाउंट को और उस पर पेनल्टी ठुकेंगे। अब एक लास्ट पॉइंट और है, ट्रस्ट क्या करता है अपने फंड्स को, ट्रस्ट के पास जो फंड्स पड़े हुए हैं उसको वो 11/5 मोड्स की जगह, सेफ इन्वेस्टमेंट की जगह कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। ट्रस्ट अपने फंड्स को कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। ट्रस्ट के पास मान लो 5 लाख रुपए रखे हुए थे, ट्रस्ट ने क्या किया 5 लाख रुपीज़ को 11/5 मोड्स में, जो मोड्स बता रखे हैं सेफ मोड्स, उसी जगह मान लो उसने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, रिस्की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। तो बताओ जितना फंड उसने कहीं और इन्वेस्ट किया, जितने फंड उसने कहीं और इन्वेस्ट किए, 5 लाख रुपये उसने कहीं और इन्वेस्ट किए, वो बन जाएगा उसकी डीम्ड इनकम। वो क्या बन जाएगा उसकी डीम्ड इनकम, वो बन जाएगा डीम्ड इनकम। और उस 5 लाख में से अगर ट्रस्ट कुछ खर्च भी करता है तो उसमें सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा और वो बन जाएगा उसकी डीम्ड इनकम। तो ट्रस्ट जितने फंड्स कहीं और इन्वेस्ट कर देगा वो उसके बन जाता है डीम्ड इनकम। अब आप बोलोगे रिलेटिव कौन होते हैं ट्रस्ट के, तो ट्रस्ट का कोई भी ऑथर या फाउंडर, दूसरा कोई भी पर्सन जो ट्रस्ट को 50,000 से ज़्यादा डोनेशन देता है, तीसरा ट्रस्ट का ट्रस्टी या मैनेजर, चौथा बता रखा है ऊपर वाले जो पर्सन है ऑथर फाउंडर ट्रस्टी मैनेजर वगैरह या डोनर वगैरह, इनका कोई भी रिलेटिव। अब रिलेटिव भी कौन सा, इनका 56-10 में जो पूरा खानदान है ना वो रिलेटिव। इसके अलावा ऊपर वाले जो पर्सन है ऑथर फाउंडर ट्रस्टी डोनर मैनेजर, इनकी कोई कंसर्न है, इनकी कोई कंसर्न मतलब इनकी कोई एंटिटी है, एंटिटी मतलब कोई भी फार्म है कोई भी कंपनी वगैरह है जिसमें अबव पर्सन का क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, 20% और मोर शेयर है, तो वो भी बन जाएगा रिलेटिव, ट्रस्ट का रिलेटिव माना जाएगा। तो काफ़ी वास्ट डेफिनेशन है रिलेटिव की, ये इतनी काम की नहीं है। आपको तो क्वेश्चन में अगर पॉइंट देता भी है तो लिख के देगा हाँ ये रिलेटिव है, या जनरली वो ट्रस्टी देगा या ऑथर वगैरह देगा, या आप एक बार रीड कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। आगे आ रखें सेफ मोड्स,
सेफ मोड्स क्या क्या होते हैं सेक्शन 11(5) में बता रखे हैं, वो अपन यहाँ देख रहे हैं। ट्रस्ट अपने फंड्स को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में एफडी करवा सकता है या तो, या इनके करंट अकाउंट में पैसा रख सकता है या सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी नहीं बोल रहा मैं, पब्लिक सेक्टर, सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनी, इंडियन ऑयल हो गई, ONGC हो गई, BPCL हो गई, इनमें इनके शेयर्स में, इनके सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट कर सकता है। पब्लिक कंपनी में नहीं कर सकता, रिलायंस वगैरह में नहीं कर सकता, प्राइवेट कंपनी में नहीं सकता, प्राइवेट कंपनी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, और पब्लिक कंपनी में भी नहीं कर सकता। रिलायंस हो गई, अडानी की कंपनीज हो गई, या और कोई भी कंपनी है पब्लिक कंपनीज, किसी में नहीं कर सकता, पब्लिक सेक्टर में कर सकता। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को अपन बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। कभी पब्लिक सेक्टर मतलब आप पब्लिक कंपनीज में समझ लेना, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी में कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकता है, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, उनमें कर सकता है। UTI, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है, UTI वाली यूनिट्स, उसमें कर सकता है। बाकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स नहीं कर सकता, खाली UTI वाली, क्योंकि जो गवर्नमेंट वाली होती है, तो UTI यूनिट्स में कर सकता है। इसके अलावा लैंड और बिल्डिंग, देखो लैंड और बिल्डिंग भी क्या होता है, सेफ होता है, लैंड और बिल्डिंग भी क्या होता है, सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। लैंड में आपका पैसा कभी डूबता नहीं है, लैंड में पैसा जनरली बढ़ता ही है, हो सकता है या तो पैसा उतना ही रहे, हो सकता है बिल्कुल रेयर केस होते हैं जहाँ लैंड की वैल्यू कम होती है, बिल्कुल ही आपने इतनी गंदी जगह लैंड लिया वो अलग बात है, बाकी लैंड के केस में बिल्डिंग के केस में पैसा डूबने के चांस नहीं होते। तो ये होते हैं सेफ मोड्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ ट्रस्ट अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं और करता है तो जितना आप कहीं और किया उतनी ट्रस्ट की बन जाती है ड्यूम इनकम। इन जगह ट्रस्ट पैसा रख सकता है, चाहे तो बैंक में रख लेता है, कोई दिक्कत नहीं, बैंक के करंट अकाउंट में भी रखेगा, सेविंग में रखेगा, चाहे फिक्स FD करवाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ, और ट्रस्ट को जो कॉर्पस डोनेशन मिलता है वो तो ट्रस्ट को स्पेशली सेफ मोड से रखना पड़ता है, उस पैसे को तो ट्रस्ट खर्च भी नहीं कर सकता, कॉर्पस डोनेशन तभी वो एग्जेम्प्ट होता है, कोर्पस डोनेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और बाकी जो भी ट्रस्ट का पैसा है उसको भी ट्रस्ट को सेफ मोड से रखना पड़ता है, सेफ मोड से की जगह कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, कहीं और इन्वेस्ट करता है, या तो अपने पास कैश में रख ले, मतलब अपने पास सबके ले, नहीं तो सेफ मोड से इन्वेस्ट करके रखे, कहीं और इन्वेस्ट कर देता है तो दिक्कत हो जाती है, तो बन जाती है ड्यूम इनकम। अब सेक्शन 13 में एक स्पेशल पॉइंट और आया है इस बार। क्या पॉइंट था इस बार, एक स्पेशल पॉइंट, कुछ स्पेसिफिक केस बता रखे हैं जहाँ ट्रस्ट की इनकम कैसे निकलेगी वो आपको बता रखा है। कौन से केस बता रखे हैं, जहाँ ट्रस्ट को सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन कैंसिल नहीं होती, मतलब सेक्शन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता लेकिन ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट भी नहीं मिलता। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं है लेकिन ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट भी नहीं मिलता। कौन कौन से केस हैं, ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव था जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला, अपने देखा था ना स्टार्टिंग में, ट्रस्ट का कौन सा ऑब्जेक्टिव था, जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला, मतलब ट्रस्ट की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रस्ट पानी की बोतल बेचता है, वो ऑब्जेक्टिव था। और ट्रस्ट की जो बिजनेस रिसीट है 20% से ज़्यादा है, तो मैंने बोला था आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, हाँ आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल नहीं होगा। तो उस केस में ट्रस्ट की आप इनकम कैसे निकालोगे, ट्रस्ट रजिस्टर्ड है फिर उसकी को एग्जेम्पशन नहीं मिल रही तो उसकी इनकम कैसे निकालोगे, बिना एग्जेम्पशन उसकी इनकम कैसे निकालोगे। इसके बाद अगला केस, जो ट्रस्ट की टोटल इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा आ रही है लेकिन ट्रस्ट बुक्स मेंटेन नहीं करता या तो, या ऑडिट नहीं करवाता। अब ऐसा करता है तो मैंने बताया था 12A में कि ट्रस्ट को क्या करना पड़ता है, अगर ट्रस्ट की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा आती है तो बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, ऑडिट करवानी पड़ती है, लेकिन ट्रस्ट ऐसा नहीं करता तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, कंडीशन थी 12A की। इसके अलावा एक कंडीशन और थी उसमें, ट्रस्ट को ड्यू डेट तक ROI फाइल करनी पड़ेगी, ट्रस्ट ड्यू डेट तक ROI फाइल निकलता करता तो ट्रस्ट को सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इन केस में कैंसिल नहीं होता, अपने कहाँ देखा था 12AB में कि इन केस में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, देखा था क्या वहाँ, तो अपने कुछ स्पेसिफाइड कांड देखे थे 6-7, वहाँ ये कोई पॉइंट था क्या, कोई भी पॉइंट नहीं था। तो इन केस में ट्रस्ट रजिस्टर्ड रहता है लेकिन उसको एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता, तो रजिस्टर्ड होने के बाद भी उसको एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता तो उसकी इनकम कैसे निकालोगे वो बता रखा है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ट्रस्ट की जितनी भी रिसीट है ग्रोस रिसीट पूरी की पूरी ले लो, कोई भी एग्जेम्प्ट मत करो, कॉर्पस डोनेशन, नॉर्मल डोनेशन, कॉर्पस ग्रांट वगैरह जो भी है सारी की सारी ले लो, ग्रांट जो भी है, कॉर्पस डोनेशन जो भी है या नॉर्मल डोनेशन जो भी है, सब के सब आप ले लो पूरे के पूरे, ग्रोस रिसीट ले ली। इसमें से आपको लेस करने खाली रेवेन्यू एक्सपेंस, आपको खाली एक डिडक्शन मिलेगी किसकी, रेवेन्यू खर्चों की, कैपिटल खर्चों की भी मिलेगी और रेवेन्यू खर्चों की भी मिलेगी, उसमें भी क्या लग जाएंगे वही 40AIA, 40A3, 40A3 लग जाएंगे, वो TDS वाला और वो कैश पेमेंट वाला, वो प्रोविजन लगेंगे, वो वायलेट हो रहे हैं तो वो भी डिसअलाउ हो जाएंगे। और रेवेन्यू खर्चों में भी चार चीज़ों को छोड़ के बाकी खर्चे लेस कर सकते हो, चार चीज़ें क्या क्या लेस नहीं कर सकते, कोई खर्चा किया आपने रेवेन्यू खर्चा कॉर्पस से, ट्रस्ट के कॉर्पस से वो लेस नहीं कर सकते, कोई खर्चा आपने लोन और बोरिंग लेके किया वो भी लेस नहीं कर सकते, तीसरा किसी दूसरे पर्सन को या दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दिया, डोनेशन एक तरीके से रेवेन्यू नेचर का है, फिर उसको भी लेस नहीं कर सकते, कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये चार चीज़ें छोड़ के बाकी सारे रेवेन्यू खर्चे आप लेस कर देना और ये आ जाएगी ट्रस्ट की इनकम। तो सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिला और आपने ट्रस्ट की इनकम निकाल दी, कैसे निकाली, ट्रस्ट की सारी रिसीट ले लो, कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं करनी, उसमें से रेवेन्यू खर्चे लेस कर दो,
रेवेन्यू खर्चों में वही 40 ए आई है, 40A3, 40A3 आपको फॉलो करना है। चार चीज़ों को छोड़ देना, चार चीज़ों को लेस नहीं करना। कॉर्पस से खर्चा किया मत करना लेस, लोन और बोरिंग से खर्चा किया मत करना लेस, किसी दूसरे पर्सन को डोनेशन दिया मत करना लेस, कोई लो सेट ऑफ किया मत करना लेस। इस तरह से ट्रस्ट की इनकम आ जाएगी। ट्रस्ट को ना तो 15% वाली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली, ना ही ट्रस्ट में 85% अपन काफ़ी सारी चीज़ अप्लाइड मान लेते हैं। आपने डोनेशन दिया उसको भी अप्लाइड मान लेते हैं, कैपिटल खर्चे को भी अप्लाइड मान लेते हैं, वो भी नहीं मिला। हाँ, रेवेन्यू खर्चे को मिल गई बस। रेवेन्यू खर्चे तो वैसे भी मिल जाते हैं, मान लो आप सेक्शन 11 में रजिस्टर्ड नहीं होते, आप वैसे बिजनेस करते हैं, मान लो पीजीपी हेड में भी रेवेन्यू खर्चों की डिडक्शन मिल जाती है, वहाँ भी मिल जाती। तो ये इस तरह से आपकी इनकम निकल जाएगी। ये तो आप वैसे भी इनकम टैक्स में निकाल लेते हो, इसी तरह से इनकम निकालते हो। अगर आपको सेक्शन 11 वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलता तो ऐसे निकालते आप इनकम। तो ये बता रखा है, अगर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो रहा लेकिन ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिल रहा, देखो इन तीन केस में नहीं मिल रहा, इन तीन केस में अपने पढ़ रखे हैं तीनों केस, तो ट्रस्ट की इनकम कैसे निकालोगे वो अपन ने देख लिया। अब आ जाओ एक स्पेशल और इंपॉर्टेंट सेक्शन 115 BBI, काफ़ी काम आएगा सेक्शन 115 BBI। ट्रस्ट को अगर डीम्ड इनकम होती है तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा? इसको डीम्ड इनकम भी बोलते हैं और स्पेसिफाइड इनकम भी बोलते हैं, लेकिन अपन को तो डीम्ड इनकम के नाम से याद रखना है। डीम्ड इनकम होती है तो टैक्स कैसे लगेगा? अब आप बोलोगे डीम्ड इनकम कौन कौन सी? एक तो 11(1)(b) वाली, ट्रस्ट वादा तोड़ता है, डीम्ड अप्लाइड वाले केस में ट्रस्ट वादा तोड़ देता है तो वो इनकम। दूसरा 11(3) वाली, 11(2) में ट्रस्ट इनकम को अकूमुलेट या सेट अपार्ट करता है लेकिन उसको ट्रस्ट गलत यूज़ करता है या यूज़ ही नहीं करता, वो भी डीम्ड इनकम। तीसरा ट्रस्ट क्या करता है? अपने रिलेटिव पर्सन को फ़ायदा पहुँचाता है, तो जितना फ़ायदा पहुँचाया वो इनकम, जितना भी फ़ायदा पहुँचाया वो वाली इनकम, वो वाली भी क्या बन जाती है? डीम्ड इनकम। चौथा ट्रस्ट अपने फंड्स को कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, तो जितने फंड्स उसने कहीं और इन्वेस्ट किए वो अमाउंट, ये चार क्या बन जाती है? डीम्ड इनकम। दो तो अपन ने वहाँ देख ली थी 11(1)(b), 11(3), और दो देखो अपन ने यहाँ देखी थी, कहाँ देखी थी? देखो ये रहा, ये देखिए इन दोनों केस में, दोनों केस में क्या बनती है? डीम्ड इनकम। बस यही है डीम्ड इनकम, बस यही केस है जो सारे मैंने यहाँ लिखी थी, ये बन जाएंगे डीम्ड इनकम। और ये डीम्ड इनकम क्या होंगी? 30% की रेट से टैक्स होंगी, सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। जैसे अपन एनोनिमस डोनेशन को दिखाते ना सेपरेटली, वैसे इनको भी क्या करना पड़ेगा? आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। 30% की रेट से टैक्स होंगी और इन डीम्ड इनकम में से कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे एनोनिमस डोनेशन बिल्कुल सेपरेटली दिखाते हैं, वैसे इनको सेपरेटली दिखाना है और इन इनकम में से आपको कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनोनिमस डोनेशन 115 BBC में जाता है, ये कहाँ जाएंगी? 115 BBI। ये डीम्ड इनकम पे ये खतरनाक प्रोविजन लग जाएगा आपका 115 BBI। अब आ जाओ सबसे मेन चीज़, देखो आपको जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें देखो जनरली यही होगा, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगा, ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगा और उसको सेक्शन 11 का बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर मान लो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और उसको सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिल रहा, मान लो ये वाले केस हैं, ऊपर के जो स्पेसिफिक केस हैं, तो इनकम निकालना बिल्कुल बाय हाथ का खेल है। क्या करना आपको? कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में जो भी इनकम दे रखी है ग्रॉस रिसीट सारी की सारी ले लो और सारे रेवेन्यू खर्चे लेस कर दो, क्या है? कुछ नहीं है वो तो, और तो 5 मिनट का भी काम नहीं है, क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। और चार चीज़ों को छोड़ दो, तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जिसमें ट्रस्ट को एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल रहा है और ट्रस्ट की आपको निकालनी है टोटल इनकम और टैक्स। तो उस केस में कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मेट क्या बनेगा? जो आप स्टेटमेंट बनाओगे उसका फॉर्मेट क्या बनेगा? मैंने टोटल पॉइंट यहाँ लिख दिए, जो भी इनकम वाले पॉइंट है और जो भी अप्लाइड वाले पॉइंट है सारे लिख दिए। ध्यान से देख लो इसको, ये फॉलो कर लिया आपने कभी भी इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले अपन इनकम लिखेंगे ट्रस्ट की, क्वेश्चन में आपको इनकम दे रखी होगी ट्रस्ट की, वो आपको इनकम यहाँ मेंशन करनी है। ट्रस्ट कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकता है, अक्रूवल सिस्टम भी, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैश सिस्टम फॉलो करें, अक्रूवल सिस्टम फॉलो करें, दिक्कत एक ही जगह आती है, एक ही पॉइंट में आती है। कौन सा पॉइंट? वो डीम्ड अप्लाइड वाला पॉइंट था ना, कि ट्रस्ट को प्रीवियस ईयर में इनकम रिसीव नहीं हुई, तो कैश सिस्टम फॉलो करता है तो पॉइंट काम का नहीं होता, बस वो पॉइंट एक होता है। अगर ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है तो वो पॉइंट अलग लगता है बस, बाकी कैश सिस्टम फॉलो करे अक्रूवल सिस्टम फॉलो करे सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, कुछ भी फर्क नहीं होता, बाकी सेम पॉइंट होते हैं। क्योंकि खर्चे अपन अप्लाइड कब मानते हैं? पेड बेसिस में मानते हैं ट्रस्ट के केस में, मैंने ऊपर बताया था आपको, चाहे वो कैश फॉलो करे चाहे अक्रूवल फॉलो करे। तो सबसे पहले कॉर्पस डोनेशन क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आपने उसको सेफ मोड्स में 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो ले लेना कितना? नील, उसको ले लेना नील, काम खत्म, वो तो एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो वो बन जाएगा नॉर्मल, तो कॉर्पस होते हुए भी क्या बन जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा। दूसरा कॉर्पस गवर्नमेंट ग्रांट दे रखा है, नील ले लेना। अगर ट्रस्ट को 10(1) वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, नील ले लेना। क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है 5 लाख की, क्या लेनी है आपको? नील। आगे बता रखा है 10(23)(c) में ट्रस्ट की, मान लो कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, और वो 0.102 में कवर्ड है, या तो होली या सब्सटेंशियली गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस है, या ग्रोस रिसीट सभी की एग्रीगेट मिला के अप टू ₹5 करोड़ है, क्या करना? नील ले लेना, नील ले लेना। आगे बता रखा है ट्रस्ट की कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल है जो 0.3 वाली है, मतलब जिसकी ग्रोस रिसीट 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसकी जितने भी रिसीट है वो ले लेना एग्रीगेट रिसीट। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ऐसा मत करना 5 करोड़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, और 5 करोड़ से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गई तो पूरा लेना पड़ेगा आपको 5 करोड़ पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। वो 5 करोड़ की कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, 5 करोड़ तक तो फुल्ली एकदम, 5 करोड़ से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गई तो यहाँ पूरा ले लेना,
यहाँ क्या लेनी है आपको, ग्रोस रिसीट लेनी है। ध्यान देना यहाँ पे क्या लेनी है आपको, ग्रोस रिसीट। आपको उस स्कूल कॉलेज की नेट इनकम नहीं लेनी, ग्रोस रिसीट लेनी है। ऐसा नहीं करना कि उस स्कूल कॉलेज की रिसीट में से आपने एक्सपेंस लेस कर दी। एक्सपेंस वगैरह कब लेस होंगे, बाद में लेस होंगे, 15% का लेस करने के बाद में लेस होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इंस्टीट्यूट भी यही फॉलो करता है। ग्रोस रिसीट लेनी है। अगर आपने नेट इनकम ले ली ना, आपका आंसर ठीक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि नेट इनकम लेके अल्टरनेट दे दे, अल्टरनेट देने की जरूरत ही नहीं है, इंस्टीट्यूट लेता ही नहीं अल्टरनेट। इसमें कोई अल्टरनेट चलता ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका कि क्या लेनी है आप, ग्रोस रिसीट लेनी है, तो आपको भी क्या लेनी है, ग्रोस रिसीट लेनी है, उसकी नेट इनकम नहीं लेनी। अब इसमें एक चीज़ और है, मान लो ट्रस्ट का योगा का इंस्टीट्यूट है या ट्रस्ट का कोई और इंस्टीट्यूट है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल को छोड़ के ट्रस्ट का मान लो योगा का इंस्टीट्यूट है या कुछ और इंस्टीट्यूट है, और उसकी ग्रोस रिसीट आपको दे रखी है 20 लाख, बताओ उसको एग्जम्प्ट करोगे क्या, नील लोगे क्या, मत कर देना। 5 करोड़ की जो लिमिट है ना, किसके लिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, इनके लिए, इनका एग्रीगेट देखते हैं 5 करोड़। ये योगा के इंस्टीट्यूट है मान लो, तो उसकी रिसीट आपको 10 लाख दे रखी है, 10 लाख ले लेना, पूरी पूरी ग्रोस रिसीट 10 लाख ले लेना, उसको आप नील मत कर देना। अब आगे आ रहा है कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। ट्रस्ट को कैपिटल गेन हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, अदर सोर्स की आ रही है, वो ले लेना। आगे बता रखा है ट्रस्ट को कोई बिजनेस की इनकम हो रही है जो मेन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, मतलब ट्रस्ट को बिजनेस इनकम हमने देखी थी ना, उसकी कोई बिजनेस की इनकम दे रखी है, वो ले लेना। कोई दूसरा बिजनेस तो ट्रस्ट कर भी नहीं सकता कि ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में जाके कोई बिजनेस कर ले ट्रस्ट, तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाता है, बात ही खत्म हो जाती है। आगे बता रखा है गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है नॉर्मल वाला, वो ले लेना। कॉर्पस वाला तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नॉर्मल वाला यहाँ ले लेंगे। इसके अलावा ट्रस्ट को कोई कोई भी नॉर्मल डोनेशन क्वेश्चन में दे रखा है, या खाली डोनेशन वर्ड दे रखा है, या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दे रखा है, वो ले लेना नॉर्मल डोनेशन। अब इस नॉर्मल डोनेशन में 2-3 चीज़ें हो रही हैं, क्या आएगी, एक तो कॉर्पस डोनेशन जो आपने 11(5) मोड्स में इन्वेस्ट नहीं किया, कॉर्पस डोनेशन को आपको अलग से इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है। कॉर्पस डोनेशन को आपने खर्च कर दिया या अपने पास पटक के रखा तो बन जाएगा नॉर्मल, तो नॉर्मल बन जाएगा। इसके अलावा एक देखी थी अपने एनोनिमस डोनेशन की लिमिट, याद करो आप, 5% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव और 1 लाख विच एवरी हायर, वो लिमिट आती है, वो अपन क्या करते हैं एनोनिमस डोनेशन जो मिला उसमें से लेस करते हैं। मैंने लिया था क्वेश्चन एग्जांपल, 5 लाख एनोनिमस मिला, 2 लाख की लिमिट लेस करी, 3 लाख का एनोनिमस जाता है 1/5 BBC में, और जब 2 लाख की जो लिमिट होती है उसको क्या मानते हैं, उसको नॉर्मल मानते हैं, वो भी इसमें ले लेना, वो भी क्या मान लेना, नॉर्मल मान लेना। और 2 लाख जो आई थी ना अपनी लिमिट, वो लिमिट भी क्या होती है, नॉर्मल डोनेशन मानी जाती है। वो लिमिट हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी, किसी क्वेश्चन में कुछ आएगी, किसी क्वेश्चन में कुछ आएगी, 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवरेज हाई, वो भी क्या मानी जाएगी, नॉर्मल मानी जाएगी, वो नॉर्मल मानी जाती है। इसके अलावा मान लो कोई रिलीजियस ट्रस्ट है या रिलीजियस पर्पज़ के लिए आपको एनोनिमस डोनेशन मिला, वो भी क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। वो सब किसके पार्ट बनेंगे, नॉर्मल डोनेशन के, ये ले लेना। ये सब होंगी ट्रस्ट की इनकम, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। इन सब का टोटल कर देना और इसमें से लेस कर देना 15%, इसमें से लेस कर देना 15%, ये आ जाएगी ट्रस्ट की रिमेनिंग 85% की इनकम। देखो ट्रस्ट पर बिल्कुल अलग अलग तरीके से इनकम निकालते हैं, यहाँ कुछ पाँच हेड में नहीं दिखाते, नहीं अपन इनकम कैपिटल गेन, अदर्स, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, PGBP, ऐसा कुछ नहीं दिखाते, अलग ही तरीके से इनकम निकाल रहे हैं अपन। बाकी सेक्शन सब भूल जाते हैं, सैलरी का 15 वाला सेक्शन, हाउस प्रॉपर्टी का 22 वाला सेक्शन, PGBP का 28 वाला सेक्शन, वो सब चार्जिंग सेक्शन अपन भूल जाते हैं, वो काम के नहीं होते। ट्रस्ट के केस में क्या लगता है, 11-13 लगता है, ये लगता है ट्रस्ट के केस में, बाकी कुछ काम का नहीं होता। अब रिमेनिंग 85% में जितना अमाउंट आपने इंडिया में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज में खर्च कर दिया उसको लेस कर देना। उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी थी, रेवेन्यू खर्चे करो, कैपिटल खर्चे करो, सब अप्लाइड माने जाएंगे, बस पेड बेसिस पे माने जाएंगे। एक तो पेड बेसिस पे माने जाएंगे, आप किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देते हो वो भी अप्लाइड मान लिया जाएगा, कॉर्पस देते वो नहीं मानते। इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी, लोन लेके खर्चा करते हो अप्लाइड नहीं मानेंगे, हाँ लोन का रिपेमेंट करते उसको अप्लाइड मानेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें थी ना उसमें, वो सब आपको फॉलो करनी है। तो अमाउंट अप्लाइड वाले के लिए सेक्शन 11 में वो सारे पॉइंट लिखवा रखे हैं, वो आपको अच्छे से देखने, वो यहाँ से लेस करने हैं अमाउंट अप्लाइड किस किस को माना जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे अपन एक पढ़ा था डीम्ड अप्लाइड वाला पॉइंट, डीम्ड अप्लाइड वाला पॉइंट, या तो आपको इनकम रिसीव नहीं होती या इनकम प्रीवियस ईयर के लास्ट में रिसीव होती है, तो उसको भी लेस कर देना। ये मान लेना कंडीशन सेटिस्फाई है, क्वेश्चन में नहीं दे रखी कंडीशन, आप मान लेना सेटिस्फाई है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है, ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो करता है, तो ये इनकम नॉट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, इस वाले पॉइंट को इग्नोर कर देना। ट्रस्ट को कोई इनकम प्रीवियस ईयर में रिसीव नहीं हुई और ट्रस्ट कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो ट्रस्ट ने अपनी रिसीट में उसको लिया ही नहीं होगा। क्यों नहीं लिया होगा, कैश सिस्टम फॉलो करता है, तो ट्रस्ट ने जो कैश में इनकम रिसीव करी है खाली वही उसका रिसीट का पार्ट बनी होगा। तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो है ना डीम्ड अप्लाइड का पहला पार्ट, डीम्ड अप्लाइड का पहला पार्ट, ये कुछ काम का नहीं है, बस इतना ही फर्क है। कैश सिस्टम का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो बस ये फर्क है, ये वाले पॉइंट को अपन डीम्ड अप्लाइड नहीं मानेंगे। बाकी अगर अक्रूअल सिस्टम का आता है तो इसको भी क्या मान लेंगे, इस वाले पॉइंट को भी, इस वाले पॉइंट को भी, इनकम नॉट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, इसको भी डीम्ड अप्लाइड मान लेंगे अगर अक्रूअल सिस्टम का आता है तो, बस ये फर्क है, ये डीम्ड अप्लाइड लेस करती है। इसके अलावा अगर आपने कोई इनकम अकुमलेट करिए, सेट अपार्ट करिए, 11-2 में अपन करते ना अकुमलेट सेट अपार्ट, इस स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो लेस कर देना। करंट ईयर में अगर अकुमलेट करिए, सेट अपार्ट करिए, कंडीशन नहीं दे रखी तो मान लेंगे सेटिस्फाई हो रखी है, कंडीशन दे रखी तो चेक कर लेंगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है,
ये लेस कर देंगे। इसके बाद बता रखा है लास्ट ईयर का आपका क्या था, कोई लॉस था, मतलब लास्ट ईयर में आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया था, इनकम कम थी, लास्ट ईयर का कोई लॉस था या अर्ली ईयर का कोई लॉस था, उसका सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा करंट ईयर में, वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन दिखाना पड़ेगा आपको नील, नील तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा, बाकी नील तो दिखाना ही पड़ेगा आपको। ये सब करने के बाद आपकी आ जाएगी टोटल इनकम नॉर्मल रेट वाली। ये सब लेस करने के बाद जो भी आपने अप्लाइड किया वो लेस कर दिया, डीम्ड अप्लाइड वाला भी लेस कर दिया, अकुमुलेट वाला भी लेस कर दिया, खर्चे लास्ट ईयर के लॉस आपके सेटअप नहीं हो पाएंगे। ये सब होने के बाद आपका आ जाएगा टोटल इनकम, जिस पर लगेगा नॉर्मल रेट। और ट्रस्ट क्या है, एक आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, रजिस्टर्ड ट्रस्ट क्या है, एक आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, तो उससे क्या लगेगा स्लैब, पढ़ रखा है ना, टैक्स निकालने के लिए 2.5 लाख वाला स्लैब लगता है, अप टू 2.5 लाख नील वो स्लैब लगाना है। इसके बाद इसमें अलग से ऐड कर देना एनोनिमस डोनेशन, जो 115 BBC में टैक्सेबल होता है, निकाले थे ना अपने एनोनिमस डोनेशन रिसीव माइनस लिमिट, लिमिट लेस करने के बाद जो आता है, लिमिट लेस करने के बाद जो अमाउंट फिगर आती है ना, 5 लाख लिया था अपने, 5 लाख में से एक लिमिट निकाली थी 2 लाख की, वो लेस की थी और 3 लाख आया था, वो 3 लाख बनेगा यहाँ पे। एग्जाम्पल लिया ना 5 लाख वाला, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 3 लाख बनेगा, वो लेंगे यहाँ पे, उसको सेपरेटली दिखा देंगे, उस पर लगेगा 30% टैक्स। और इसके अलावा डीम्ड इनकम, करंट ईयर में अगर आपकी कोई डीम्ड इनकम बन रही है 115 BBI वाली, कौन सी 115 BBI वाली, देखो यदि या तो आप वादा तोड़ते हो करंट ईयर में, पुराना कोई वादा करा हुआ, या 11(3) वाला कांड करते हो आप, अकुमुलेट वाली अमाउंट का करंट ईयर में कुछ गलत यूज़ कर लेते हो या यूज़ नहीं कर पाते उसको। तीसरा, रिलेटिव पार्टी को फ़ायदा पहुँचाते हो, रिलेटिव को फ़ायदा पहुँचाते हो। चौथा, फंड्स को कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, तो जितनी ड्यूम इनकम बनी वो यहाँ लिख देना, उस पर भी 30% की सेपरेट स्पेशल रेट लगेगी। इन दोनों इनकम को सेपरेट दिखाना होता है लास्ट ही लास्ट में, इनमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलता, ये स्पेशल रेट वाली इनकम होती है, तो सेपरेटली दिखा देते हैं इनको। ये आ जाएगी आपकी टोटल इनकम, आप टैक्स निकाल दोगे, नॉर्मल रेट वाली इनकम इस पर स्लैब लगा दोगे, एनोनिमस डोनेशन जो 115 BBC में जा रहा है उस पर 30%, और जो 115 BBI में आपकी ड्यूम इनकम आ रही है उस पर भी 30%। उसके बाद देखोगे टोटल इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर रही है नहीं करी, क्रॉस कर रही है तो ट्रस्ट पे भी सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कौन सा लगेगा, वही इंडिविजुअल HUF AOP VOI आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ टैक्स वाला सरचार्ज लग जाएगा टोटल इनकम वाला। टोटल इनकम देखेंगे अपन, उसके लिए क्या देखेंगे, टोटल इनकम देखेंगे सरचार्ज लगाने के लिए। और फिर लास्ट में सेस तो लगाना है ही, सेस तो हमेशा लगता ही है। इस तरह से टैक्स निकाल दो, इस तरह से क्वेश्चन करना पड़ता है, पूरा फॉर्मेट बता दिया मैंने, सब चीज़ें डाल दी, फॉर्मेट तो जरूर सुन लेना आप अच्छे से। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। टैक्स ऑन अक्रेडिटेड इनकम ऑफ सर्टेन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन या एग्जिट टैक्स, जिसको अपन एग्जिट टैक्स भी बोलते हैं, सेक्शन 115 TD। ये सेक्शन क्या बोलता है, जैसे मान लो एक ट्रस्ट था जो सेक्शन 12AB में रजिस्टर्ड था, लास्ट 10 ईयर से रजिस्टर्ड था, मान लो लास्ट 10 ईयर से वो एग्जेम्पशन के मजे ले रहा था, एग्जेम्पशन कौन सी मिलती है, सेक्शन 11 वाली, उसके मजे ले रहा था वो, करंट ईयर में उसको कुछ कांड कर दिए और कमिश्नर ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, अपने देखे थे ना 7-8 कांड, उनमें से कुछ कांड कर दिए और कमिश्नर ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल कर दिया तो आगे जाके तो उसको सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया, अब उसको आगे जाके बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 11 का। लेकिन उसने पहले तो मजे ले लिए, सेक्शन 11 के पहले तो मजे ले लिए पिछले 10 साल से, तो उसने जो मजे लिए उनको विड्रॉ कैसे किया जाए, उसके ऊपर गवर्नमेंट वालों ने क्या कर दिया, इनकम टैक्स वालों ने क्या कर दिया, एक लगा दिया एग्जिट टैक्स गवर्नमेंट ने उनको विड्रॉ करने के लिए। कैसे लगा दिया कि ट्रस्ट ने जो भी मजे लिए आज तक, अपन निकालेंगे उसकी नेट असेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू पे MMR की रेट से टैक्स लगा देंगे, और यही होता है एग्जिट टैक्स। नेट असेट वैल्यू को यहाँ पे अपन बोलते हैं अक्रीटेड इनकम, ट्रस्ट की निकालेंगे अपन अक्रीटेड इनकम। ट्रस्ट ने पिछले 10 साल में मजे लेके जितने भी असेट जोड़े अपने पास, उनके आज का वैल्यूएशन करेंगे और उस पर 34.944% की रेट से टैक्स लगा देंगे, MMR की रेट से टैक्स लगा देंगे। अब इसमें एक बात तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है वो चाहे 12AA में रजिस्टर्ड हो, चाहे 12AB में हो, चाहे 1023C में हो, 1023C में अगर कोई वो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, वो भी यहाँ कवर्ड है, वो भी सब यहाँ कवर्ड है, तो इनमें से किसी ने भी क्या किए, इनमें से किसी ने भी क्या किया, कुछ कांड किया और रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल हो गया, तो आगे तो चलो उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, लेकिन पहले उन्होंने जो एग्जेम्पशन लिए उसको विड्रॉ कैसे किया जाएगा, उनकी अक्रेडिटेड इनकम पे या उनकी नेट असेट वैल्यू पे MMR की रेट से टैक्स लगा दिया जाएगा। कोई सा भी ट्रस्ट है, देखो 12AA भी क्वेश्चन में दे सकता है लिखा हुआ, मैंने बोला था 12AA पहले होता था, अब तो नहीं होता, अब तो क्या है 12AB होता है या तो या 1023C होता है, 12AB 1023C तो मैंने आपको बता दी, अब तो वो होते हैं, या तो 12AB में लेना पड़ता है या आपको 1023C में लेना पड़ता है, पहले 12AB होता था, मान लो कोई ट्रस्ट 12AA दे रखा है क्वेश्चन में तो अपन को क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो 12AA दे सकता है क्वेश्चन में, तो घबराना मत। तो उनकी अक्रेडिटेड इनकम पे अपन MMR की रेशियो टैक्स लगा देंगे। MMR कितनी होगी, यहाँ पे दे रखी है 34.944%। आप बोलोगे MMR तो 42.744% है, लेकिन इस केस में एग्जिट टैक्स निकालने के केस में, बस पूरे इनकम टैक्स में याद रखना, यहाँ MMR अपन क्या यूज़ करेंगे, 34.944%। अभी आई कैसे, इसमें 30% तो टैक्स है, 12% सरचार्ज है और 4% सेस,
30% टैक्स, 12% सरचार्ज, 4% सेस। अब आप बोलोगे यहाँ सेस और टैक्स तो ठीक है, लेकिन सरचार्ज 12% कैसे? MMR निकालने में तो अपन सरचार्ज 37% यूज़ करते हैं, 37 यूज़ करते हैं। लेकिन देखो अपन ने देखा था एक बाईबैक का टैक्स, वो होता है टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। ऐसे ही ये एग्जिट टैक्स को क्या माना जाता है? टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। ये भी बाईबैक के टैक्स की तरह क्या होता है? टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होता है। ये भी बिल्कुल सेपरेट टैक्स होता है बाईबैक के टैक्स की तरह। ये भी क्या होता है? बिल्कुल सेपरेट। बाईबैक का टैक्स बिल्कुल सेपरेट निकलता है ना, ऐसे भी ये भी क्या होता है? सेपरेट टैक्स होता है। टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होता है या क्रेडिटर इनकम। ट्रस्ट की किसी हेड का पार्ट नहीं बनती, ये ट्रस्ट की इनकम का पार्ट नहीं बनती, ये सेपरेटली निकलती है और सेपरेटली इसका टैक्स निकलता है। और ये टैक्स भी बाईबैक की तरह 14 डेज के अंदर अंदर जमा करवाना पड़ता है। इस कारण यहाँ सरचार्ज कितना 12 है, क्योंकि एक मेमोरेंडम आ रहा है उसमें बता रखा है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होती है उस पर जो टैक्स बनता है उस पर मैक्सिमम सरचार्ज 12% लग सकता है, 12 से ज़्यादा नहीं लग सकता। इस कारण यहाँ MMR कितनी आई है? 34.944%। बाईबैक का जब हमने टैक्स निकाला था, देखो वहाँ भी सरचार्ज कितना यूज़ किया था हमने, 20% टैक्स यूज़ किया था, 12% सरचार्ज यूज़ किया था वहाँ, 23.296% रेट आई थी, ऐसे कुछ आई थी वहाँ। अब ये अक्रेडिटेड इनकम पे टैक्स, ये एग्जिट टैक्स कौन से केस में लगेगा? ट्रस्ट इनमें से कोई सा कांड कर देता है तो, इनमें से कोई सा भी कांड ट्रस्ट कर देता है तो, पहला उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का किसी नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन मतलब या तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, मतलब वो 7-8 कांड देखे थे ना, 7-8 वायलेशन, उनमें से कोई सा वायलेशन कर देता है और कमिश्नर उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है। दूसरा, ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई करता है। ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट था रिलीफ ऑफ पुअर, उसको चेंज करके ट्रस्ट कर देता है एजुकेशन। और ट्रस्ट मैंने बताया था, अगर ट्रस्ट ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करता है तो ट्रस्ट को 30 डेज में फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन मान लो ट्रस्ट प्रीवियस ईयर के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता, या तो या अप्लाई तो करता है लेकिन कमिश्नर उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। मैंने क्या बोला, या तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करता है और प्रीवियस ईयर के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ही नहीं करता, या अप्लाई तो करता है लेकिन कमिश्नर उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, तो क्या होगा? ये मानेंगे कि ट्रस्ट का नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन हो गया और ट्रस्ट की अक्रेडिटेड इनकम पे MMR की रेट से टैक्स लग जाएगा। अगला केस बता रहा है, ट्रस्ट का किसी ऐसी एंटिटी में मर्जर हो जाता है जिसके ऑब्जेक्ट अलग है, या तो या जो 12AB या 1023C में रजिस्टर्ड ही नहीं है, 12AB या 1023C में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ऐसी किसी एंटिटी में मर्जर हो जाता है तो उसकी अक्रेडिटेड इनकम पे MMR की रेट से टैक्स लगा देंगे। अगला केस बता रखा है, ट्रस्ट का डिजोल्यूशन हो रहा है। देखो ट्रस्ट का डिजोल्यूशन होता है ना, तो ट्रस्ट को अपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट किसको करने पड़ते हैं? अपने रिलेटिव को करेगा क्या? ट्रस्टी को, मैनेजर को, डोनर को, इनको करेगा क्या? इनको नहीं करने। ट्रस्ट को अपने असेट किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। जो ट्रस्ट की असेट होते हैं ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वो किसी रिलेटिव की प्रॉपर्टी नहीं होती, पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। तो ट्रस्ट को अपने असेट किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को, जो या तो 12AB में रजिस्टर्ड है या 1023C में रजिस्टर्ड है, 12AB या 1023C किसी में भी रजिस्टर्ड है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। कब डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं? जिस मंथ में ट्रस्ट का डिजोल्यूशन हुआ उस मंथ के एंड से, 12 महीने के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। अगर ट्रस्ट 12 महीने के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो ट्रस्ट के जो असेट है, जो ट्रस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, उनके ऊपर MMR की रेट से क्या लग जाएगा? एग्जिट टैक्स। कौन कौन से केस लगेगा? या तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, या ट्रस्ट ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करता है, अप्लाई ही नहीं करता फ्रेश के लिए, या अप्लाई तो करता है लेकिन उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, या ट्रस्ट का किसी ऐसी एंटिटी में मर्जर हो जाता है जो या तो रजिस्टर्ड नहीं है या जिसके ऑब्जेक्ट अलग है। और अगला केस, ट्रस्ट का डिजोल्यूशन होता है। डिजोल्यूशन के केस में ट्रस्ट 12 महीने के अंदर अंदर अपने असेट दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, तो इन केस में ट्रस्ट की अक्रेडिटेड इनकम पे MMR की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब अक्रेडिटेड इनकम कैसे निकालोगे? ट्रस्ट की बैलेंस शीट में जो भी असेट आ रहे हैं उनके लोगे आप SMD, उनका एग्रीगेट करोगे और उसमें ट्रस्ट की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो लेस कर दोगे, आ जाएगी अक्रेडिटेड इनकम। इस पर इंटू कर दोगे इसको 34.944% से, ही आ जाएगा एग्जिट टैक्स। इसमें आपको अलग से सरचार्ज और सेस ऐड नहीं करना, 34.944% में ऑलरेडी अपन ने सरचार्ज और सेस ऐड कर रखा है, तो ये आ जाएगा एग्जिट टैक्स। अब अक्रेडिटेड इनकम निकालते वक्त कुछ असेट आपको इग्नोर करने हैं। कुछ ऐसे असेट हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लैंड के फॉर्म में, बिल्डिंग के फॉर्म में, शेयर्स वगैरह के फॉर्म में, उनको आपको लेना ही नहीं है, उन पे एग्जिट टैक्स नहीं लगता आपको। कौन कौन से एसेट को नहीं लेना? पहला, कोई एसेट आपने एग्रीकल्चरल इनकम से खरीदा, ट्रस्ट ने क्या किया, कोई एसेट एग्रीकल्चरल इनकम से खरीदा। देखो एग्रीकल्चर इनकम ऐसी इनकम है, अगर ट्रस्ट रजिस्टर भी नहीं होता सेक्शन 11 में तो भी एग्जम्प्ट होती। ट्रस्ट मान लो कोई कंपनी होता, फर्म होता, इंडिविजुअल होता, कुछ भी होता, ट्रस्ट की एग्रीकल्चर इनकम हमेशा एग्जम्प्ट होती, चाहे रजिस्टर्ड भी नहीं होता तो भी एग्जम्प्ट होती। तो ट्रस्ट ने एग्रीकल्चर इनकम से कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उस एसेट को आपको नहीं लेना। मान लो एग्रीकल्चर इनकम ट्रस्ट को ये 1 करोड़ की, और 1 करोड़ से उसने कोई बिल्डिंग खरीदी, मान लो ट्रस्ट ने, तो उस 1 करोड़ की बिल्डिंग को, 1 करोड़ से जो बिल्डिंग खरीदी उसको नहीं लेना। एग्रीकल्चर इनकम से असेट खरीदा है तो वो नहीं लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम वैसे भी एग्जम्प्ट होती है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड भी नहीं होता, तो एग्रीकल्चर इनकम वाले असेट पे कोई भी एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम वाले असेट को आपको नहीं लेना। दूसरा, कोई असेट ट्रस्ट ने कब खरीदा? जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड था ही नहीं, जब ट्रस्ट क्रिएट हुआ उस दिन से लेकर के जिस दिन ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन के पहले तक अगर ट्रस्ट ने कोई एसेट खरीदा, मतलब ट्रस्ट जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड था ही नहीं उस पीरियड में ट्रस्ट ने कोई एसेट खरीदा तो उसको भी यहाँ नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड था ही नहीं तो ट्रस्ट को बताओ सेक्शन 11 का बेनिफिट मिला हो गया, नहीं मिला,
क्यों नहीं मिला? सेक्शन 12A बोलता है ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ट्रस्ट जब रजिस्टर्ड था ही नहीं तो उसको सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिला। तो ट्रस्ट ने कोई एसेट कब खरीदा? जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड था ही नहीं। मान लो ट्रस्ट ने एक बिल्डिंग खरीदी थी जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड था ही नहीं, तो उस बिल्डिंग को भी आपको इग्नोर करना है। जब असेट्स की वैल्यू लोगे, असेट्स की वैल्यू लोगे तो उस बिल्डिंग की वैल्यू आपको नहीं देनी, उसको इग्नोर करना है। तीसरा केस बता रखा है ट्रस्ट का डिजोल्यूशन हो रहा है, और डिजोल्यूशन के केस में ट्रस्ट जो असेट 12 महीने के अंदर अंदर 12 मंथ्स के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उन असेट्स की वैल्यू को इग्नोर करना है। जैसे मान लो 5 लाख के असेट ट्रस्ट ने 12 मंथ्स के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डिजोल्यूशन वाला केस है, और ट्रस्ट ने 12 मंथ्स के अंदर अंदर दूसरे ट्रस्ट को 12 मंथ्स के अंदर अंदर असेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 5 लाख के, तो 5 लाख की वैल्यू के असेट को आपको इग्नोर करना है, उनको हटाना है, उनको लेना नहीं। अब एक चीज़ हो रहा है इनमें, एक स्पेशल पॉइंट हो रहा है, जो ऊपर 3 असेट दे रखे हैं, इन असेट की रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी आ रही है, इन असेट की रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी आ रही है, वो लाइबिलिटी भी इग्नोर करनी है। जब आप असेट इग्नोर कर रहे हो, इन असेट की कोई लाइबिलिटी आ रही है वो भी इग्नोर करनी है। कैसे आ रही है, कैसे इग्नोर करनी है? जैसे मान लो ट्रस्ट ने एक लैंड खरीदा था जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड था ही नहीं, या मान लो एक असेट खरीदा था जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड था ही नहीं। अब उस असेट की रिगार्डिंग बुक्स में कोई लाइबिलिटी आ रही है, उस असेट की रिगार्डिंग उसी पीरियड की, जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था उसी पीरियड की कोई लाइबिलिटी आ रही है, वो भी इग्नोर कर देगा। तो ऊपर वाले जो 3 असेट है इनके रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी आ रही है, तो उस लाइबिलिटी को भी मन को इग्नोर करना है, उसको भी नहीं देना। अब इसके बाद बता रखा है आप असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकालोगे, कौन सी डेट की निकालोगे, वैल्यूएशन डेट क्या लोगे? देखो अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल वाला केस है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो कैंसिलेशन वाले दिन की वैल्यू ले लेना। ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई वाला केस है तो मॉडिफिकेशन के दिन की वैल्यू ले लेना। मर्जर वाला केस है तो मर्जर के दिन की वैल्यू ले लेना। और अगर डिजोल्यूशन वाला केस है तो डिजोल्यूशन के दिन की वैल्यू ले लेना, इस दिन की वैल्यू लेनी है। कैंसिलेशन वाले केस में कैंसिलेशन के दिन की, ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई वाले में मॉडिफिकेशन के दिन की, मर्जर वाले केस में मर्जर के दिन की, और डिजोल्यूशन वाले केस में डिजोल्यूशन के दिन की आपको वैल्यू लेनी है। अब असेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू लोगे, तो असेट्स की जो लेनी है आपको एफएमवी, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स आ रहे हैं वैल्यूएशन डेट की दिन की, वैल्यूएशन डेट की दिन की आपको एफएमवी लेनी है। अब एफएमवी लेनी है तो कौन कौन से एसेट छोड़ने, पहले तो 3 असेट तो ऊपर वाले छोड़ने जो मैंने आपको बताए थे, इन 3 असेट की वैल्यू आपको लेनी है, इनको इग्नोर करना है। इसके अलावा 2 चीज़ें हो रही हैं जो आपको नहीं लेनी, कि 2 चीज़ें पूरे इनकम टैक्स में असेट मानी ही नहीं जाती लेकिन असेट साइड में आ रहे हैं, मान लो इनको इग्नोर करना है, TDS, TCS एडवांस टैक्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। TDS, TCS एडवांस टैक्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर असेट साइड में आ रहे हैं तो इनको भी आपको इग्नोर करना है, इनको आपको नहीं लेना। ये तो कोई भी केस में अगर अपन वैल्यूएशन करते हैं, चाहे वो स्लम सेल हो, चाहे कोई भी केस हो, कभी भी असेट का वैल्यूएशन करते हैं, इनको इनकम टैक्स में अपन असेट मानते ही नहीं है। TDS, TCS एडवांस टैक्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 2 चीज़ें ऐसी, ये असेट का पार्ट मानते ही नहीं। अगर आ भी रही है बैलेंस साइड में, असेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ रही है, तो भी इनको अपन इग्नोर कर देते हैं। अब जो बाकी एसेट बच गए उनकी आपको लेनी है एफएमवी। अब एफएमवी कैसे लोगे? ट्रस्ट की बैलेंस शीट में कोई कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आ रहे हैं, कोटेड मतलब लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आ रहे हैं, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, तो क्या करना है, वैल्यूएशन डेट के दिन की रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उनकी जो भी लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस थी उसका एवरेज ले लेना। मान लो लोएस्ट प्राइस थी 70 और हाईएस्ट प्राइस थी 90 और 70 का एवरेज आया 80 उनकी आ गई पर शेयर की वैल्यू, जितने शेयर ट्रस्ट ने ऐड कर रखे उसे इनटू करके टोटल वैल्यू आ गई। तो वैल्यूएशन डेट के दिन की रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस की एवरेज ले लेना। लेकिन मान लो वैल्यूएशन डेट के दिन ट्रेडिंग नहीं थी, वैल्यूएशन डेट को दिन स्टॉक एक्सचेंज बनता, वैल्यूएशन डेट थी मान लो 20 मार्च को स्टॉक एक्सचेंज बनता, तो क्या करना है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग वैल्यूएशन डेट जिस दिन ट्रेडिंग हुई है, मान लो 19 मार्च को या 18 मार्च को, जिस दिन भी ट्रेडिंग हुई है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग वैल्यूएशन डेट, उस दिन की लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस का आपको क्या करना है, एवरेज लेना है, एवरेज लेना है। आगे बता रखा है कोई ट्रस्ट ने अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड करके अदर देन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को छोड़ के कोई दूसरे शेयर्स और सिक्योरिटीज जो अनकोटेड है वो ट्रस्ट ने हेल्ड कर रखे हैं, तो उनकी वैल्यू क्या लेनी है आपको, उनकी लेनी है आपको ओपन मार्केट वैल्यू, वो भी अपने मन से नहीं लेनी, आपको मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट, अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट से वैल्यूएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट की आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी है, और उस वैल्यूएशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो ओपन मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके दी है वो लेनी है। तो ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है आपको एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट, अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी शेयर्स। अब तीसरा एक स्पेशल केस हो रहा है, ट्रस्ट ने किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर सेल कर रखे हैं, वो भी कौन से, इक्विटी शेयर, मतलब एक तरीके से ट्रस्ट ने अनकोटेड इक्विटी शेयर्स या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर सेल कर रखे हैं। इसका एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट ने एक कंपनी है पार्ले प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स इस ट्रस्ट ने हेल्ड कर रखे हैं, इसकी बैलेंस शीट में आ रहे हैं असेट साइड में 1 लाख के, मान लो 1 लाख पेड अप वैल्यू के शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, अनकोटेड इक्विटी शेयर सेल कर रखे हैं, और ये ट्रस्ट ने कुछ कांड कर दिया, अब इस ट्रस्ट पे निकलेगा एग्जिट टैक्स, एग्जिट टैक्स निकलेगा तो उसके लिए आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब ट्रस्ट ने इस पार्ले प्राइवेट लिमिटेड के शेयर हेल्ड कर रखे हैं तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट ने जिस कंपनी के अनकोटेड इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी आपको, उस कंपनी की देखनी पड़ेगी, ट्रस्ट की नहीं, उस कंपनी की, वैल्यूएशन करने के लिए इस कंपनी के असेट आ रहे होंगे,
लाइबिलिटी सारे होंगे। अब वैल्यूएशन कैसे करना है अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की, आपको एफएमवी कैसे निकालनी है, आपको करना है ए प्लस बी माइनस एल डिवाइड बाई पी ई इंटू पी वी। ए प्लस बी तो है असेट साइड का टोटल, माइनस एल है लाइबिलिटीज। ए प्लस बी मतलब असेट माइनस एल लाइबिलिटी उस कंपनी की, जिस कंपनी में ट्रस्ट ने अनकोटेड शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं उस कंपनी के असेट्स का टोटल ए प्लस बी है। माइनस एल क्या है उस कंपनी की लाइबिलिटीज है। पी ई क्या है डिवाइड जो पी ई करना है, पी ई है उस पार्ले प्राइवेट लिमिटेड के जो भी टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल वो है पी ई। और इंटू करना आपको पी वी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाई ट्रस्ट, 1 लाख पेड अप वैल्यू के शेयर ट्रस्ट ने हेल्ड करके 1 लाख से इंटू कर देंगे। मान लो उस कंपनी के जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है टोटल वो 10 लाख है, तो 10 लाख से डिवाइड करेंगे इंटू कैसे करेंगे, ट्रस्ट ने कितने शेयर हेल्ड कर रखे हैं 1 लाख वैल्यू के हेल्ड कर रखे, तो 1 लाख से इंटू करते हैं। इस तरह से करना है। अब असेट्स का वैल्यूएशन कैसे करो वो और करना पड़ेगा आपको, पार्ले प्राइवेट लिमिटेड का वैल्यूएशन और करना पड़ेगा। तो इसमें बता रखा है बी मतलब बता रखा है उस कंपनी की बैलेंस शीट में अगर कोई शेयर्स आ रहे हैं, सिक्योरिटीज आ रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ रही है, बुलियन आ रहा है, ज्वेलरी आ रही है, पीस स्टोन, शेयर सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टी बुलियन ज्वेलरी पीस स्टोन ये आ रहे हैं, तो इनकी तो ले लो आप एफएमबी, इनकी तो ले लो आप एफएमबी, उस कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं इनकी तो ले लो एफएमबी, और इस कंपनी की बैलेंस शीट में बाकी और असेट आ रहे हैं कैश बैंक डेटर वगैरह जो भी आ रहे हैं उन सब के ले लो आप बुक वैल्यू, बी को छोड़ के कोई भी असेट आ रहे हैं उनकी बुक वैल्यू ले लो, इनका टोटल कर दो। हाँ उस कंपनी की बैलेंस शीट में भी कोई टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ रहा है उसको अपन इग्नोर कर देना, ये तो इनकम टैक्स में असेट माने ही नहीं जाते। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस कंपनी की बैलेंस शीट में भी आ रहा है तो उसको इग्नोर कर देना। बाकी क्या करना है, शेयर सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टी बुलियन ज्वेलरी पीसेस स्टोन इनकी तो लेनी है एफएमबी, बाकी सारे एसेट की बुक वैल्यू इन दोनों का टोटल करना है। इसमें से क्या करनी है लाइबिलिटीज लेस करनी है, उस कंपनी की जो भी लाइबिलिटीज है लाइबिलिटीज की आपको बुक वैल्यू लेस करनी है। लाइबिलिटीज की क्या करनी है बुक वैल्यू लेस करनी है, इनकम टैक्स में हमेशा लाइबिलिटीज की क्या लेस होती है बुक वैल्यू, चाहे स्लम सेल देख लो चाहे यहाँ देख लो, चाहे अभी ट्रस्ट की भी अपन लाइबिलिटीज लेस करेंगे वो भी क्या करेंगे बुक वैल्यू लेस करेंगे। और बुक वैल्यू में भी अपन को कुछ लाइबिलिटी छोड़नी है जो इनकम टैक्स में अपन हमेशा छोड़ते हैं, कौन कौन सी छोड़नी है, उस कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आपको नहीं करनी लेस, रिजर्वेशन सरप्लस इग्नोर करना है, डिविडेंड इग्नोर करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स इग्नोर करना है, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी इग्नोर करना है और कंटिजेंट लाइबिलिटी इग्नोर करना है। क्या क्या, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्वेशन सरप्लस, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी और कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये आपको लेस नहीं करना है, इनको आपको इग्नोर करना है और बाकी सारी लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू आपको लेस करनी है। ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस एल डिवाइड कर देंगे टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी और इनटू कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्ट। ये आ जाएगा ट्रस्ट ने जो शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं उनकी एफएमबी, उनकी एफएमबी। कभी कभी क्या होगा आपको बता रखा होगा कि ट्रस्ट ने 20% इक्विटी शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं प्राइवेट कंपनी में, या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स 20% हेल्ड कर रखे हैं उस कंपनी में, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है सीधा ए प्लस बी माइनस एल करना है और इसको सीधा 20% से इंटू करना है, फिर आपको डिवाइड बाई पी ई इंटू पी वी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा 20% से इंटू कर दो, मान 10% ऐड करके इंटू सीधा 10% से कर दिया, ऐसा भी दे रखा होगा कभी कभी, तो सीधा इंटू कर देना, फिर आपको डिवाइड बाई पी ई इंटू पी वी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये हो गई अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रस्ट की बैलेंस शीट में कोई लैंड और बिल्डिंग आ रही है उनकी वैल्यू क्या होगी, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू इन दोनों का हेल्ड ले लेना, बुक वैल्यू वगैरह सब इग्नोर कर देना। क्या लेना आपको, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू इन दोनों में से जो भी हायर आ रहा है, जो भी हायर आ रहा है वो बन जाएगी उनकी वैल्यू, वो बन जाएगी उनकी एफएमबी। इसके बाद ट्रस्ट की बैलेंस शीट में कोई और असेट आ रहा है, डेट आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, उन सबकी क्या लेनी है आपको, ओपन मार्केट वैल्यू, क्या लेनी है ओपन मार्केट वैल्यू। एक बात ध्यान रखना, कैश और बैंक की बुक वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू सेम होती है, क्वेश्चन में आपको इनकी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं देखा कैश बैंक की, इनकी कभी भी अलग नहीं होती ओपन मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू, तो इन दोनों की जो बुक वैल्यू होगी कैश और बैंक की वही क्या होगी ओपन मार्केट वैल्यू, वही क्या होगी ओपन मार्केट वैल्यू। तो इस तरह से आप ट्रस्ट के जो भी असेट्स हैं उनकी वैल्यू ले लोगे, ऊपर जो असेट मैंने बता रखे हैं उनको इग्नोर कर दोगे, कौन कौन से असेट, तीन तो असेट ये वाले एग्रीगेटेड इनकम वाला, जब आप अनरजिस्टर्ड थे तब कोई खरीदा था वो वाला, और डिजोल्यूशन में जो असेट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो असेट वो इग्नोर कर दोगे, टी डी एस टी सी एस एडवांस टैक्स इग्नोर कर देना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इग्नोर कर देना और बाकी असेट की वैल्यू आप ले लोगे। अब उसमें से आपको क्या करनी है, ट्रस्ट की लाइबिलिटीज लेस करनी है जो ट्रस्ट की बैलेंस शीट में आ रही है, और ट्रस्ट की लाइबिलिटीज की क्या करनी है आपको बुक वैल्यू लेस करनी है, लेकिन पांच चीज़ों को छोड़ के, पांच चीज़ें क्या क्या लेस नहीं करनी, कॉर्पस कैपिटल अकुमुलेटेड फंड, कॉर्पस कैपिटल अकुमुलेटेड फंड, दूसरा रिजर्वेशन सरप्लस, तीसरा प्रोविजन फॉर टैक्स, चौथा प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी और पांचवा कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये आपको लेस नहीं करना। इसके अलावा एक चीज़ वो लेस नहीं करनी, एक लाइबिलिटी वो लेस नहीं करनी, कौन सी, ऊपर मैंने तीन असेट बताए थे आपको, इन तीन असेट की रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी आ रही है, इन तीन असेट की रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी आ रही है ये भी आपको लेस नहीं करनी, इन तीन असेट की रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी है वो भी आपको लेस नहीं करनी, इनको इग्नोर करना है। अब देखो इनकम टैक्स में मैंने बताया था हमेशा बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी लेस होती है, चाहे वो स्लम सेल हो, चाहे अपन ने कंपनी का वैल्यूएशन किया था प्राइवेट कंपनी का उसमें भी अपन ने लाइबिलिटी की बुक वैल्यू लेस की थी, और लाइबिलिटी में अपन छह चीज़ें छोड़ते हैं, स्लम सेल में भी छह चीज़ें छोड़ते हैं, यहाँ भी देखो छह चीज़ें छोड़ी थी। हाँ ट्रस्ट के केस में अपन पाँच चीज़ें छोड़ते हैं, एक चीज़ क्यों नहीं छोड़ते, एक चीज़ देखो क्या है, डिविडेंड,
ट्रस्ट के केस में डिविडेंड होता ही नहीं, ट्रस्ट की बैलेंस शीट में कभी डिविडेंड आएगा ही नहीं कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में ट्रस्ट का डिविडेंड आ रहा है कि ट्रस्ट डिविडेंड पे करता है। ट्रस्ट कभी डिविडेंड कैसे पे करेगा, ट्रस्ट कंपनी थोड़ी होता है, तो डिविडेंड इसलिए नहीं। जब ट्रस्ट की बैलेंस में डिविडेंड है ही नहीं तो बात ही खत्म, तो ट्रस्ट की बैलेंस में कभी डिविडेंड आ ही नहीं सकता। बाकी तो सेम वही चीज़ है। कंपनी के केस में पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, और ट्रस्ट के केस में उसको अपन बोलते हैं कैपिटल फंड या अकुमुलेटेड फंड या कॉर्पस फंड, वो होता है। वो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होती ट्रस्ट के केस में, उसका नाम क्या होता है यहाँ पे, कॉर्पस कैपिटल या अकुमुलेटेड फंड होता है, बस बाकी वही बात है। तो लाइबिलिटीज़ की इनकम टैक्स में हमेशा कहीं भी वैल्यूएशन करते हैं ना, बुक वैल्यू लेस होती है लाइबिलिटीज़, ये बात आप याद रख सकते हो। और छह चीज़ें इग्नोर करते हैं, छह चीज़ें कौन सी, ये हाँ, ट्रस्ट के केस में वो डिविडेंड आता ही नहीं है तो बात ही खत्म, तो इस कारण ट्रस्ट के केस में पाँच चीज़ें। अब आप आगे आ जाओ, ये लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कर दी आपने, असेट की वैल्यू निकाल ली, असेट की वैल्यू में से लाइबिलिटी की वैल्यू लेस करोगे आप क्या जाएगी, अक्रेडिटेड इनकम, इस पे लगा दोगे 34.944% की रेट से एग्जिट टैक्स। अब अपन आगे देखते हैं अदर पॉइंट, जो एग्जिट टैक्स है आपको नॉर्मल इनकम टैक्स के अलावा देना, अलावा कैसे देना है, मान लो आपने पहले कुछ साल में नॉर्मल इनकम टैक्स पे किया था तो उसको सेट ऑफ कर सकते हो क्या एग्जिट टैक्स से, नहीं कर सकते सेट ऑफ, ये एग्जिट टैक्स एडिशनल टैक्स है। आगे बता रहा है एग्जिट टैक्स को आपको गवर्नमेंट को पे करना है 14 डेज के अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना है। और 14 डेज कब से काउंट करोगे तो देख लो वो कब से काउंट करेंगे। पहला केस है कि ट्रस्ट का नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, या तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, या ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर रहा है और उसने एप्लीकेशन कर दी लेकिन उसका एप्लीकेशन कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये दो केस एक साथ देख रहे हैं। इन दोनों केस में ट्रस्ट के पास राइट है कि ट्रस्ट कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में ITT में जा सकता है। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कमिश्नर ने कैंसिल कर दिया या तो, या ट्रस्ट का एप्लीकेशन कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दिया। कमिश्नर कहाँ जाता है, कहाँ जा सकता है, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट कहाँ जा सकता है उसके अगेंस्ट में, ITT के पास जा सकता है, कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में ITT में अपील फाइल कर सकता है। ट्रस्ट ने अपील फाइल करी लेकिन ITT ने भी क्या किया, कमिश्नर के फेवर में फैसला सुनाया और ट्रस्ट के अगेंस्ट में फैसला सुनाया। अब ITT का ऑर्डर आ गया, जैसे ही ITT का ऑर्डर मिला, ट्रस्ट को जैसे ही ITT का ऑर्डर मिला अपने अगेंस्ट में, उसे 14 डेज के अंदर अंदर ट्रस्ट को एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना है। देखो ITT का ऑर्डर अगर ट्रस्ट के फेवर में आ गया तो बात ही खत्म है, तो एग्जिट टैक्स लगेगा ही क्यों, लेकिन ITT का ऑर्डर ट्रस्ट के अगेंस्ट में आ गया और ITT का ऑर्डर जैसे ही ट्रस्ट को मिला उसे 14 डेज में ट्रस्ट को एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना है। दूसरा केस इसी में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो, या ट्रस्ट की एप्लीकेशन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी। अब ट्रस्ट के पास 60 डेज का टाइम होता है अपील फाइल करने का ITT में, अपन आगे जाके पढ़ेंगे अपील वाले चैप्टर में, 60 डेज का टाइम होता है, लेकिन ट्रस्ट 60 डेज तक बैठा रहता है अपील फाइल ही नहीं करता और ये 60 डेज का टाइम एक्सपायर हो जाता है। जैसे ही ये 60 डेज का टाइम एक्सपायर हुआ उससे 14 डेज के अंदर अंदर, जैसे ही 60 डेज का टाइम एक्सपायर हुआ उससे 14 डेज के अंदर अंदर एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगला केस, ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई करता है लेकिन वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए प्रीवियस ईयर के अंदर अप्लाई ही नहीं करता, तो जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म हुआ उससे 14 डेज के अंदर, जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म हुआ उससे 14 डेज के अंदर अंदर ट्रस्ट को एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ जाएगा। अगला केस है मर्जर वाला केस, मर्जर के केस में मर्जर की डेट से 14 डेज के अंदर अंदर एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अगला केस है डिजोल्यूशन वाला केस, डिजोल्यूशन के केस में ट्रस्ट को 12 महीने के अंदर अंदर अपने एसेट दूसरे ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। जैसे ही ये 12 महीने का पीरियड एक्सपायर हुआ उसकी एक्सपायरी से 14 डेज के अंदर अंदर ट्रस्ट को एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना पड़ जाएगा। इतना सब कोई पूछता नहीं है, बस आपको तो 14 डेज जनरली याद रखना है कि 14 डेज में एग्जिट टैक्स का पेमेंट करना है पाई बैक की तरह, बाकी कैसे काउंट करोगे मैंने बताई दिया आपको। अब एग्जिट टैक्स का पेमेंट अगर आप 14 डेज में नहीं करते तो 15 डेज से आपके ऊपर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ के रेट से इंटरेस्ट लगेगा, जितना एग्जिट टैक्स आपने जमा नहीं करवाया। किस पे लगेगा एग्जिट टैक्स, 15 डेज से लगेगा, और कब तक लगेगा, जिस दिन आप एक्चुअल में जमा करवाओगे उस दिन तक लगेगा, 15 डेज से जिस दिन आप एक्चुअल में जमा करवाओगे उस दिन तक लगेगा, सेम बाई बैक की तरह 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ दी मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा ट्रस्ट को, ट्रस्ट के प्रिंसिपल ऑफिसर को, ट्रस्टी को असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाएगा अगर वो 14 डेज में टैक्स का पेमेंट नहीं करते। ये गवर्नमेंट का पैसा आपको 14 डेज में जमा करवाना है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो असेसी इन डिफॉल्ट बनोगे, कोई आपको अवार्ड नहीं मिलेगा बल्कि पेनल्टी लग जाएगी, जितना टैक्स जमा नहीं करवाया उतने अमाउंट की आपकी पेनल्टी और खुल जाएगी। ये था एग्जिट टैक्स का कंसेप्ट जो अपन ने पूरा देख लिया। अब इस चैप्टर में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 30 में, टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक छोटा सा कंसेप्ट है पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 30 में। ये बोलता है पॉलिटिकल पार्टी की काफ़ी सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएंगी अगर ये पांच कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन, वो पॉलिटिकल पार्टी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको बुक्स की ऑडिट करवानी पड़ेगी, ROI ड्यू डेट से फाइल करनी पड़ेगी, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिल रहा है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 20,000 से ज़्यादा का तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड में क्या रखना पड़ेगा, दान देने वाले का नाम और पता। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टी 2,000 से ज़्यादा का डोनेशन रिसीव करती है किसी भी पर्सन से तो कैसे रिसीव करना है, अकाउंट पे चेक, DD ECS इलेक्ट्रॉनिक मोड या इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिसीव करना है। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पॉलिटिकल पार्टी की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्स की इनकम और जितना भी डोनेशन मिला वो सारी की सारी इनकम एग्जम्प्ट हो जाएंगी। ओनली एक बिजनेस की इनकम, पॉलिटिकल पार्टी की जो भी बिजनेस हेड की या PGBP की जो भी इनकम होगी बस वो टैक्सेबल होगी, बाकी सारी इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर
पॉलिटिकल पार्टी इनमें से कोई से भी कंडीशन वायलेट कर देती है तो क्या होगा? तो इसके दो व्यू हैं, लॉ में क्लियर नहीं है, दो व्यू हैं। दो व्यू क्या है, या तो आप क्या करो वोलेशन वाला पार्ट टैक्सेबल कर दो, देखो पीजीपीबी की इनकम तो आपकी टैक्सेबल होगी, अगर आप कोई कंडीशन वायलेट करते हो तो जो वोलेशन वाला पार्ट है वो टैक्सेबल कर दो। जैसे मान लो पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, मिस्टर ए से 5,000 का डोनेशन कैश में रिसीव कर लिया, 2,000 से ज्यादा का डोनेशन वाला 5,000 का कैश में रिसीव कर लिया, तो आप क्या करो 5,000 को टैक्सेबल कर दो, या तो एक तो उसको टैक्सेबल कर दो, एक पीजीपी की इनकम टैक्सेबल कर दो। दूसरा व्यू क्या है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन वायलेट कर देती है, आप उसकी सारी इनकम टैक्सेबल कर दो, आप उसकी क्या करते हो सारी इनकम। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, अगर इनमें से पॉलिटिकल पार्टी ने कोई भी एक कंडीशन वायलेट करी, आप तो क्या कर दो उसकी सारी इनकम टैक्सेबल कर दो। इंस्टीट्यूट भी यही करता है, फर्स्ट अल्टरनेटिव, कि एक भी कंडीशन वायलेट हुई, जैसे मान लो पॉलिटिकल पार्टी ने एक बंदे से 5,000 रुपीज़ कैश में रिसीव कर दिया, बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप तो सारी इनकम टैक्सेबल कर दो। एक भी कंडीशन वायलेट हुई आप तो सारी इनकम टैक्सेबल कर दो, बाकी आप चाहो तो अल्टरनेटिव में क्या कर सकते हो, जो वोलेशन वाला पार्ट है उसको टैक्सेबल कर दो, उसको टैक्सेबल कर दो। अब आप आ जाओ अगला सेक्शन 13 भी, टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं, ये बिचौलिए होते हैं, ये क्या करते हैं जनता से चंदा इकट्ठा करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनता और पॉलिटिकल पार्टी के बीच के क्या होते हैं, बिचौलिए होते हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, डोनेशन इकट्ठा करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बीजेपी में, कांग्रेस में, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, या समाजवादी पार्टी, डीएमके, एआईएडीएमके, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट होते हैं, इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो निगरानी रखता है और जो सीबीडीटी है वो इनको अप्रूवल देता है। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट को देखो, एक तो डोनेशन मिलता है, एक तो डोनेशन की उनकी इनकम होती है, दूसरा कभी कभी क्या होता है वो डोनेशन को कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, एफडी वगैरह करवा देते हैं, तो उनको इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो जाती है, बस ये इनकम होती है, इनकी और कोई इनकम नहीं होती, इनका कोई और धंधा नहीं होता। इनका काम क्या होता है, लोगों से चंदा इकट्ठा करके पॉलिटिकल पार्टी को बांटना, थोड़ा बहुत खुद के पास रखते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी को बांटना होता है इनको, थोड़ा बहुत कमीशन के नाम पर खुद के पास रख लेते हैं थोड़ा बहुत हिस्सा, बाकी पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो इनको डोनेशन मिला वो इनका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बस उसकी कंडीशन है, इनको कम से कम 95% डोनेशन जो भी मिला है उसका 95% इनको पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 1 करोड़ का मिला तो उसका 95% हुआ 95 लाख, उनको पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, अलोंग विथ सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो, मान लो लास्ट ईयर में क्या हुआ, इनको डोनेशन रिसीव हुआ, किसको, इलेक्टोरल ट्रस्ट को, 1 करोड़ का, और इन्होंने डोनेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मान लो पॉलिटिकल पार्टी को 95 लाख का, 95 लाख कर दिया, 90% 95% कर दिया, तो एग्जेम्पशन ले ली, इनका डोनेशन पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। अब इनके पास बैलेंस कितना बचा, 5 लाख का बचा हुआ है, किसके पास, इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास। करंट ईयर में मान लो इनको डोनेशन फिर से 1 करोड़ का रिसीव हुआ, अब इनको करंट ईयर में बताओ एग्जेम्पशन लेने के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 1 करोड़ प्लस 5 लाख, मतलब 1 करोड़ 5 लाख का 95%। एक तो करंट ईयर का डोनेशन प्लस पहले का जो उठा के लेके आए, पहले का कोई बैलेंस उठा के लेके आए हैं उसको मिला के उन सब का 95% इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। खाली करंट ईयर का नहीं, करंट ईयर प्लस पहले का जो बैलेंस ये उठा के लेके आए हैं उसको मिला के उसका 95% डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके इनकी डोनेशन की इनकम क्या होगी एग्जाम। तो क्यूमुलेटिव बैलेंस, पुराना जो भी बैलेंस था वो और करंट ईयर का डोनेशन, उन सब का मिला के 95% इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके इनकी डोनेशन की इनकम क्या हो जाएगी, एग्जाम हो जाएगी। इसके अलावा अगर इन इलेक्टोरल ट्रस्ट को कोई और इनकम होती है, इंटरेस्ट वगैरह की इनकम, वो इनकी क्या होंगी, फुली टैक्सेबल, वो होंगी इनकी फुली टैक्सेबल, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आगे बता रखा है इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो डोनेशन एक्सेप्ट करना है कैसे करना है, ओनली अकाउंट पे ही चेक, डीडी, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक मोड से लेना है, कैश वगैरह में नहीं ले सकते। अगर ले लेते हैं ये तो इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला धर लेगा। आगे बता रखा है इलेक्शन जो इलेक्टोरल ट्रस्ट होते हैं ये डोनेशन या तो इंडियन सिटीजन से ले सकते हैं, या कोई इंडियन कंपनी से ले सकते हैं, या कोई भी फर्म है, HUF है, AOP, BOI है, जो इंडिया के रेजिडेंट है उनसे ले सकते हैं, मतलब एक तरीके से इंडियन पर्सन से डोनेशन ले सकते हैं। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट जो हैं कुछ लोगों से डोनेशन नहीं ले सकते, कौन कौन से लोग हैं, कोई इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है तो ही ले सकते हैं डोनेशन, जो पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं है उसे डोनेशन नहीं ले सकते। जैसे अक्षय कुमार है, मान लो वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो कनाडा का सिटीजन है तो उसे डोनेशन नहीं ले सकते, जबकि वो इंडिया का रेजिडेंट है लेकिन वो सिटीजन नहीं है इंडिया का, तो नहीं ले सकते डोनेशन। दूसरा कोई फॉरेन की एंटिटी, फॉरेन की फर्म, फॉरेन की कंपनी से डोनेशन नहीं ले सकते। तीसरा किसी दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट से डोनेशन नहीं ले सकते। चौथा किसी गवर्नमेंट कंपनी से डोनेशन नहीं ले सकते। और पांचवा फॉरेन सोर्स से, मतलब फॉरेन की फंडिंग नहीं ले सकते, फॉरेन से डोनेशन नहीं ले सकते, फॉरेन का पैसा डोनेशन में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते फॉरेन का पैसा, देखो फॉरेन में क्या होता है, ये फॉरेन कंट्रीज के जो लोग होते हैं ना, अमेरिका के, चाइना के, पाकिस्तान के, ये इंडिया में क्या करते हैं, दान देके पैसा फंडिंग करके, इंडिया में फंडिंग करके अपना एजेंडा चलाते हैं, अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अपनी जो गंदी आइडियोलॉजी होती है इनकी, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है या जो भी गंदी टाइप की आइडियोलॉजी होती है, जो इंडिया को बर्बाद करने वाली आइडियोलॉजी होती है, वो ये चलाते हैं इंडिया में, दान देते हैं। जैसे पाकिस्तान वाले कश्मीर में फंडिंग करते हैं, वहाँ पत्थरबाजी वगैरह करवाते हैं, कुछ लोग
साउथ में फंडिंग करते हैं, कुछ लोग इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में फंडिंग करते हैं, कोई कुछ कहीं करते हैं, कुछ कहीं करते हैं, चाइना वाले कहीं और करते हैं, अपना एजेंडा चलाने के लिए, इंडिया को बर्बाद करने के लिए फंडिंग करते रहते हैं। और फिर फंडिंग करते हैं वो ऐसे ही इलेक्टोरल ट्रस्ट को, जो क्या करता है उनकी जो भी चहेती पॉलिटिकल पार्टी है उसको डोनेट कर देता है वो अमाउंट, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा चलाती है। जैसे इंडिया में एक दो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जो बैन भी हो गई थी, PFI वगैरह आपने सुना हो, तो ऐसा काम करते हैं। तो फॉरेन की फंडिंग इसलिए इनको अलाउड नहीं है, नहीं तो क्या होगा, फॉरेन वाले लोग इनको दान देंगे, ये करेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी में इन्वेस्ट जिसमें उन फॉरेन वाले लोगों ने इनको बोला है, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, अपना एजेंडा यहाँ चलाएगी। इस कारण इनको फॉरेन की फंडिंग जो है अलाउड नहीं। जैसे कश्मीर में भी दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको पता है, जो एक तरीके से पाकिस्तान के गुणगान गाती हैं, एक है ना कौन सी, वो मुफ्ती वाली PDP, PDP वगैरह, उनको क्या मिलती है, उनको फॉरेन से फंडिंग मिलती है, तो इनको मना कर रखा है, लेकिन ये कर ही देते हैं कहीं ना कहीं से, ब्लैक मनी में हवाला के थ्रू फंडिंग वगैरह कर देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं यहाँ पर अपना एजेंडा वगैरह चलाते हैं, इंडिया को बर्बाद करने का एजेंडा वगैरह वो यहाँ चलाते हैं। तो ये था अपना चैप्टर, टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। 13A 13 भी ज़्यादा काम का नहीं है, काम के अपने थे चैरिटेबल ट्रस्ट वाला टैक्सेशन जो अपने देखा था सेक्शन 11, 12, 13 में, वो सबसे ज़्यादा काम का था, वो अपन ने अच्छे से देख लिया। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, मिनिमम इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है, 10 मार्क्स तक इस चैप्टर का वेटेज होता है, एवरेज 10 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फिक्स है इसमें 8 नंबर का, 1-2 नंबर के इसमें हमेशा MCQ आ जाते हैं, तो 10 मार्क्स तक इस चैप्टर का वेटेज होता है, अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन जो आता है इसमें मैंने बता दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट की या टोटल इनकम निकालने का क्वेश्चन या एक्टिव टैक्स का क्वेश्चन ही आपको मिल जाएगा। कभी कभार इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट की जो टोटल इनकम निकालने का क्वेश्चन आता है ना, उसी की थ्योरी भी पूछ लेते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। बाकी जनरली चैरिटेबल ट्रस्ट की जो टोटल इनकम निकालने का फॉर्मेट बताया ना मैंने, वो तो अच्छे से कर लेना, उसका क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस होते हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।